वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदो कैसे हैं आप लोग गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून समीर वेंकटेश वृंदा अनीशा बद्री शरीन संजू खुशबू एवरीबडी मस्त है मेरे सारे स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स तो हम जो लास्ट मिले थे वेडनसडे को और आज जो हम मिल रहे हैं ट्यूसडे को इस बीच में काफी बवाल मच चुका है काफी दमाल मच चुका है एनएमसी के सिलेबस वाला जो पीडीएफ है उसने पब्लिक नोटिस ने बहुत ज्यादा तूफान मचा दिया है तो आपके और मेरे मिलने के बीच में काफी कुछ घटित हो चुका है उस पर ऑफकोर्स हम बात कर लेंगे आ, बट आ, आज इस यकीन सीरीज के अंदर एनसीआर लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं कि यहां पर हम कंप्लीट इलेवेंथ करने वाले हैं कहने को वन शॉर्ट है बट हम बेसिक से पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं क्लास में नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं आप चाहे इलेवेंथ क्लास में हो ट्वेल्थ क्लास में हो ड्रॉपर हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या बैकलॉग क्लियर करना है ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी अभी तक इस सीरीज के अंदर मैंने इलेवंथ पूरी कंप्लीट कर दी है जो टेन चैप्टर्स थे कंप्लीट कर दिए इलेवेंथ क्लास कंप्लीटेड और ट्वेल्थ क्लास के अंडर हमने इसमें अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी फोर चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए फोर इसके और टेन्थ इसके टोटल फोर्टीन चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं जो इसी चैनल की प्ले में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आइए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इसके बहुत ज्यादा वेटेज होता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में भी इससे थ्री क्वेश्चन आए थे थ्री या फोर क्वेश्चन आए थे बट आप मानकर चलिए कि इस चैप्टर से बहुत आराम से थ्री टू फोर क्वेश्चन बनते हैं और अब जो सिलेबस में चेंज है उसमें तो इसका वेटेज और ज्यादा बढ़ सकता है तो फुल पॉजिटिविटी के साथ फुल जोश के साथ आइए अपना नारा लगाते हैं आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के जीवन में कुछ नहीं होता और हमारी तो एक ही माता है बायोलॉजी माता तो आओ अपना नारा लगाते हैं बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो अब एनएमसी के न्यू सिलेबस को लेके मैं अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी आपके लिए वैसे तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन भी चुके हैं विपिन सर ने भी एक डिटेल वीडियो कंपटीशन वाला पे डाल दिया था सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए न्यू एनसीआर ओल्ड एनसीआर क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूंगी जल्दी अभी आप अपनी पढ़ाई को मत हैम्पर करिए सिर्फ दो चीजें हैं उसमें एक वो जो फैमिलीज हैं उसके लिए अभी थोड़ा वेट करो वो मालवेसी और वो कॉम्पोजिटी वाली ग्रामीणी वाली जो फैमिलीज हैं बिकॉज वो ना ओल्ड में है ना न्यू में है तो हो सकता है कि उसके लिए कोई नोटिफिकेशन आ जाए चेंज हो जाए तो अभी मत करो नहीं होगा तो आपके टीचर्स भी आपको करवा देंगे और इस सीरीज के अंदर भी हम लोग आपको करवा देंगे डोंट बारी दूसरा वो जो इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा है तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है बट मोस्ट प्रोबेबली वो फ्रॉग ही होगा क्योंकि न्यू एनसीआरटी में फ्रॉग दिया है केवल तो वो भी हम पढ़ लेंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगी डोंट बारी ठीक है कुछ मेजर चेंज नहीं है डिलीट हुई चीजें ऐड नहीं हुई है इसलिए घबराना नहीं है टेंशन नहीं लेना स्ट्रेस नहीं लेना और टाइम वेस्ट नहीं करना है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी मैं आपको बता दूंगी नई कोई अलग से एनसीआरटी नहीं खरीदनी अगर ओल्ड एनसीआरटी है तो उससे पढ़ते रहो न्यू एनसीआर है तो उससे पढ़ते रहो अगर न्यू एनसीआर है तो कौन से टॉपिक ओल्ड से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगी और अगर ओल्ड एनसीआर है तो क्या क्या नहीं पढ़ना वैसे तो आपको मालूम भी है बट फिर भी मैं एक बार गाइड कर दूंगी तो कोई किताबों में अपने पैसे जाया नहीं करने कोई फालतू की बर्बादी नहीं करनी है पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहे हो और ये जो चैप्टर है इसमें कोई भी चेंज नहीं है तो ये तो हमें मजे से मस्ती से पढ़ना है बायोटेक एप्लीकेशन जो मैं कल पढ़ाऊंगी उसमें स्ट्रेटजीज का दो पैराग्राफ ऐड करें बट वो मैं आपको पढ़ा दूंगी मेरी जिम्मेदारी है ठीक है तो आप बस अपने टीचर्स को फॉलो करते रहिए अपनी पढ़ाई करते रहिए अपना समय बर्बाद मत करिए ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट है करें शुरू तो जल्दी से मुझे यहां पे थम्स अप दे दो जो आज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक्साइटेड है कम ऑन एवरीबडी इसीलिए मैं बोल रही हूं अभी हम वेट कर लेंगे कॉकरोच का भी डोंट वरी ठीक है बिकॉज यू नेवर नो इंसेक्ट बिल्कुल कॉकरोच भी दे सकता है एग्जाम में कुछ भी हो सकता है भाई एनटीए पेपर बनाएगा कुछ भी हो सकता है Non एजेंसी यू नेवर नो एन टी ए बस अब सीरियस रहना है सिंसियर रहना है टाइम बर्बाद नहीं करना बैकलॉग क्रिएट नहीं करने देना है चलो बहुत सारे नाम ऐसे स्टूडेंट्स के दिख रहे हैं जिनको मैं इस सीरीज में शुरू से देखती आ रही हूं अर्ली चैप्टर से तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हैं जो भी टीचर को फॉलो करो सब बढ़िया है बट पूरा करो वो इंपॉर्टेंट है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए करें स्टार्ट देखो यहां पर सबसे पहले एक चीज देखो इस चैप्टर के नाम में एक शब्द है बायोटेक्नोलॉजी एक है प्रिंसिपल्स और एक है प्रोसेसेस अभी कुछ बुक बुक मत खोलो रजिस्टर मत खोलो पहले सुनो बायो का मतलब होता है लिविंग जीवित और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक यानी जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके इंसान के मैनकाइंड के ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे उस साइंस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं अभी कोई नई साइंस नहीं है सदियों से हमारी दादी नानी पर दादी पर नानियां दही जमाती आ रही है दूध में वो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो हल्का सा दूध गुनगुना करती हैं और उसके बाद में उससे दही जम जाता है इस टेक्निक से उन्होंने दही बना लिया और दही बहुत न्यूट्रिशियस है तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है आप जानते हो कि वाइन बनाते हैं या बियर बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं उसमें यीस्ट को यूज़ करते हैं यीस्ट क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक टेक्निक से फर्मेंटेशन से अल्कोहल फर्मेंटेशन से उसने बियर बना दी वाइन बना दी या ब्रेड बना दिया बेकरी आइटम बना दी ये भी बायोटेक्नोलॉजी है तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनकाइंड उस टेक्निक को करने के जो जो सिद्धांत है प्रिंसिपल्स और किस तरह से करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में कल यानी साढ़े तीन बजे वेडनेस को हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे लाइफ में कहां कहां यूज होता है पहले ध्यान से सुनना पहले पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करते थे बट फिर साइंटिस्ट ने देखा कि पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करने में काफी सारी अनडिजायरेबल खराब जीन्स भी एक्सप्रेस हो सकते हैं तो अब वो क्या करते हैं खाली वो पर्टिकुलर जीन जीन मतलब डीएनए जिससे एमआरएनए बनेगा और उससे फिर प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन से कैरेक्टर आएगा तो वो पर्टिकुलर जीन जो हमारे इंटरेस्ट का है काम का है जिसका प्रोडक्ट हम चाहते हैं उसे काट के और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि खूब सारा प्रोटीन प्रोडक्ट मिले अब में होल पूरा यूज, हम नहीं यूज करते, हम जेनेटिक पहले क्या होता था जब इंसुलिन इंसुलिन आप सबको पता है जिन्हें डायबिटीज होती है बॉडी में इंसुलिन कम बनता है तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले साइंटिस्ट क्या करते थे जो कैटल्स हैं मवेशी वो भी तो मैमल्स हैं जैसे सुअर है पिग गाय भैंस इनके इनमें भी पैनक्रियाज है उनमें भी बीटा सेल्स हैं वहां से भी इंसुलिन बनता है तो इन जानवरों को मारते थे इनके पैनक्रियाज निकालते थे उनके बीटा सेल से इंसुलिन निकालते थे कुछ प्योरिफाई करते थे और इंसानों को देते थे इंसुलिन का इंजेक्शन पर स्पीशीज तो अलग है तो कई बार इंसान का इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करता था और खतरनाक रिएक्शन होती थी और इंसान की डेथ तक हो सकती थी अब साइंटिस्ट ने क्या किया आनंद लेके सुनो साइंटिस्ट ने यह समझ लिया कि बीटा सेल के अंदर वो कौन सा क्रोमोजोम नंबर है और उसका कौन सा वाला जीन है जिससे इंसुलिन प्रोटीन बनता है उन्होंने या तो उस जीन को कट कर लो या लैब में आर्टिफिशियली बना लो और उसे एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया ई e. कोलाई के अंदर कल सिखाऊंगी इसकी डिटेल्स बैक्टीरिया आपको पता है फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करता है उसके अंदर ये जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया बन गया चंद घंटों में और उन सब के अंदर ये जीन आ गया और उन सब में हमें इंसुलिन मिल रहा है और ये वही इंसुलिन है जो इंसान में प्रोड्यूस होता है हमारा खुद का और इस इंसुलिन को अब इंजेक्शन के रूप में पेशेंट्स को दिया तो कोई फॉरन रिएक्शन भी नहीं हुई कोई जानवर मारना भी नहीं पड़ा बहुत कम टाइम में बहुत सारी इंसुलिन मिल गई इफेक्टिव इंसुलिन मिल गई कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हुआ ये क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी है हमने ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करा इंसुलिन प्रोड्यूस करने में दिस इज वॉट दिस इज बायोटेक्नोलॉजी एक और बड़ा मजेदार बताती हूँ आपने जुगनू पता है आपको जुगनू फायर बम अंधेरे में चमकता है साइंटिस्ट को आइडिया आया बोला ये चमक क्यों रहा है जरूर इसके पास कोई प्रोटीन होगा बायोल्यूमिनेसेंस जो अंधेरे में चमकने की प्रॉपर्टी देता है एनिमल किंगडम में पढ़ा था ना टीनोफोरा में जैसे होता है प्रोटीन है तो कोई एमआरए ने होगा एम आर है तो कोई डीएनए होगा साइंटिस्ट ने उस जीन का पता करा उस जीन को लैब में आर्टिफिशियली बनाया और उस जीन को पेड़ों के अंदर डाल दिया और ऐसे पेड़ सड़क के दोनों तरफ लगा दिए अब वो पेड़ रात को चमकते हैं स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है पेड़ भी लग गए प्लांटेशन भी हो गया और स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगानी पड़ी तो ये सब बहुत ब्यूटिफुल यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के जिसे हम कल चैप्टर में पढ़ेंगे बट आज उसके सिद्धांत उसका प्रोसेस यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस मजे आ गए ठीक है ऋतिक स्टेट ऑफ विक्ट्री परवेश कृति मजे आ रहे है? चल आइए तो एक बार अपनी एनसीआरटी ओपन करो एक बार एनसीआरटी ओपन करिए प्लीज एवरीबडी फर्स्ट पेज देखो फर्स्ट पेज जल्दी से मुझे ओल्ड एनसीआरटी और न्यू एनसीआरटी दोनों का एक बार पेज नंबर बता दो जल्दी से ओल्ड एनसीआरटी का तो आई थिंक ये पेज नंबर 193 है न्यू एनसीआरटी का एक बार मुझे बताओ जल्दी से खुशी पूनम मैजमीन धर्मेंद्र सुष्मिता ओल्ड का तो मुझे पता है न्यू न्यू का न्यू न्यू का ओल्ड तो मैंने लिख दिया न्यू एनसीआरटी नहीं है किसी के पास न्यू 163 ठीक है 163. चलो आ जाओ कुछ लाइंस पहले मार्क करते हैं मेरे साथ मार्क करिए बायोटेक्नोलॉजी मतलब वो सारी टेक्निक्स टेक्निक्स जिसमें हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कोई एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन प्रोसेसेस क्यों लिख रहे हैं जैसे हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर उसमें भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज उसका एंजाइम यूज करते हैं तो वो एक प्रोसेस के लिए है चीजें बनाने में तो मैंने आपको बताया इंसुलिन बना रहे हैं वो सब चीजें हो गई चलो जैसे दही बनाना ब्रेड वाइन इन सब में माइक्रोब्स लगेंगे माइक्रोब्स ठीक है बट नाव डेज अब अब कब यूज करते हैं किस टेंस में यूज करते हैं टुडे वो प्रोसेसेस जहां पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मैं अभी सिखाऊंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जैसे ई e. कोलाई के अंदर मैंने इंसान वाला ह्यूमन जीन डाला तो ई e. कोलाई के पास खुद का जेनेटिक्स तो है पर एक न्यू जीन आ गया यानी ई कोलाई का जेनेटिक्स मॉडिफाई हो गया रूपांतरित हो गया तो ई e. कोलाई हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब उस पेड़ के अंदर जुगनू वाला जीन डाला तो पेड़ का जेनेटिक्स चेंज हो गया तो पेड़ प्लांट हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है उसको यूज करेंगे डन इतना मार्क करा सबने चलिए अब इसके एग्जाम्पल आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, देन एक जीन बनाना और उसे यूज करना ये मैं कल पढ़ाऊंगी जीन थेरेपी बोलते हैं जीन थेरेपी ये रहा करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन दिस इज जीन थेरेपी डीएनए वैक्सीन बनाना डीएनए वैक्सीन ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है डीएनए वैक्सीन ऐसे केले बना दिए बनाना जिसमें वैक्सीन डाल दिए केला खा लो वैक्सीन लगाने का इंजेक्शन लगाने का पंगा ही नहीं यानी अब जो बॉडी है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई एफ बी ये फॉर्म आना चाहिए प्लीज मार्क करिए ई एफ बी ये फॉर्म आना चाहिए ई एफ बी इसने क्या कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम होल ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में हम केवल उसका डीएनए भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यानी पुराना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यूज को कंबाइन कर एक परिभाषा दी इंटरनेशनल लेवल पर क्या है वो परिभाषा आइए समझिए इन्होंने ये कहा कि या तो आप पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करो या उसका सेल यूज करो या सेल का कोई पार्ट यूज करो सेल का पार्ट मतलब जैसे डीएनए कोई मॉलिक्यूल यूज करो और उसमें कुछ फिजिक्स लगेगी कुछ केमिस्ट्री लगेगी कुछ साइंस लगेगी यानी नेचुरल साइंस लगेगी उस टेक्नोलॉजी को यूज करो तो लिविंग में आप ऑर्गेनिज्म या उसका सेल या उसका पार्ट कोई भी मॉलिक्यूल वो यूज करो प्लस नेचुरल साइंस यानी टेक्नोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री यूज करो इन दोनों को मिलाओ और इससे कोई प्रोडक्ट बनाओ जैसा मैंने बताया इंसुलिन बना रहे हैं या कोई सर्विस सर्विस जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अलाइज़ा मैं कल पढ़ाऊंगी ऐसी कोई सर्विस बनाओ सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम या उसका सेल या कोई पार्ट या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये डेफिनेशन परिभाषा दी ई एफ बी यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कर लिया मार्क्स सबने ठीक है 143 नहीं 163 लिख रहे थे ना आप लोग चलो नाउ अब आइए इसके दो सिद्धांत क्या है सुनिए पहले मुझे सुनो देखो पहला सिद्धांत क्या होगा समझो मैं इंसुलिन का एग्जाम्पल देती हूं सबसे पहले मुझे मैंने ह्यूमन इंसुलिन जीन या तो ह्यूमन के पैनक्रियास के बीटा सेल के अंदर से कट कर लिया या लैब में आर्टिफिशियली बना लिया फिर मैंने उस डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला ई कोलाई बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया अगर मान लो मैं इसे बैक्टीरिया में डालू पर मेरा जीन मल्टीप्लाई ना करे तो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है या एक्सप्रेस ना करे यानी प्रोटीन ही ना बनाए तो भी कोई मतलब नहीं है यानी मुझे वो जीन इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाकर ये ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए और एक्सप्रेस करे एक्सप्रेस मतलब और फिर प्रोटीन प्रोटीन बनाए insulin, बनाए इंसुलिन और जब ये इकोलाई e डिवाइड करे तो मेरा जो जीन है जो मैंने डाला है जिसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं वो सारे डॉटर सेल में भी जाए और वहां भी एक्सप्रेस करे यानी मैं एक इंजीनियर की तरह काम कर रही हूं इंजीनियर क्या होता है आपने देखा है छोटे बच्चे बच्चा जब छोटा होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी खिलौना ला कर दो तो वो काट फटाफट फटफट फट सब खोल खाल देते हैं उसको तो मम्मी पापा बड़े बड़े शान से बड़े खुश होकर प्राउडली बोलते हैं अरे ये तो बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा जैसे वो थ्री इडियट्स में देखा था आमिर खान वो पेज का साथ लेके ही रहता था कुछ भी खोल दिया मशीन तो यहां हम इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं हमने ह्यूमन इंसुलिन का जीन कट किया उसे ई कोलाई के अंदर डाला ई e कोलाई में वो मल्टीप्लाई करे और अपने आप को एक्सप्रेस करें हमारा प्रोडक्ट बनाए और जब ई कोलाई डिवाइड करेगा तो सारे डॉटर सेल में भी फैले और प्रोडक्ट बनाए यानी हम इंजीनियर बन गए इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग तो पहला सिद्धांत पहला प्रिंसिपल मार्क करिए एनसीआरटी में जेनेटिक इंजीनियरिंग यहां वो सारी टेक्निक्स आएंगी हम सीखेंगे जहां पर हम जेनेटिक मटेरियल मोस्ट कॉमनली डीएनए या आरएनए जो भी है उसकी केमिस्ट्री में चेंज करेंगे ऑल्टर मतलब चेंज करेंगे चेंज मतलब ये काट -छाट जो कर रहे हैं इधर का काटा उधर जोड़ा और उसे इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर होस्ट मतलब जैसे ई e कोलाई जिसके अंदर आपको डाल रहे हो और इस तरह से डालेंगे कि होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाए इस बात को समझो फिनोटाइप मतलब दिखाई देना यानी होस्ट के अंदर जाकर वो जीन प्रोडक्ट बनाएगा तो नॉर्मली देखोगे तो उसके अंदर इंसुलिन प्रोटीन नहीं दिखेगा पर ऐसा देखोगे तो उसके अंदर प्रोटीन मिल रहा है इंसुलिन वाला यानी उसके अंदर नया प्रोटीन मिल रहा है यानी उसका फिनोटाइप चेंज हो गया तो क्या कहेंगे फिर से सुनो मेरे से जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब वो सारी टेक्निक जिससे हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करेंगे उसे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और होस्ट का फीनोटाइप चेंज होना चाहिए यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होना चाहिए यानी प्रोटीन बनना चाहिए। मजे आ गए ठीक so, है सो तीन पॉइंट्स हैं इसमें ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंट्रोड्यूस इन टू होस्ट एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आर डी एन ए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जितना इत, इतना जितनों को समझ में आ गया मुझे यस या थम्स अप दे दो बबलू कह रहे हैं है मैम आपकी वजह से मेरे जुलॉजी में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं थैंक यू मैम गॉड ब्लेस यू बहुत बढ़िया बिल्कुल इंप्रूव होंगे अगर आप सिंसियरली कोई भी स्टूडेंट फॉलो करेगा जरूर इंप्रूव होंगे हम सब कुछ पढ़ रहे हैं बेसिक से पढ़ रहे हैं एक एक लाइन पढ़ रहे हैं ठीक है चल आगे बढ़ जाए अब दूसरा सिद्धांत समझो सुनो सुनो ध्यान से सपोज करो मैंने एक ई कोलाई लिया बड़ा ध्यान से सुनना कहानी की तरह मैंने एक ईकोलाई लिया मैंने उसके अंदर वो इंसुलिन वाला जीन डाला वो जीन एक्सप्रेस भी कर रहा है वो ई कोलाई डिवाइड भी कर रहा है उसमें भी मेरा प्रोटीन बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं अब ये ईकोलाई जब डिवाइड कर रहा है तो इसे खाना पीना चाहिए ना तो मैंने क्या किया मैं इसको वो खाना पीना सब कुछ दे रही हूँ एक बर्तन में बंद करके सब कुछ दे रही हूँ ताकि धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा मल्टीप्लाई करे और मेरे को बहुत सारा मेरा प्रोडक्ट मिल जाए मान लो उस बर्तन के अंदर एक फंजाई भी है और वो खाना पीना फंजाई यूज करने लग गया फंजाई की तो ग्रोथ हो गई फल फूल गया और मेरा बेचारा ईक आई मूका मर गया तो क्या ये सब कुछ फेल नहीं हो जाएगा फेल हो जाएगा यानी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं उसकी ग्रोथ करा रही हूं रिप्रोडक्शन करा रही हूं होस्ट की तो केवल डिजायरेबल होस्ट जिसे मैं चाहती हूं बड़े वो ही बड़े और बाकी उस बर्तन के अंदर उस कंटेनर के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल माइक्रोब नहीं होना चाहिए यानी उस बर्तन को मुझे पहले स्टिराइल बनाना पड़ेगा पूरा स्टिराइल ताकि अनडिजायरेबल माइक्रो की ग्रोथ ना हो केवल डिजायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ हो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि यहां जो मैं दिमाग लगा रही हूं वो प्रोसेस के दौरान लगा रही हूं जब मैं ग्रोथ करवा रही हूं इसे कहते हैं सेकेंड सिद्धांत बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इसमें हम मेंटेन करेंगे स्टिराइल कंडीशंस यानी माइक्रोब का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए आप ई कोलाई ग्रो करवाना चाह रहे हो केवल ई e. कोलाई होना चाहिए और कोई दूसरा बैक्टीरिया फंजा वायरस कुछ भी नहीं होना चाहिए उस बर्तन के अंदर इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस ताकि सिर्फ ग्रोथ हो डिजायर्ड वाले की डिजायर्ड जैसे इस केस में ई e. कोलाई था या पेड़ के केस में वो पेड़ का सेल होता जिसके अंदर आप जुगनू चमकने वाला जीन डाल रहे हो लार्ज क्वांटिटी में हम बनाएंगे लार्ज क्वांटिटी में क्या बनाएंगे जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है जैसे कोई एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम्स एक्सेट्रा जैसे इंसुलिन हॉर्मोन है तो हॉर्मोन एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम्स जो भी बनाना है आपको तो पहला सिद्धांत है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा सिद्धांत है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में तीन पॉइंट्स याद रखने हैं नंबर वन हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करेंगे नंबर जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और नंबर थ्री उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज होना चाहिए यानी उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होना चाहिए प्रोटीन बनना चाहिए और दूसरा सिद्धांत है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जब हम प्रोसेस करेंगे तो हम स्टिराइल वातावरण एम्बियंस मतलब वातावरण क्रिएट करेंगे एनवायरमेंट यानी कोई दूसरे माइक्रोब का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए ताकि ओनली डिजायर्ड वाला माइक्रोब ही ग्रो करे और लार्ज क्वांटिटीज में हमें अपना प्रोडक्ट मिले हो गया आनंद अच्छे से समझ में आ गया एम्बियंस का मतलब होता है ये एक इंग्लिश वर्ड है एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण एनवायरमेंट जो भी आस पास का एनवायरमेंट है जैसे ये रूम मेरा एम्बियंस है अगर मैं इसे गंदा रखूंगी तो मैं बोलूंगी मेरा एम्बियंस क्लीन नहीं है यानी मेरे आसपास की सराउंडिंग कह सकते हो क्लीन नहीं है तो हम जिस एनवायरमेंट में उसे ग्रो करेंगे जिस सराउंडिंग में उसे ग्रो करेंगे वो क्लीन होनी चाहिए कोई दूसरा माइक्रोब उसका हक मारने नहीं आना चाहिए ठीक है चलिए शंकर बेटा अभी तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि कॉकरोच आएगा या फ्रॉग आएगा क्योंकि इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा है अब क्या करें भाई एनएमसी से इतनी बड़ी पता नहीं क्या बोलू मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने को इतना समझ लो आप कि फ्रॉग जो है वो क्योंकि न्यू एनसीआरटी में ओनली फ्रॉग दिया है ना कॉकरोच दिया है ना अर्थवर्म दिया है केवल फ्रॉग दिया है तो ज्यादा चांसेस है फ्रॉग के बट हो सकता है कि वो इंसेक्ट कॉमा फ्रॉग लिखना चाह रहे हो सकता है वो इनसेक्ट ब्रैकेट में कॉकरोच लिखना चाह रहे हो गलती से फ्रॉग लिख गए यू नेवर नो तो कॉकरोच और फ्रॉग अभी तो दोनों मानेंगे मुझे लगता है इस चीज को लेके जल्दी ही कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा एक ये वाला पॉइंट और एक फैमिलीज वाला जो पॉइंट है क्योंकि मालवेसी कॉम्पोजिटी और ग्रामिनी वो फैमिली तो ना ओल्ड में है ना न्यू में है तो आई थिंक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा नोटिफिकेशन लेट्स तब तक बाकी पढ़ के रख लेते हैं यार बाकी कौन सा अपने टिप्स पर है अभी ठीक है चल दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए आ जाओ अब ये बहुत जनरल सी बातें लिखी हैं सुनो इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने इसमें इतनी सी बात लिखी है कि हमें पता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें कोई मियोसिस तो होता नहीं है यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है यानी जीन्स जेनेटिक्स चेंज नहीं होती आपको पता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के से मम्मी पापा की कार्बन कॉपी बच्चे पैदा होते हैं यानी कोई चेंज नहीं आता अगर आप चेंज चाहते हो तो सदियों से हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते आए हैं हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक अच्छी दूध देने वाली गाय है एक स्ट्रॉन्ग डिजीज रेजिस्टेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बैल है उनका रिप्रोडक्शन करा दो पर कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उनका जो बच्चा होगा बछड़ा उसमें माँ और बाप दोनों की बेस्ट क्वालिटीज आए नहीं हो सकता है कि पिता की बहुत एग्रेशन वाली क्वालिटी आ जाए या फादर का डिजीज रेजिस्टेंट आ जाए लेकिन मदर की दूध देने वाली प्रॉपर्टी ना आए कुछ भी हो सकता है भाई तो कोई कोई फिक्स थोड़ी ना है कोई फिक्स थोड़ी ना है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से तो हम फिक्स कर रहे हैं अगर मैंने इंसुलिन वाला जीन डाला है तो इंसुलिन ही बनेगा कोई दूसरा उल्टा सीधा प्रोटीन नहीं बन जाएगा यहाँ पर यही क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है वेरिएशन के लिए वेरिएशन बदलाव आते हैं जिससे यूनिक यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनमें से कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं कुछ हो सकते हैं यानी कुछ हार्मफुल भी आ सकते हैं दूसरी तरफ जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो तो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी कोई बदलाव नहीं लाता है और सेक्शुअल वाला जो है वो बदलाव लाता है तो सेक्शुअल से वेरिएशंस आते हैं और ए सेक्शुअल प्रिजर्व करता है ऐसा का ऐसा रखता है हाइब्रिडाइजेशन पहले जमाने में यूज किया जाता था हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग में यूज करते थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह थी कि काफी बार वेरी ऑफन अनडिजायरेबल जीन्स का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता था अलोंग विथ डिजायरेबल जीन्स पर मैं ये नहीं चाहती मैं केवल पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट चाहती हूं वहां बायोटेक्नोलॉजी का रोल आता है लिख रहे हैं सब लोग अच्छे से समझ में आ रहा है सो so, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है इसमें हम आर डीएनए बनाएंगे मैं अभी सिखाऊंगी अभी सिखाऊंगी हम जीन क्लोनिंग करेंगे अभी सिखाऊंगी आपको फिर हम जीन ट्रांसफर करेंगे जिससे हम इस लिमिटेशन को ओवरकम करेंगे और केवल डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करेंगे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन हमारी मर्जी है कि हम कौन सा जीन डाल रहे हैं और कौन सा जीन नहीं डाल रहे हैं वो कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे ये वाले स्टेप्स में सिखाऊंगी ठीक है चल आ जाओ पहले अब इसको समझो पहले समझिए देखो यहां पर ये यह लिखा है कि एक नॉर्मल सपोज मैंने इंसुलिन वाला डीएनए जीन कट किया मैं उसे डायरेक्ट अगर e में डाल दूंगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है कि जीन खुद मल्टीप्लाई करता है लेकिन अगर मैंने उसे किसी ऐसे डीएनए के साथ जोड़ा जिसमें खासियत है अपनी कॉपीज बनाने की हम उसे यहां वेक्टर डीएनए कहेंगे अभी मैं सिखाऊंगी तो अगर मैंने उस वेक्टर डीएनए को अपने वाले जीन जो मेरे पसंद का जीन है डिजायर्ड जीन के साथ जोड़ा तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी मल्टीप्लाई कर जाएगा यानी टैक्सी है या बस है या ट्रेन है जिसमें बिठाकर मैं अपने जीन को पहुंचाऊंगी अभी बताती हूं आपको तो नॉर्मली जीन जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है लेकिन अगर कैसे भी करके आपने उसे अंदर घुसाया इस तरह से कि वो मल्टीप्लाई करे तो वो होस्ट के डीएनए के साथ साथ अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा ये लाइन अभी थोड़ी सी देर में और समझ में आएगी थोड़ा सा टाइम दो मुझे अभी सब समझ में आएगा चलिए आइए आपको पहले सिखाती हूं प्लीज अपने रजिस्टर ओपन करिए अपना रजिस्टर ओपन करो तब ये लाइन समझ में आएगी पहले रजिस्टर ओपन करो सुनो ध्यान से कहानी है 1972 प्लीज लिखिए दो साइंटिस्ट हुए हैं स्टैनले कोहन स्टैनले एंड हर्बर्ट बोयर हर्बर्ट बोयर हर्बर्ट बोयर ये दोनों इंपॉर्टेंट है 1972 सेवेंटी टू स्टैनले एंड बोयर इन्होंने फर्स्ट आर डीएनए क्रिएट किया था फॉर्म किया था फर्स्ट आर डीएनए सवाल उठता है आर डीएनए क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है देखो सुनो ध्यान से सपोज करो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जीन है मान लो यानी जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए प्रोडक्ट उसका वाला जीन है वो कुछ भी हो सकता है यानी इसे मैं क्या क्या कह सकती हूं इसे मैं डिजायर्ड जीन कह सकती हूं इसे मैं मेरे पसंद का इंटरेस्ट का जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकती हूं इसी को मैं दूसरे ई कोलाई में डालूंगी इंसान का जीन ई कोलाई में डालूंगी तो ई कोलाई के लिए तो ये जादू है कहीं बाहर से आया है यानी इसी को फॉरेन जीन भी कहते हैं या एलियन जीन भी कहते हैं जीन मतलब डीएनए ये सारे नाम उस जीन के हैं जिसका प्रोडक्ट मैं चाहती हूं अब अगर मैं इसे इस दूसरे जीन के साथ जोड़ू ये क्या होगा मैं अभी बताऊंगी डीएनए ही है ये भी डीएनए है इसका प्रोडक्ट मैं नहीं चाहती इसको मैं यूज कर रही हूं ताकि ये होस्ट ई कोलाई के अंदर आ जाए तो इसे वेक्टर कहते हैं वेक्टर वेक्टर तो एक तरफ तो मेरा डिजायर्ड जीन है और एक तरफ वेक्टर है अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कहलाता है आर आरडीएनए आर डीएनए मतलब जीन प्लस वेक्टर ये सब कैसे होगा धीरे धीरे सब समझ में आएगा रिकॉम्बिनेंट यानी एक नया कॉम्बिनेशन बन गया एक न्यू कॉम्बिनेशन बन गया सबसे पहले कोहन एंड बोयर ने आर डीएनए बनाया था कैसे बनाया था समझो उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया ठीक है कौन सा बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम ये बैक्टीरिया का नाम आता है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम नाम से ही समझ में आ रहा है ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला सालोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया सपोज करो ये बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है यानी ये इसका जीनोमिक डीएनए है जिसे आप न्यूक्लियोइड पढ़ते हो ना बैक्टीरिया का डीएनए इसके पास वो सारे जीन्स हैं जिनसे वो सारे प्रोटीन्स बनेंगे जिससे ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया होगा कि कुछ बैक्टीरिया नॉट ऑल बैक्टीरिया के पास प्लाज़मिड्स मिलते हैं प्लाज़मिड्स। सपोज ये प्लाज़मिड्स हैं। प्लाज़मिड क्या पढ़ाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है इस पर प्लाज्मिट बहुत सारे हो सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा यानी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ही है कैसा डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड और गोल ये भी होता है यानी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस पर क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा था और प्लाजमेट के बारे में और सिंगल स्टैंडर्ड लिखा था वो इनकरेक्ट था सो so, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये अपनी मल्टीपल कॉपीज डीएनए रेप्लिकेशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है ये तो अपनी कॉपीज अलग बनाएगा डीएनए से डीएनए डीएनए से आरएनए आरएनए से प्रोटीन पर ये अपनी कॉपीज खुद बनाते हैं ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है इसे बोलते हैं ऑटोनॉमसली यानी खुद ऑटोनॉमसली या सेल्फ टिंग कोई भी प्लाज्मेड ऐसा ही होता है सम बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया बैक्टीरिया सम बाक्तिरिया. अब है तो ये भी डीएनए डीएनए मतलब इसमें भी जीन है जीन क्या होता है वो डीएनए यानी डीएनए का वो पार्ट न्यूक्लियोटाइड्स का वो हिस्सा जिससे एमआरएनए और कोई प्रोटीन बने उसे जीन कहते है. तो इस बैक्टीरिया के पास प्लाज़मिड में ये जो पर्टिकुलर जीन था पर्टिकुलर जीन ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता था जिसके कारण अगर इस बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक में डालें नॉर्मली एंटीबायोटिक क्या होता है ऐसा केमिकल जिसमें बैक्टीरिया मर जाता है पर ये बैक्टीरिया नहीं मरता था ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता था ये जीन ऐसा प्रोटीन बनाता था यानी इस जीन के कारण से ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एंटीबायोटिक में मरता नहीं है यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये जीन इसके मेन डीएनए में नहीं है ये जीन इसके प्लाज्मेड में है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपने ये लाइन भी पढ़ी होगी अगर आपको याद हो जहां पर प्रो कैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है वहां पर प्लाज्मिड बताया है कि प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है सेल्फ रेप्लीकेटिंग है सम बैक्टीरिया में मिलता है और जिनमें मिलता है उनमें एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है मतलब यहां पर ये इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देंगे यानी ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा ठीक है अब दूसरी तरफ इन्होंने एक ई कोलाई लिया एसचर्चिया कोलाई ये भी बैक्टीरिया है इसके पास भी एसचर्चिया कोलाई इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है खुद का जीनोमिक डीएनए जो ऐसे प्रोटीन बनाता है जिससे ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है डिवाइड करता है वो सब करता है पर इसके पास में ऐसा कोई प्लाज्मे नहीं है जो इसे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट देता हो यानी नॉर्मली नॉर्मली ये बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एपसेंट है एपसेंट नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ठीक है अब उन्होंने क्या किया उन्होंने सबसे पहले ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन है इसे काटा आप काटा कैसे आप घर में कोई या चाकू से नहीं काटा उसके लिए स्पेशल एंजाइम्स आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले इस जीन को कट किया इस जीन को कट किया सपोज करो ये वो जीन है ये इस जीन के पास ये काबिलियत है कि ये ऐसा प्रोटीन बनाए जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिले यानी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक या में ना मरे अभी तो ये बेचारा मर जाता है एंटीबायोटिक में डालने पे मर जाता है यानी ये है हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रेजिस्टेंट जीन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी डिजायर जीन फॉरन जीन एलियन जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी बोलो ठीक फिर इन्होंने एक दूसरा सालमोनेला टाइफी म्यूरियम ही लिया और उसका बचा हुआ पार्ट ले लिया बचा हुआ पार्ट और इन दोनों को चिपका दिया जोड़ दिया इन दोनों को जोड़ दिया तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूं कि ये नेटिव प्लाज्मेड है नेटिव प्लाज़मिड मतलब बेटा ध्यान से सुनो नेटिव प्लाज़मिड मतलब सालमोनेला टाइफी म्यूरियम का ही डिजायर्ड जीन लिया है और सालमोनेला टाइफी म्यूरियम से ही प्लाज़मिड लिया है और दोनों को चिपका दिया जब भी जोड़ते हैं ज्वाइन करते हैं तो डीएनए लाइगेज लगता है सो दिस प्लस दिस इन्हें जोड़ दिया यानी ये क्या बन गया ये एक आर डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इन्हें जोड़ने में कौन सा एंजाइम काम आता है लाइगेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम यूज करा उन्होंने डीएनए लाइगेज एंजाइम यहां पर लेट मी राइट डीएनए लाइगेज लाइगेज का मतलब ये होता है जोड़ना चिपकाना तो डीएनए लाइगेज ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यानी डिजायर्ड जीन को बाकी बचे हुए प्लाज्मिड उसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ चिपका दिया और फिर उन्होंने इस आर को होस्ट के अंदर डाल दिया क्या मतलब ऐसा ये एक डाला उन्होंने और ये तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो इसने अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली बहुत सारी कार्बन कॉपीज बना ली जिसमें सब में हमारा वाला डिजायर्ड जीन भी है और ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करेंगे यानी प्रोटीन भी बनाएंगे जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट देता है यानी अब ये ई कोलाई जो है ये एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा और जब ई कोलाई ने डिवाइड करा एक से दो फिर दो से चार तो उन सब में हमारा जीन भी पहुंच रहा है जितने भी डॉटर या प्रोजिनी ई कोलाई हैं वो सारे के सारे क्या बन गए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फिर से सुनो डिजायर्ड जीन है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देने वाला जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से कट किया उसे ज्वाइन किया उसी बैक्टीरिया के बचे हुए प्लाज्मिट से यानी ये वेक्टर हो गया बस है ये जिसमें बिठाया है इसको वेक्टर और जब वेक्टर और डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं जब भी जोड़ोगे तो लाइगेज लगेगा या डीएनए ज्वाइन कर रहे हैं तो डीएनए लाइगेज लगेगा यानी आर डीएनए बन गया फर्स्ट आर डीएनए उन्होंने बनाया और उन्होंने उसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला नॉर्मली ई कोलाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक में डालने पर मर जाता था पर अब वो मर नहीं रहा ना वो ना उसके बच्चे क्योंकि उन सब के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन चला गया है आर डीएनए के फॉर्म में क्या मैं इसे बेटा जीन क्लोनिंग बोल सकती हूं हमने जो आर डीएनए डाला उसकी क्लोनिंग हो गई उसके एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज बन गई जीन क्लोनिंग हो रही है मुझे बताइए इनमें से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहूं कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मैंने कुछ नया इंट्रोड्यूस करा उसका जेनेटिक्स बदल गया पहले उसके पास इतने ही जीन्स थे अब ये नया जीन आ गया ई e. कोलाई बिल्कुल सही सो ई कोलाई को बोलेंगे हम या तो बोलो होस्ट ये होस्ट है इसके अंदर डाला है हमने या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ या इसे ही कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांस ट्रांस का मतलब होता है चेंज जैसे ट्रांसफर कर देना किसी का जगह बदल देना यहां पे जेनेटिक्स बदल दी तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या होस्ट यही है एक एक शब्द समझ में आ रहा है तो फर्स्ट आर डीएनए स्टैनले एंड बोयर ने बनाया 1972 में साल्मोनेला टाइपी म्यूरियम से डिजायर्ड जीन लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उसी से उसी का प्लाज्मिड यूज किया एज वेक्टर आर डीएनए बनाया होस्ट ई कोलाई के अंदर डाला और अब ई कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए साइंटिस्ट ने बोला यार ये कौन सी बड़ी बात है आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मैम ये ही क्यों जब जोड़ना था ये इसीलिए किया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या ऐसे करकर हम आर डीएनए बना सकते हैं तो साइंटिस्ट ने बोला यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसी का डीएनए उसी का वेक्टर तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का दर्जा नहीं दिया गया एन में नहीं दिया बट एक्चुअली पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरस और बैक्टीरिया यूज करा एक का डिजायर्ड जीन और एक को वेक्टर की तरह तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इन्हें नहीं कहा गया बट ये नेटिव प्लाजमेट का मतलब समझ में आया और ये जो कटिंग करी है ना इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कट ये कट कैची जो होती है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी तो अफकोर्स इसके पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी थी तो इस बात को भी हम लिख देते हैं कि यहां पे कटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड यान जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बिकेम आप नीचे लिख सकते हो जगह नहीं हो तो बिकेम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ क्योंकि तब तक ऑलरेडी खोज हो चुकी थी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फुल फॉर्म थोड़ी देर में लिख लेंगे अपन तो कटिंग क्यों पॉसिबल हुई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के कारण और जॉइनिंग क्यों पॉसिबल हुई डीएनए लाइगे के कारण तो तब तक डीएनए लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस न्यूक्लियन सबकी खोज हो चुकी थी जल्दी से लिख लो सब, फटाफट से आया इसका एक एक लाइन का मतलब समझ में आया ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग है सर्कुलर है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो था ये फॉरेन जीन है इसे कट किया फिर नेटिव प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन किया ई e. कोलाई के अंदर डाला ज्वाइनिंग डीएनए लाइगेज ने करवाई और अब ई कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया धीरे धीरे अभी और समझ में आएगा डोंट वरी धीरे 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 समझ आएगा और आर डीएनए की मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपीज बन रही है यानी क्लोनिंग हो रहा है ठीक है हाँ चल अब आ जाओ एनसीआरटी की ये लाइन पर वापस आ जाओ अब समझ आएगा देखो ये लाइन चल रही थी अपनी देखो हाइब्रिडाइजेशन वाला पैराग्राफ देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया समझ आएगा सबसे पहले ने फॉर्म किया यानी जो भी डिजायर्ड जीन है और जिसे भी मुझे वेक्टर की तरह यूज करना है उन्हें ज्वाइन करवाया दोनों को कट किया दोनों को ज्वाइन करवाया आर डीएनए बनाया फिर उसे क्लोनिंग करी और ट्रांसफर करा यानी पहले होस के अंदर ट्रांसफर करो और उसके अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा रहे केवल डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है ओनली डिजायर्ड तो जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पुराना ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन था कि उसमें डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड भी जीन एक्सप्रेस हो सकता है प्रोडक्ट मिल सकता है उसे हमने ओवरकम कर लिया आ गया मजे आ गए ठीक है बेटा इतना नेहा इतना समझ लीजिए कि नेटिव प्लाज्मिट का मतलब है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का ही प्लाज्मिट यूज करा है और साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया है अब हो सकता है वो एक ही बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम या दो साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम है दोनों के प्लाज्मिट कट करें एक का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले लिया एक का बचा हुआ प्लाज्मिट ले लिया वो हो सकता है पर स्पीशीज सेम है इंपॉर्टेंट है स्पीशीज सेम है स्पीशीज से में ठीक है डन नेटिव प्लाजम मतलब सालमोनेला का ही है जो भी है चलो देखो क्यों मल्टीप्लीकेशन हुआ है क्योंकि एलियन डीएनए यानी डिजायर डीएनए क्रोमोजोम का पार्ट बन गया है अब वो रेप्लीकेट करेगा ये अभी समझ में नहीं आएगा ये थोड़ी देर में समझ में आएगा अभी बस इतना समझ लो कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लीकेट कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट के अंदर अपनी मल्टीपल एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज बना रहा है इसे क्लोनिंग बोलते हैं जीन क्लोनिंग डीएनए क्लोनिंग बोलते हैं यानी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा है अभी ये लाइन समझ में नहीं आएंगी ठीक है मैं लिखवा रही हूं आपको लिखवा रही हूं एक एक चीज लिखवा रही हूं इंपॉर्टेंट सारी चीजें लिखवा रही हूं मार्क करा सबने आर डीएनए का क्रिएशन जीन का ट्रांसफर जीन की क्लोनिंग ओनली डिजायरेबल जीन एक्सप्रेस होगा प्रोडक्ट मिलेगा अनडिजायरेबल नहीं होगा डीएनए वैसे अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता लेकिन हम उसे इस तरह से अंदर डाले हमने कैसे डाला वेक्टर के साथ जोड़कर डाला की वो होस्ट के अंदर जाकर और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज तो उसे जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग कहेंगे ठीक है चलिए देखो एनसीआरटी की लाइन मैं सब पढ़ा चुकी हूं ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट आर डीएनए बनाना मैंने आपको सब कुछ डायग्राम में बनवा दिया सिर्फ यहां बैठकर मार्क कर लो देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए क्यों हुआ था क्योंकि हमने लिंक किया एक जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला है विद अ नेटिव प्लाज्मेड तो ये हमारा फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन है ये हमारा वेक्टर है किसका लिया है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग है सर्कुलर है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड होता है यहां नहीं लिखा पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है यह काम किया था कोहन एंड बोयर ने 1972 में इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया और प्लाज्मिड के साथ जोड़ा कटिंग क्यों पॉसिबल हुई थी क्योंकि डिस्कवरी हो गई थी मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की फिर इन कट पीस को प्लाज्मिक डीएनए के साथ जॉइन कर दिया डीएनए लाइगेस की हेल्प से समझ आ रही है पूरी एनसीआरटी ये प्लाज्मिट डीएनए वेक्टर बस की तरह काम कर रहे हैं बस ट्रेन टैक्सी की तरह जो ट्रांसफर करेंगे हमारे डिजायर डीएनए को जिसे हमने उसके साथ चिपका दिया है जोड़ दिया है नाउ ये वैसी ही बात है जैसे मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है तो मॉस्किटो जब किसी इंसान को बाइट करता है तो इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम डाल देता है मलेरिया करता है तो मॉस्किटो को हम वेक्टर बोलते हैं बिल्कुल वैसी ही कहानी है अब प्लाज्मिड को इसी तरह से हम वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं ताकि हम अपना एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए डिजायर डीएनए को डिलीवर कर सके होस्ट के अंदर जो इस केस में ई e. कोलाई है नाउ लिंकिंग क्यों पॉसिबल हुई थी चिपकाया कैसे था एंजाइम डीएनए लाइगेज से चिपकाया था तो कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और चिपकाया है लाइगेज एंजाइम से जो इन दोनों के एंड्स को चिपका देगा यानी वेक्टर जो यहां प्लाज़मिड है कटा हुआ पीस और डिजायर्ड डीएनए और इस तरह से बनेगा एक सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग डीएनए लैब में बना रहे आर्टिफिशियली और इसे हमने कहा आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर अभी और डिटेल में समझाऊंगी ऐसा समझ लो कि इंसुलिन का जीन जब ई कोलाई में डालते हैं तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जाके वो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता उसे किसी ऐसे डीएनए के साथ डालूंगी जो खुद मल्टीप्लाई कर सकता हो अपने आप तो जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ लिंक करके मैंने मेरा फॉरेन डीएनए भेजा है वो भी मल्टीप्लाई करेगा जीन क्लोनिंग करेगा ठीक है अब इस डीएनए को यानी आर डीएनए को ट्रांसफर करा ई कोलाई के अंदर एक बैक्टीरिया के अंदर और होस्ट का एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज को यूज कर अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है हमारा आर डीएनए अगर आपको पता हो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है और हमारे आरडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं यानी हमारा जो जीन है उसकी क्लोनिंग हो गई उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई है और अब कोलाई e भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है जितनों को समझ में आ गया जल्दी से ये अप दे दो सूरज आपकी वजह से मेरा बायो अच्छा हो गया सिलेक्शन के बाद आपसे एक बार जरूर मिलूंगा बिल्कुल आना सूरज आई बी सो सो हैप्पी टू मीट यू ऑल एक स्टूडेंट लिख रहा है कि मैम सिलेबस कम हो गया है तो आपके पुराने लेक्चर सफिशेंट है क्या स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिए कुछ एड नहीं हुआ है डिलीट हुआ है तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ पढ़ना है एनिमल टिश्यूज पढ़ना है भले ही वो न्यू एन में नहीं है बट पी में है एनिमल किंगडम पूरा पढ़ना है एज इट इज एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ना है एनिमल किंगडम हो गया एनिमल टिश्यू हो गया uh, और कौन सा पढ़ा है हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक हटा है बायोमोलिक्यूल्स का वो लिविंग स्टेट वाला जो था डायनेमिक स्टेट वाला बाकी सब कुछ पढ़ाया है आपको पूरा पढ़ना है आपको मुश्किल से दो पैराग्राफ्स हटे हैं इंपॉर्टेंट so, सब कुछ एंजाइम डीएनए आर एन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन वो सब कुछ पढ़ना है अमीनो एसिड प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट एवरीथिंग पूरा एनिमल किंगडम पढ़ना है एनिमल टिश्यू पढ़ना है एनिमल टिश्यू न्यू एनसीआरटी में नहीं है पर पढ़ना है सिलेबस में है नीट के बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ना है हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर पूरा हटा है डिलीट हुआ है ठीक है वो उन्होंने हटा दिया

तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ पढ़ना है एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यूज बायोमोलिक्यूल्स एक डाइजेस्टिव सिस्टम हटा सकते हो आप और एक सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम से ठीक है मैं जुलॉजी की बात कर रही हूं ज़ुलॉजी की अभी चल आगे बढ़े यकीन 2.0 पॉइंट आप लोग तो बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट अपन शुरू करने ही वाले थे उसके एक रात पहले ये पीडीएफ आया है तो अपने साथ ईश्वर है ठीक <laughs> है चलो इतना सबको समझ में आ गया तो मुझे ये थम्स अप दे दो जल्दी से फोर बाय फोर टेक्निक के साथ ओम करता हूं इट हेल्प्स अ लॉट गॉड ब्लेस यू बहुत बढ़िया स्नेहा शीश बहुत बढ़िया स्नेहा शीश आदर्श मॉलिकुलर बेसिस विपिन सर पढ़ाएंगे बढ़िया मस्त पढ़ाएंगे डोंट वरी ठीक है कौन से दो चैप्टर अपलिस्ट अपलोड नहीं है प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स है मैंने खुद चेक करा है मैंने तभी तो देखो मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाई थी आपको अर्थवम कॉकरोच की अभी तक डोंट वरी हम लोग बहुत समझदार है हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है हमारे साथ ईश्वर है ठीक है अरे एनटीए के बारे में ना बात करो अपन को तो पढ़ना है बस जो है जो व्यवस्था है वो है उसमें पढ़ना है उसमें सिलेक्शन निकालना है उसमें अपना करियर बनाना है और उसमें अपना जीवन बनाना है रोने से क्या होगा शिकायत करने से क्या होगा क्रिप करने से क्या होगा कुछ भी नहीं होगा अपना समय बर्बाद होगा ठीक है चलो आगे बढ़े फर्स्ट लेक्चर है आपका प्रांजल आई होप आपको मजे आ रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से लेके जा रही हूं आप लोगों को आगे आ जाओ कहानी में आगे बढ़ते हैं यानी अगर कोई पूछे कि किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो तीन स्टेप्स क्या है थ्री स्टेप्स क्या है तो आप क्या कहोगे आप क्या कहोगे आ जाओ देखते हैं जैसे यहां पे मुझे कोलाई e को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो थ्री स्टेप्स क्या है तो आप कहोगे मैम सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आपको कौन सा जीन डालना है यानी आप आइडेंटिफाई करो आपका डिजायर्ड जीन नंबर वन नंबर टू उस डिजायर्ड जीन को कट करके होस्ट के अंदर आप इंट्रोड्यूस करो वेक्टर की हेल्प लेके तो आइडेंटिफाइड जीन को इंट्रोड्यूस करो होस्ट के अंदर और तीसरा मैम आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करना कि वो होस्ट के अंदर एक्सप्रेस करे उसका फिनोटाइप चेंज करे यानी प्रोडक्ट बनाए और ना सिर्फ उस ईकोलाई e में उसके जो बच्चे पैदा होंगे प्रोजिनी उनके अंदर भी आपका प्रोडक्ट मिले यही कहोगे कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ बताओ जी कहोगे चलो तो यही बात तो एन भी कह रही है अपन और एनसीआरटी अलग थोड़ी है देखो जी सबसे पहले आइडेंटिफाई करो पहचान करो कि कौन सा आपका डिजायरेबल जीन वाला डीएनए है फिर आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करो और ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करो इस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को मेंटेन करो होस्ट में और उसका डीएनए उसके प्रोजिनी में भी आए बच्चों में भी जाए ठीक है आ गए मजे आ गए आगे बढ़े ये छोड़ो इनको ये स्पैमर्स को अभी तो डिजिटल एज है ना तो अपने कोई आदत डालनी पड़ेगी ये साइड में अपनी ये प्री पोगड़ की लव स्टोरीज चलाते रहते हैं दो दो मिनट वाली मैम मैं, मैं आपसे पहली बार पढ़ रहा हूं मुझे आपसे पढ़कर बहुत आ, बुरा नहीं अच्छा लग रहा है ज़ुलॉजी आपसे ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पूरे माह बिल्कुल बहुत बढ़िया इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके बिल्कुल आएंगे बिल्कुल चलो आ जाओ ये मार्क करा सबने एनसीआरटी सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं आइए आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो अब सवाल उठता है कि ये सब करने के लिए हमें क्या क्या हथियार चाहिए हथियार आप क्या बोलोगे हथियार नंबर वन आप कहोगे मैम बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे देखो डीएनए डिजायर्ड जीन को कट करना था इन दोनों को चिपकाना था जोड़ना था और बाद में डीएनए पॉलीमरेज भी लगा था डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यानी एक टूल एक हथियार हमारा है एंजाइम्स का बिल्कुल सही दूसरा हथियार आप कहोगे मैम वेक्टर वेक्टर बताना हमें किस डीएनए को वेक्टर की तरह यूज करते हैं वेक्टर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए क्या कोई भी डीएनए वेक्टर बन जाएगा ऐसा नहीं होता है वेक्टर की भी बात हमें बताना और तीसरा क्या हम कोई भी डिजायर जीन किसी भी होस्ट में डाल सकते हैं या कोई पर्टिकुलर होस्ट होना चाहिए जैसे इंसुलिन वाला जीन ई कोलाई में डाल रही हूं तो क्या मैं इंसुलिन का जीन किसी भी होस्ट में डाल सकती हूं यानी मेरे पास तीन हथियार हैं जिन्हें मुझे सीखना है हथियार नंबर एक एंजाइम्स हथियार नंबर दो वैक्टर्स और हथियार नंबर तीन होस्ट प्लीज हेडिंग डालिए टूल्स ऑफ टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आर डीएनए टेक्नोलॉजी हेडिंग डालो फिर हम इन तीनों टूल्स को लिखते हैं नंबर वन एंजाइम्स नंबर टू वेक्टर एंड नंबर थ्री कॉम्पिटेंट होस्ट कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब सुटेबल होस्ट कौन सा है आइए इन तीनों हथियारों को हम सीखेंगे बहुत सारे एंजाइम है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिखाऊंगी पॉलीमरेज एंजाइम लाइगेज वेक्टर होस्ट हो गया एक वेक्टर हो गया एक और बाकी सारे एंजाइम्स हो गए बहुत मजे आएंगे बहुत मजे आएंगे स्टूडेंट्स दोनों चैप्टर्स बहुत मजेदार है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं बायोटेक्नोलॉजी अगर आप अब्रॉड से इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो इंडिया के बाहर से कर सकते हो तो इट्स अ बूमिंग बूमिंग ब्रांच बहुत अच्छा स्कोप है बहुत अच्छे पे पैकेजेस हैं रिसर्च की फील्ड भी है ये तो बहुत अच्छा करियर है बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया के बाहर इंडिया में कितना स्कोप है आई डोंट नो बट इंडिया के बाहर तो बहुत अच्छा स्कोप है यहां भी होगा आई थिंक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तब तो फिर बहुत अच्छा है या आप रिसर्च में चले जाओ तो भी नया साइंस है नई ब्रांच है और जबरदस्त डेवलपिंग ब्रांच है चलिए आ जाओ तो फर्स्ट हेडिंग लिखो एंजाइट हेडिंग लिखते हैं एंजाइम। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए मेरे साथ साथ लिखना है चीजों को सुनो ध्यान से समझो सपोज करो मैं इंसुलिन जीन की बात कर रही हूं बेटा ध्यान से सुनना जीन मतलब डीएनए ये कहां मिलेगा सेल के अंदर सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर अगर यू कैरियोटिक जीन है डिजायर्ड वाला पर अगर मान लो मैं कोई बैक्टीरिया का जीन लेना चाहती हूं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस है नहीं तो कहां मिलेगा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में में यानी सेल के अंदर या तो में, अगर प्रोकैरियोटिक से हमें वो जीन निकालना है या न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें यूकैरियोटिक से निकालना है ठीक है अच्छा उसके अंदर भी डीएनए अकेला नहीं होता आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया होगा कि डीएनए थोड़ा सा आरएनए और प्रोटीन हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन का धागा बनाता है क्रोमैटिन का थ्रेड पड़ा है आपने जो कंडेंस गाढ़ा होकर क्रोमोजोम बनाता है जब सेल डिवीजन होता है सेल साइकिल जब होती है इतना पड़ा है यानी अगर सपोज करो ध्यान से सुनना अगर सपोज करो मुझे इंसुलिन वाला जीन निकालना है तो मुझे सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर क्रोमैटेन है पर मुझे केवल डीएनए निकालना है तो मुझे आरएनए डाइजेस्ट करना पड़ेगा ब्रेक डाउन और प्रोटीन्स भी तोड़ने पड़ेंगे अगर मैं इन सबको तोड़ दूंगी तो मुझे डीएनए मिल जाएगा डीएनए ह्यूमन का अगर सेल है तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए उसमें 30,000 थाउजेंड जीन्स हैं फिर मैं अपना डिजायर्ड जीन निकालूंगी जो मैं आगे धीरे धीरे सिखाऊंगी एक बार तो मैं पूरा डीएनए निकालूंगी यानी पहला स्टेप जो है वो है पूरा डीएनए निकालना आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और उसके लिए जो एंजाइम्स लगेंगे तोड़ने वाले उन्हें लाइज बोलते हैं लाइज लाइजिस का मतलब ही होता है लाइजिंग एंजाइम्स फॉर पूरा का पूरा डीएनए निकालना है आइसोलेशन ऑफ प्योरिफाइड डीएनए पूरा प्योर डीएनए इसके साथ आर एन ए प्रोटीन कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए क्या करते हैं समझो अगर सपोज करो अगर सपोज करो कि जहां से मुझे डीएनए निकालना है वो प्लांट सेल है प्लांट सेल तो मुझे सबसे पहले सेल बॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा डायजेस्ट सेल बॉल कब? अगर वो प्लांट सेल है प्लांट मतलब एल्गी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स कुछ भी है तो मुझे सेलवॉल डाइजेस्ट करनी है इनकी सेलवॉल बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन की तो मार्केट में सेल्यूलोज और एंजाइम मिलते हैं। मैं इन्हें डाल दूंगी तो सेल्यूलोज ब्रेकडाउन हो जाएगा पेक्टिन ब्रेकडाउन हो जाएगा सेल वॉल टूट जाएगी लेकिन अगर वो फंगल सेल है फंग पंजाई का कोई जीन है जो मैं निकालना चाहती हूं डीएनए निकालना चाहती हूँ पंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है तो मुझे एंजाइम भी लगेगा काइटिनेज एंजाइम लेकिन अगर मुझे बैक्टीरिया का सेल है जिससे जीन डीएनए निकालना है तो बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है अमीनो एसिड प्लस शुगर की और पेप्टाइडो को ब्रेक डाउन करता है लाइजोजाइम तो मुझे लाइजोजाइम डालना पड़ेगा ये सब एंजाइम्स हैं लाइज एंजाइम्स हैं ये सारे ये सारे एंजाइम्स हैं टेल्यूलेस पेक्टिनेस काइटिनेस लाइजोजाइम ये सब सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल है एनिमल सेल है तो फिर सेल वॉल तो है ही नहीं चलो इसके बाद मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा या सेल मेम्ब्रेन और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अगर यूकैरियोटिक है बैक्टीरिया है तो ये स्टेप कम हो जाएगा लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में ही होती है सब में होती है ऑल सेल्स कोई भी सेल हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब एक सी होती है लिपिड की बायलेयर लिपिड तेल को तोड़ना है डिटर्जेंट्स डालने पड़ते हैं एनसीआरटी में हालांकि नहीं दिया है डिटर्जेंट्स डालने पड़ते हैं डिटर्जेंट्स अब इसके बाद हम जेनेटिक मटेरियल में पहुंच गए पर जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन धागे के रूप में है और उस क्रोमैटिन में से मुझे आरएनए नहीं चाहिए मुझे तोड़ना है प्रोटीन नहीं चाहिए मुझे तोड़ना है आई वॉन्ट टू डाइजेस्ट आरएनए एंड प्रोटीन आरएनए ब्रेक डाउन करना है तो मार्केट में आर एन एज मिलता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन करने के लिए प्रोटीज़ एंजाइम्स मिलते हैं प्रोटीएज आर क्यों ये सब क्यों कर रही हूं मैं क्योंकि एक्चुअली डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन क्रोमैटिन के धागे के रूप में मिलते हैं क्रोमैटिन फाइबर तो मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए सिर्फ डीएनए इसीलिए मैंने प्रोटीन और आरएनए को तोड़ दिया पता इसको कैसे करते हैं समझो सपोज करो मुझे गाजर का सेल का कोई जीन चाहिए डिजायर्ड जीन तो मैं गाजर बाजार से लाऊंगी उसको क्रश करूंगी पानी में घोल दूंगी अब मार्केट से मैं सेल्यूलेज लाके डालूंगी पेक्टिनेस ला के डालूंगी उसकी सेल वॉल टूट जाएगी मुझे दिखेगा कुछ नहीं मुझे दिख कुछ भी नहीं रहा गाजर एक ऑर्गन है रूट उसको क्रश किया तो टिश्यू सेल्स अपने आप ये डालोगे सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी डिटर्जेंट्स डालोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी आर डालोगे आरएनए टूट जाएगा डालोगे वो बॉन्ड्स टूट के प्रोटीन टूट जाएंगे यानी अब क्या बचेगा डीएनए पर दिखाई कुछ भी नहीं देता दिखाई कुछ नहीं देता पता है इसके बाद में क्या करना पड़ता है बताती हूँ आपको अब इसके बाद में जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप सब डाल रहे हो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखता इसके बाद में आपको चिल्ड इथेनॉल डालना पड़ता है इथेनॉल मतलब बियर वाइन, इथेनॉल चिल्ड ठंडा ठंडी बियर चिल्ड इथेनॉल और जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल इसमें डालते हो ना चिल्ड इथाइल अल्कोहल, चिल्ड इथेनॉल तो जो डीएनए है अंदर वो धागे ऐसे रुई रुई जैसा धागे के रूप में आ जाता है ऊपर यानी डीएनए पूरा का पूरा टोटल डीएनए सारे जीन्स हैं डिजायर्ड जीन तो अभी सीखेंगे सो so, डीएनए टेट आउट एज पाइन थ्रेड पतले पतले धागे पाइन थ्रेड इन सस्पेंशन ये जो सोल्यूशन आपने बनाया है सस्पेंशन आपने बनाया है इसमें पूरा का पूरा डीएनए आ जाता है ये क्वेश्चन हजारों बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि पूरा का पूरा डीएनए निकालने के लिए क्या डालते हैं चिल्ड इथेनॉल डालते हैं अब एक चम्मच आती है स्पेशल स्पून उससे इस पूरे डीएनए को निकाल लेते हैं सो सुनाओ आइसोलेटेड पूरा का पूरा डीएनए पूरा प्योरिफाइड डीएनए रिमूव्ड बाय स्पूलिंग प्रोसेस स्पूलिंग इस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है प्रोसेस तो इथेनॉल डालोगे सबसे पहले सेल वॉल ब्रेकडाउन के एंजाइम्स डाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइम्स डाले तोड़ने वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स डाले ब्रेकडाउन करने वाले अगर यूकैरियोटिक सेल है आरएनए डाला प्रोटीन डाला क्या रह गया डीएनए दिने. डीएनएस मत डाल देना नहीं तो डीएनए टूट जाएगा तो डीएनए बचा हुआ है चिल्ड इथेनॉल डालोगे डीएनए धागे धागे रूप में आ जाएगा और स्पूलिंग से उसको बाहर निकाल लेंगे ये फर्स्ट स्टेप भी होता है क्योंकि प्रोसेसेस भी पढ़ने में एक साथ पढ़ा रही हूं आपको मजे आ गए चल तो ये हो गए पहले एंजाइम्स। अब एक बार अपनी बुक में एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे बढ़िए और मैं आपको पेज नंबर बताती हूं प्रोसेस पे जाओ यहां पे 11.3 पे 11.3 और 11.3.1 पे जाओ आइसोलेशन ऑफ डीएनए पूरा का पूरा डीएनए निकालना जल्दी से मुझे ओल्ड एनसीआरटी और न्यू एनसीआरटी का पेज नंबर बता दीजिए एक बार ओल्ड एनसीआर में तो मुझे पता है मैं देख लेती हूं टू हंड्रेड एंड वन है टू जीरो न्यू में क्या है न्यू में वन नाइनटी फाइव चल देखो सब लोग मार्क करो मैंने सब लिखवा दिया देखो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन मोस्टली डीएनए कुछ में आरएनए मेजोरिटी so में इट इज डीएनए डी न्यूक्लिक एसिड अब आपको डीएनए कट करना है छोटे छोटे टुकड़ों में बट उसके पहले उसे प्योर फॉर्म में निकालना है ताकि किसी और मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन आरएनए के साथ वो ज्वाइन ना हो डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर बंद है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमें सेल को ब्रेक करना है ब्रेक ताकि हम डीएनए को रिलीज कर सके ठीक है सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे बैक्टीरिया को विद एंजाइम्स, सच एज या तो लाइजोजाइम से अगर प्लांट सेल सेल है काइटिनेज़ अगर फंगल सेल है यानी ये सेल वॉल को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं। नाउ, जीन्स जो होते हैं आप जानते हो कि वो डीएनए इंटरवाइंड विथ प्रोटींस सच एज स्टोन और आरएनए भी उसका पार्ट होता है क्रोमैटिन धागे की बात कर रहे हैं तो हम राइबोन्यूक्लीज यानी आरएनएज डालेंगे और प्रोटीज़ डालेंगे तो आरएनएज आरएनए रिमूव कर देगा और प्रोटीज़ प्रोटींस रिमूव कर देंगे अब हमें प्योर डीएनए अल्टीमेटली मिलेगा जो जब आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो वो फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में निकलते हुए दिखेंगे ऊपर की तरफ राइट right? ये मैं सब पढ़ा चुकी हूं अब इस डायग्राम को देखिए फिगर 11.5। ये देखो बुलबुले उठ रहे हैं ये डीएनए ऊपर आ रहा है ये देखो डीएनए कैसे धागे धागे जैसा है थ्योरी में कहीं नहीं दिया पर डीएनए जो सेपरेट हुआ है इट इज रिमूव्ड स्पूलिंग प्रोसेस ये देखो ये स्पूलिंग से इस डीएनए को हम बाहर निकाल रहे हैं स्पूलिंग वर्ड थ्योरी में कहीं नहीं है बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है अरे वाह अगर वन वीक तक क्लास कंटिन्यू रही तो मैं एक मिनट भी स्किप नहीं करूंगा थैंक यू फैजान चलो ठीक है बायोलॉजी बीट्स इलेवेंथ का मुझे कुछ नहीं आता मैम लेक्चर्स देख लो पूरे टेन लेक्चर्स पड़े हुए हैं आपके पास इसी प्लेलिस्ट में फ्री में पीडब्ल्यू ऐप में भी है यूट्यूब पे भी है ऐप पर तो नोट्स के साथ है पीडीएफ देख लो उसको चलो हो गया मजे आ गए फर्स्ट स्टेप भी सिखा दिया आपको साथ में तो एंजाइम भी सिखा दिया और स्टेप भी सिखा दिया आइए अब वापस आ जाते हैं हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आर टेक्नोलॉजी के टूल्स फर्स्ट टूल एंजाइम्स और उसमें पहले एंजाइम पढ़े हमने लाइज लाइज से हम प्योर डीएनए निकाल रहे हैं या हम ये भी बोल सकते हैं टू ब्रेक सेल ओपन हम इससे सेल को ओपन कर रहे हैं ताकि हम प्योर डीएनए निकाल सके डन इलेवन पढ़ा चुकी हूं नीट एक्पीरियंस पूरा इलेवन कंप्लीट करा चुकी हूं प्लेलिस्ट में चेक कर लो सब लोग चलो अब आ जाओ सेकेंड एंजाइम क्या करना है समझो जैसे मैं अगर इंसान की बात करूं सपोज मुझे इंसुलिन वाला जीन चाहिए तो अभी मेरे पास पूरा डीएनए आया है 2.2 मीटर लंबा डीएनए उसमें थर्टी थाउजेंड जीन है मुझे उसमें से मेरा वाला जीन चाहिए तो पहले इस लंबे डीएनए को पढ़ना इजी नहीं है तो इसे टुकड़ों में काटा जाएगा ध्यान से सुनो पूरा डीएनए निकालने के लिए लाइजेज एंजाइम लगे जो अभी पढ़ाए पर अब मुझे इसके टुकड़े डीएनए के टुकड़े करने हैं उसके लिए लगेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके पहले आरएनए का एक और नाम लिख लो राइबो न्यूक्लियस क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा इसे ही राइबो न्यूक्लियस भी कहते हैं आ जाओ सेकेंड पढ़ते हैं सो सेकेंड एंजाइम यहां क्या नंबर डाला है मैंने वन तो, तो. अब सुनो मुझे डीएनए के टुकड़े करने हैं डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ब्रेक डाउन करना है डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएस लिपिड तोड़ना है लाइपेज माल्टोस तोड़ना है माल्टेस न्यूक्लिक एसिड तोड़ना है न्यूक्लियस नंबर वन अच्छा मुझे केवल एंड से कट नहीं करना मुझे बीच में भी कट्स लगाने हैं यानी एंडोन्यूक्लियस और ये बड़ा खास है क्या खासियत अभी सिखाऊंगी यानी इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे डोंट वरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे हम शॉर्ट में आर ई लिखेंगे अब से मैं इसको आर ई ही लिखूंगी इसे कई बार सिंपल भाषा में रेस्ट्रिक्शन भी कह देते हैं इसी से हम डीएनए कट कर रहे हैं कैची की तरह तो इन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स इन्हें नाइफ भी बोलते हैं चाकू कैंची, स्कैल्पल जिससे आप सर्जरी करोगे एक्सेट्रा बहुत सारे नाम है ये एनसीआरटी में दिए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मॉलिकुलर सिजर्स इससे मैं डीएनए के टुकड़े करूंगी टू कट डीएनए इन टू पीसेस इन टू पीसेस अभी मैंने पूरा डीएनए निकाला है मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी पीसेस बोलो या फ्रैगमेंट्स एक ही बात है फ्रैगमेंट चलो फुल कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले समझो कि न्यूक्लियस क्या होता है देखो नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूक्लियस मतलब वो सारे एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को यानी डीएनए आरएनए को जो भी तोड़ेगा डीएनए आरएनए को तोड़ने का क्या मतलब है डीएनए कैसे बनता है दो एंटी पैरल स्ट्रैंड से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड तो यू ही टूट जाता है थोड़ी सी गर्मी देने पे पर मेन बॉन्ड कौन सा है टू न्यूक्लियोटाइड के के बीच में बॉन्ड यानी अगर मुझे एक डीएनए स्ट्रैंड को चेन को तोड़ना है ब्रेक करना है तो मुझे थ्री फाइव फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा यानी कोई भी न्यूक्लियस एक्चुअली कौन सा बॉन्ड डाइजेस्ट करता है ब्रेक करता है रीफाइव पॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मॉलिकुलर बेसिस में आपको बताएंगे टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में यही वाला बॉन्ड होता है अब न्यूक्लियस तीन तरह के होते हैं समझो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें एग्जो न्यूक्लिएज कहते हैं एग्जो एग्जो का मतलब समझो एग्जो का मतलब होता है बाहर की तरफ जैसे मान लो ये एक डीएनए है मान लो एंटी पैरल होता है डीएनए आपको पता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है मान लो सी जी सी जी ए है तो यहां टी सी जी सी जी ऐसा होगा अगर मैंने इस डीएनए में एक एग्जो न्यूक्लियस एंजाइम डाला तो वो एंजाइम एंड में कट लगाएगा एंड में किसी भी एक तरफ एंड में और एक ही स्ट्रैंड में कट लगाता है कट एंड ऑफ वन स्ट्रांड ओनली वन स्ट्रांड ओनली पे कट करेगा और वन स्ट्रांड ओनली मतलब मान लो उसने ये दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया ये तो पूरा रहेगा बस ये ए ऐसा अलग चला जाएगा एग्जो एंड पे कट लगाएगा एंड पे इधर पे या इधर पे एक ही स्ट्रांड पे अब एक और एंजाइम होते हैं जिन्हें एंडोन्यूक्लिए कहते हैं अगर मैंने इसी डीएनए में डाला, तो वो किसी भी एक स्ट्रैंड के बीच में कहीं पर बॉन्ड तोड़ देगा हो सकता है इनके बीच का इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दे इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दे एंड वाला नहीं तोड़ेगा बीच का तोड़ेगा यानी कट इन इनर पार्ट एंड पे नहीं ऑफ वन स्ट्रैंड ओनली वन स्ट्रैंड ओनली, अंदर की तरफ पर एक ही स्ट्रैंड पे ये दोनों बायोटेक्नोलॉजी में काम के नहीं है क्योंकि ये वन वन स्ट्रैंड पर ही कट लगाते हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा अब एक और एंजाइम है, जो बायोटेक में काम आएगा जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं न्यूक्लिएज है मतलब डीएनए को काटेगा बॉन्ड तोड़ेगा और एंडोन्यूक्लिएज है मतलब बीच में कहीं पर तोड़ेगा और रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है आ जाओ समझो समझो फुल कॉन्सेंट्रेशन से समझो ये एक बड़ा स्पेशल एंजाइम है ये क्या करता है ध्यान से सुनो सपोज करो एक डीएनए है लंबा चौड़ा डीएनए मैंने इस एंजाइम को डाला तो ये सबसे पहले क्या करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट करेगा होल डीएनए एंड कट एट पैलिंड्रोमिक साइट लिखते जाना मेरे साथ तो सवाल उठता है ये पैलिंड्रोमिक साइट क्या है पैलिंड्रोम एक इंग्लिश वर्ड है ध्यान से समझो पैलिंड्रोम एक इंग्लिश वर्ड है साइंस नहीं है ये इंग्लिश है नॉट बायोलॉजी इंग्लिश पैलिंड्रोम का हिंदी में मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा डालडा बड़ी पहेली पूछते थे बताओ ऐसे तीन शब्द उल्टा सीधा एक समान तो डालडा ऐसे पढ़ोगे तो भी डालडा ऐसे पढ़ोगे तो भी डालडा मैडम ऐसे पढ़ोगे मैडम ऐसे पढ़ोगे मैडम एनसीआरटी में एग्जाम्पल दिया है मलयालम ऐसे पढ़ोगे मलयालम ऐसे पढ़ोगे मलयालम सेम स्पेलिंग है बहुत सारे होते हैं। जहाज बचपन में खेलते थे जहाज ऐसे पढ़ोगे जहाज ऐसे पढ़ोगे जहाज तो ऐसा वर्ड जो उल्टा सीधा एक समान है चाहे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट रीड करो सेम है तो उसे पैलेंड कहते हैं अब सवाल उठता है ये पैलिंड्रोमिक डीएनए का क्या मतलब है भाई उल्टा सीधा एक समान का क्या मतलब है समझो पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब सपोज करो ये एक डीएनए है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है फाइव टू थ्री थ्री टू फाइव हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है मान लो इधर सी 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 जी 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 है जी जी जी, जी है ठीक है कितना है ये सपोज करो सी 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 जी 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 दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर यहां G है तो यहां C होगा और यहां C है तो यहां G होगा अब ध्यान से सुनो अगर मैं यहां 5 टू 3 रीड करूंगी सी 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 जी 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 तो मैं इसे भी 5 टू 3 रीड करूंगी सी 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 जी 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 ये तो सेम आ रहा है यानी ये डीएनए उल्टा सीधा एक समान पर मैं दोनों को फाइव टू थ्री रीड करूंगी आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो थ्री टू फाइव रीड करूंगा ठीक है थ्री टू फाइव कर लो जी 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 सी सी सी, सी। जी 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 सी 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 इसी तरह एक और लेते हैं जी ए ए टी टी सी फाइव टू थ्री चलो इसे लिखते हैं सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी ए, ए टीसी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं डबल या ट्रिपल आज हम देखते हैं पैलेंड्रोम है या नहीं जी ए टी टीसी जी ए एंडलेंड्रोमिक डीएनए का मतलब जो सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है सेम रीडिंग है बट बोथ फाइव टू थ्री रीड करोगे या बोथ थ्री टू फाइव यानी पैलेंड्रोमिक डीएनए इज द डीएनए विच रीड द सेम वेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैम इसको तो मैं फाइव टू थ्री रीड करूंगा इसको थ्री टू फाइव तो सी 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 जी 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 और नीचे जी 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 सी 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 है तो एक साथ कहां है नहीं दोनों फाइव टू थ्री या दोनों थ्री टू फाइव फिर अगर सेम आ रहा है जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूं मुझे बताना ये पैलिंड्रोम है या नहीं है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ ए के सामने टी आता है टी के सामने ए सी के सामने जी जी के सामने सी और बताओ ये पैलिंड्रोम है या नहीं है कम ऑन एवरीबडी लेट सी कौन आंसर करता है चलो बताइए इज इट अ पैलिंड्रोम और नॉट बोलो जी पैलिंड्रोम पहचानने को आता है इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया है पी वाई आया हुआ जी ए टी टी सी चलो टी ए जी सी जी ए देखो ए ए पर टी है या या जी है है ए टी अगर ऐसे पढ़ूंगी या जी है खेल खत्म दिस इज नॉट अ पैलेंड्रोम तो अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला अब ये भी फिक्स है कि कौन सा आर ई कौन से पैलिंड्रोम को पहचानता है मान लो अगर मेरा जो आर ई है वो इस पैलिंड्रोम को पहचानता है जी ए ए टी टी सी को तो जब मैं उसे उस पूरे डीएनए में डालूंगी वो पूरा इंस्पेक्शन करेगा ढूंढेगा जी ए ए टी टीसी कहां है जी ए ए टी टी सी कहां है जी ए ए टी टी सी कहा है मान लो वन थाउजेंड जगह पर उसे जी ए ए टी टी सी दिखा तो फिक्स है कि वो जी और ए के बीच में दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगा देगा ये सिखाऊंगी अभी आपको तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी एंडो न्यूक्लियस है डीएनए में कट कर रहा है न्यूक्लियस अंदर बीच में कहीं कट कर रहा है एंडो न्यूक्लियस पर रेस्ट्रिक्टेड साइट पे कर रहा है पर्टिकुलर साइट पे कर रहा है पैलिंड्रोमिक साइट पे कर रहा है इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस नाम समझ में आया सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट बी एन एट पैलेंड्रोम पैलेंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट रेस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर साइट पे ऑन बोथ स्ट्रैंड्स एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स को कट करते हैं ये बोथ स्ट्रैंड्स पे कट लगाते हैं. अब सवाल उठता है कि ये एंजाइम मिलते कहाँ हैं? क्या ये एंजाइम हम लैब में आर्टिफिशियली बना सकते हैं? नहीं तो आइए इस एंजाइम की खोज पड़ते हैं ये बैक्टीरिया में मिलते हैं बैक्टीरिया से निकालने पड़ते हैं हम इसे लैब में आर्टिफिशियली नहीं बना सकते इतना समझ आ गया आइए सो so अब लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली तीन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं सबसे पहले आर्बर नाम के साइंटिस्ट आए थे एनसीआरटी में नहीं दिया तो मैं नाम नहीं लिखवा रही हूँ नाइनटीन फिफ्टी की बात है ये और इंपॉर्टेंट है नाइनटीन आर्बर जी एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे एक्चुअली कोलाई e. पे काम कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा ध्यान से समझना सुनना ध्यान से सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है बनाइए बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया के पास ये खुद का डीएनए है मेन डीएनए जेनेटिक डीएनए जीनोमिक डीएनए प्लाजमेड हो सकता है नहीं हो सकता मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही हूं ये मेन डीएनए आपको मालूम है बैक्टीरिया को वायरस अटैक करता है वायरस सपोज ये वायरस है क्या बोलते हैं उस वायरस को जो बैक्टीरिया को अटैक करता है बैक्टीरियोफाज फाज मतलब ईटिंग जो बैक्टीरिया को खा जाए बैक्टीरिया को अटैक करे उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाज ये वायरस है वायरस उन्होंने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया पे जब बैक्टीरियो अटैक करता है तो वो बैक्टीरिया मरता नहीं है उन्होंने खोज करना शुरू करी उन्हें क्या पता चला सुनो ध्यान से उन्हें ये पता चला कि इस बैक्टीरिया के पास टू एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स है मतलब दो एंजाइम है ऐसा समझ लो दो एंजाइम है बैक्टीरिया के पास नेचुरली नेचुरल इनमें से एक एंजाइम जो है वो डीएनए को कट करता है डीएनए को कट करता है तो उन्हें ये समझ आया कि जब आपको पता है जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को तो वायरस पूरा अंदर एंटर नहीं होता बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा जब आपने वायरस पढ़ा है तो वायरस का डीएनए आता है सपोज ये डीएनए आ गया ये सपोज करो वायरल डीएनए है वायरल डीएनए अब नॉर्मली क्या होता ये वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ ज्वाइन करता अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता और मल्टीपल वायरस बनाता और उस बैक्टीरिया को मार देता पर इस बैक्टीरिया के पास में एक एंजाइम है जिसने इस वायरस के डीएनए के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और टुकड़े-टुकड़े कर दिए तो बात ही खत्म हो गई अब वायरस का इंफेक्शन बेकार हो गया लेकिन भाई वो तो डीएनए के कट कर रहा है तो वो तो इसको भी कट कर देगा पर इसे कट नहीं करता अगर इसे कट करता तो आत्महत्या सुसाइड हो जाता किलिंग से बचते पर सुसाइड हो जाता तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा चालाक है इसके पास जो दूसरा सेकेंड वाला एंजाइम है वन वन एड मिथाइल ग्रो टू बैक्टीरियल डीएनए जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें मिथाइल ग्रुप एड करता है दूसरा वाला ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए जगह जगह मिथाइलेटिंग एजेंट बोलते हैं इसको तो होता क्या है जब ये वाला एंजाइम निकलता है ना बाहर तो वो सपोज करो वो जी ए टी टी सी को पहचान के कट लगाता है तोड़ता है डीएनए को तो यहां जहां जहां जीए टी टी सी कट कर देता है पर यहां उसे जीएटीटीसी नहीं मिलता केवल क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं मिथाइल भी जुड़ा है और उसे वो नहीं पहचानता वो केवल जीए टी को पहचानता है तो एक ने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया यानी इसने बचा लिया प्रिवेंट बैक्टीरियल सुसाइड बैक्टीरिया को आत्महत्या करने से बचा लिया वरना बैक्टीरिया का एंजाइम ही उसे मार देता और इसने वायरल डीएनए को कट कर दिया यानी यह बैक्टीरिया का नेचुरल डिफेंस है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रकृति ने दिया है जो इसे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम बैक्टीरियोफाज इंफेक्शन बैक्टीरिया को वायरस से बचाता है बैक्टीरियोफाज इंफेक्शन से बचाता है ये प्रकृति ने दिया है नेचुरली दिया है ये जो सेकेंड वाला था यही था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जी ए ए टी पूरे में ढूंढेगा कट लगा देगा वायरल डीएनए गॉन खत्म पर यहां नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि यहां उसे जीए नहीं मिलेगा वो तो है पर जगह जगह मिथाइल भी लगी हुई है तो ये पहचान नहीं पाएगा तो एक ने बैक्टीरिया के डीएनए को टूटने से बचाया और दूसरे ने वायरस डीएनए को मार दिया ये बैक्टीरिया में प्रकृति ने दिया है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है साइंटिस्ट का दिमाग चला उन्होंने कहा कि अगर ये एंजाइम, ये कैची की तरह इसके डीएनए को कट कर रहा है तो हम अपने लंबे डीएनए के भी तो टुकड़े कर सकते हैं अपना डिजायर जीन का टुकड़ा भी तो पता कर सकते हैं ले सकते हैं काट सकते हैं तो उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर से इन एंजाइम्स को निकालना शुरू करा आज तक टू थर्टी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ज्यादा बैक्टीरिया हैं जिनसे मोर देन नाइन हंड्रेड मोर देन 900 हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले गए हैं आइसोलेटेड फ्रॉम मोर देन 230 थर्टी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टिल डेट ये एनसीआरटी का डेटा है अब तो बहुत निकल गए होंगे ये जब भी लास्ट अपडेटेड थी ये पूछते हैं स्ट्रेन का मतलब समझते हो कोलाई एस चर्चिया जीनस है कोलाई स्पीशीज है एक स्पीशीज में भी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं तो टू थर्टी सब स्पीशीज समझ लो एनिमल में सब स्पीशीज वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स में वेराइटी बोलते हैं बैक्टीरिया में स्ट्रेन बोलते हैं सबसे पहले कौन सा निकला था पर्स्ट आइसोलेटेड या डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1968, 63 में इनकी खोज हुई थी आर्बर ने खोज की थी और नाथंस नाम के साइंटिस्ट ने पहला बैक्टीरिया से निकाला था एक्चुअली एनसीआरटी में लिखा था फाइव लेटर, यानी आफ्टर डिस्कवरी और डिस्कवरी हुई है 1963 में तो ये बन जाएगा 1968. एनसीआरटी में ये दिया था पांच साल आफ्टर डिस्कवरी और डिस्कवरी का ईयर दिया हुआ है 1963. ठीक है। ना इसका नाम है हिंद टू हिंद टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंद टू तो आओ चले देखें इसका नामकरण कैसे करते हैं आइए इसकी बुआ या मौसी बन जाते हैं बच्चे का नाम कौन रखती हैं? बुआ जी या मौसी जी सो नॉमन क्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो इनका नामकरण कैसे करते हैं नामकरण चलो सुनो जैसे एक है इको आर वन अभी सब समझ में आएगा एक बार लिखो इको आर वन बिल्कुल मेरी तरह लिखना ई को आर वन है ये आई नहीं है ये है फर्स्ट लेटर पहला शब्द पहला अक्षर ये जीनस बताता है यानी ये एचर्चिया जीनस का बैक्टीरिया है जिससे एंजाइम लिया गया है तो फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस और ये हमेशा कैपिटल में लिखते हैं कैपिटल लेटर में जीनस कैपिटल ना सेकेंड और थर्ड वर्ड जो है सेकेंड एंड थर्ड लेटर स्पीशीज बताते है, कोलाई कोलाई का सीओ ले लिया ये स्पीशीज बताता है और यह हमेशा स्मॉल छोटे अल्फाबेट्स में लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में फोर्थ वाला जो अक्षर है फोर्थ अल्फाबेट ये जरूरी नहीं है हमेशा हो अगर होगा तो ये स्ट्रेन बताएगा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया पहले जीनस हो गया फिर स्पीशीज हो गया फिर स्पीशीज में भी कौन सा वाला स्ट्रेन है ये कैपिटल भी हो सकता है ये स्मॉल भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है जैसे इस केस की बात करें तो ई का मतलब है एस चर्चिया एस चर्चिया ये तो इसका जीनस है सीओ का मतलब है कोलाई इसकी स्पीशीज है और इसका स्ट्रेन होता है आर डी स्ट्रेन तो वहां से आर ले लिया तो एस्चर्चिया कोलाई आर डी स्ट्रेन इस वन का क्या मतलब है वन का मतलब ध्यान से सुनो एसचर्चिया जीनस का जो कोलाई वाली स्पीशीज का बैक्टीरिया है आर डी स्ट्रेन वाला उसमें से पहला एंजाइम ये निकाला है इको आर वन जो नेक्स्ट एंजाइम निकालूंगी वो इको आर टू जो उसके बाद निकालूंगी इको आर थ्री इको आर फोर यानी ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कौन से नंबर पर खोजा गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया और ये नंबर है ये अल्फाबेट नहीं है ये रोमन नंबर है वन टू थ्री फोर वाला रोमन नंबर में लिखते हैं ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है इको आर वन क्योंकि ये जिस पैलिंड्रोम को पहचानता है पैलिंड्रोम को वो है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी नेचुरली इधर भी वही हो जाएगा जी ए ए टी टी सी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका पैलिंड्रोम है जी ए ए टी टी सी फाइव टू थ्री थ्री टू फाइव जी ए ए टी टी सी इको तो आर्बन एसचर्चिया कोलाई बैक्टीरिया के आरडी स्ट्रेन से फर्स्ट जो आइडेंटिफाई किया था खोजा था निकाला था जी ए ए टी पैलेंड्रोम को पहचानता है यह हमारी एनसीआरटी में भर भर कर दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे इसको बताती हूं इसमें ये जो फर्स्ट है ये है जीनस हीमोफिलस हीमोफिलस ये है जीनस इसका जीनस आई एन मतलब इन्फ्लुएंजी मोपिलस इंफ्लुएंजी कहां पड़ा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इंफ्लुएंजी वही वाला है ये इसकी स्पीशीज है स्पीशीज इन्फ्लुएंजी इज द स्पीशीज स्पीशीज हीमोफिलस जीनस में कई स्पीशीज है पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजी स्पीशीज स्टूडेंट ये आर वाई थर्टीन होगा हाँ एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेना दिस इज आर वाई थर्टीन स्ट्रेन आर वाई थर्टीन हालांकि पूछेंगे नहीं इतना ठीक है मैं एक बार यहां लिख दू आर वाई थर्टीन ये है आर डी आर डी स्ट्रेन अब आर तो ले लिया इसके लिए आर ले लिया तो यहां पे डी ले लेते हैं मैंने आपसे कहा था ना स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के आरडी स्ट्रेन सेकेंड नंबर पे खोजा गया था तो ये है वो टू सेकेंड नंबर अब आपको एक मजेदार बात पूछती हूं आपको आनंद आ जाएगा ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो मैं तो कह रही हूं कि ये पहला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बैक्टीरिया से निकाला गया था अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ वन होना चाहिए ना हिंद वन फिर मैंने हिंद टू क्यों लिखा है मालूम है किसी को जल्दी से बॉक्स में बताओ 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 लिख भी लो इतना फटाफट से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आर वाई थर्टीन एन में दिया है भाई तो उसे करेक्ट कर लेना मालूम है एक्चुअली इसके पहले भी एक निकाला था जिसको हिंद वन कहा था पर मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस भी तीन तरह के होते हैं मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ एक टाइप टू होते हैं जो बायोटेक में काम आते हैं इतना समझ लो जो इसके पहले निकाला था ना वो बायोटेक्नोलॉजी में काम नहीं आता बायोटेक्नोलॉजी में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी आर टेक्नोलॉजी में काम नहीं आता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में काम नहीं आता है तो इसीलिए उसको हम मानते नहीं है जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आर डीएनए के लिए हिंद टू वाला पहला है जो काम आता है ठीक है इसीलिए चल हो गया ये भी एनसीआरटी में दिया है भाई ये याद रख लेना है ना इस चर्चिया कुलाय, आर वाई थर्टीन ये दिया है अब एन लिखती है कि ये जो हिंद टू है ये क्या रिकॉग्नाइज करता है इसका पैलिंड्रोम क्या है जिसे ये पहचानता है हर एंजाइम का डिफरेंट पैलिंड्रोम है तो एनसीआरटी ये लिखती है कि इट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस अफकोर्स पैलिंड्रोम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ऑफ सिक्स न्यूक्लियोटाइड सिक्स न्यूक्लियोटाइड बोलो या सिक्स बेस पेयर बोलो एक ही बात है क्योंकि जोड़े में ही तो होगा दोनों स्ट्रैंड्स पर है ना तो सिक्स बेस पेयर लॉन्ग सिक्स बेस पेयर इतना एनसीआरटी में दिया है तो मैं आपको एक बार बता देती हूं कौन सा है वो उसको ऐसे याद करते हैं जीटी यानी गौरव टावर बहुत फेमस जगह है जयपुर में भी है दिल्ली में भी गौरव टावर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसी लगाया। आओ देखें, पैलेंड्रोम है क्या आ जाओ देखते हैं ये तो एक है G T C G A C पढ़ के देखो जरा फाइव टू थ्री यहां भी फाइव टू थ्री पढ़ो G T C G A C G T C G A C इट इज अ पैलेट ठीक है एनसीआरटी में ये नहीं दिया एनसीआरटी में केवल ये वाला बात दी है यानी हमने ये समझा कि पहले हमने पूरा डीएनए लगाया फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो बीच बीच में से कट हो जाएगा तो क्या फायदा है क्यों कर रहे हैं ये सब आ इसको समझते हैं आगे कहानी बढ़ाते हैं अब हम लिखते हैं वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रही हूं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आएगा समझो जैसे सपोज करो हम इको आर्वन का ही एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो जी ए ए टी टी सी को पहचानता है जी ए ए टी टी सी और जहां पर भी जी ए ए टी टी सी है अच्छा इनके बीच में बॉन्ड्स होंगे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो ये जी और ए के बीच में कट करता है जी और ए के बीच में यहां फॉस्फोडाइस्ट्र बॉन्ड कट करेगा यहां वाला भी फॉस्फोडाइस्ट्रो बॉन्ड कट करेगा एक बार ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से देखो अगर ये ऐसा कट लगाएगा तो क्या होगा समझो इन दोनों के बीच में कट लग गया इन दोनों के बीच में कट लग गया ये अभी भी जुड़े हैं ये जुड़े हैं ये जुड़े हैं ये जुड़े हैं लेकिन जब ये कट लगा तो ये खिंचेंगे जब ये खिंचेगा तो देखो क्या होगा जब ये खिंचेगा तो क्या होगा ये और ये ये सब टूट जाएंगे और ये इसके साथ आ जाएंगे प्रेशर पड़ रहा है और ये बॉन्ड्स भी टूट गए हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत जल्दी टूटता है यानी मुझे दो पीसेस मिलेंगे एक तो ये जी जो अभी भी सी के साथ तो जुड़ा हुआ है इस सी के साथ टी है टी है ए है ए है पर इधर सब टूट गया बाकी सब टूट गया दूसरी तरफ ए है A है पी है पी है सी है और ये सी जी के साथ जुड़ा हुआ है एक पीस ये मिलेगा और एक पीस ये मिलेगा इमेजिन कर पा रहे हो बॉन्ड तो ही कट किया है टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में पर क्योंकि थोड़ा साइड में कट करा देखो अगर बीच में कट करते बीच में तो ये एक साथ आ जाते ये एक साथ आ जाते तब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता पर एक इस कोने में कट है किस कॉर्नर में कट है तो ये खींचेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे यानी मुझे टू पीसेस मिल जाएंगे एक ये एक ये यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इट कट कट डीएनए ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स स्लाइटली या अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम पैलेंड्रोम को पहचाना और सेंटर में नहीं काटा अगर सेंटर में काटते तो ये पूरा एक तरफ आ जाता ये पूरा एक तरफ आ जाता लेकिन इन्होंने कट किया है अ लिटिल अवे लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम और दोनों स्ट्रांड्स को कट किया है दोनों स्ट्रांड्स को और कट बिटवीन टू सेम न्यूक्लियोटाइड यहां भी जी और ए के बीच में कट है यहां भी जी और ए के बीच में कट है ठीक है मैं लिख देती हूं कट बिटवीन सेम टू न्यूक्लियोटाइड ऑन बोथ स्ट्रांड्स ऑन बोथ स्ट्रैंड दोनों सेम जी और ए के बीच में ही कट किया है इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं ये ईको आर वन की बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर तो एग्जाम्पल इको आर वन कट्स बिट्वीन जी एंड ए ऑन बोथ स्टैंड सेंटर में नहीं कट किया हल्का सा दूर कट किया बट दोनों में ही जी और ए के बीच में कट किया इसके कारण क्या हुआ ध्यान से समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी है ध्यान से समझो ये दोनों तो अभी भी डबल स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं पर इसको नोटिस करो ये ये अकेले हो गए इनका जोड़ीदार इनका पार्टनर टूट गया बिछड़ गया ये अभी भी शादीशुदा है कपल है देखो पर ये बिचारे अकेले रह गए क्योंकि साइड में कट किया अगर सेंटर में कट करते तो ये पूरा ऐसा आता यानी सब पार्टनर रहते साथ में डबल स्टैंडर्ड रहता पर यहां ये सिंगल स्टैंडर्ड पीसेस ऐसा नहीं लग रहा इस कपल के साथ ये लटका हुआ है इस कपल के साथ ये लटका हुआ है इन्हें बोलते हैं ओवरहैंगिंग ओवर स्ट्रेचिंग साइड में लटके हुए सिंगल स्ट्रांडेड पोर्शन इन स्टैगरिंग एंडस भी बोलते हैं स्टैगरिंग मतलब लटका हुआ तो ये जो है ये है स्टैगरिंग स्टैगरिंग एंडगरिंग एंडस या ओवर हैंगिंग लटक रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड क्योंकि हल्का सा दूर काटा है तो यहां पे स्टैगरिंग एंड्स हैं स्टैगरिंग एंड्स ओवरहैंगिंग लटके हुए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है अकेले अकेले हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है अब बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं मजे आ जाएंगे अगर समझ लिया तो इससे क्या फायदा होगा सुनो सपोज करो कि मैंने जो पूरा डीएनए निकाला था जिसमें से मुझे डिजायर्ड डीएनए कट करना है उसके अंदर इको डाल दिया तो जितनी जगह जी ए ए टी टी सी है मान लो वन थाउजेंड जगह जी ए ए टी टी सी है उसने जी और ए के बीच में कट लगाए और मुझे ऐसे बहुत सारे टुकड़े मिल गए अब मैंने क्या किया जो वेक्टर डीएनए है जिसका मुझे वेक्टर बनाना है उसमें भी मैंने सेम इको को डाल दिया सेम वाला एंजाइम इको उसने वेक्टर डीएनए में भी जहां जहां जी ए टी टी सी है वहां ढूंढा जी और ए के बीच में कट लगाया वहां भी मुझे ऐसे ही बहुत सारे पीसेस मिल गए मैंने इन सबको साथ में डाल दी सारे टुकड़ों को अब सुनो क्या होगा क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट को ढूंढेंगे ढूंढेंगे क्यों क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है और डीएनए की टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना डबल स्टैंडर्ड बनना मान लो मान लो कि ये तो हमारा फॉरन डीएनए वाले जो टुकड़े हैं उसमें से किसी का टुकड़ा है और ये मान लो वेक्टर डीएनए वाला पीस क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है तो सेम टाइप के पीसेस मिलेंगे जैसे ही इसको देखेगा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये पास पास आ जाएंगे और झट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो फॉस्फोडाइज बॉन्ड था मेन वो नहीं बना अभी यानी क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है इसीलिए ये क्या करते हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट झट से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए

अब डीएनए लाइगेज आता है ये पास पास आ गया है ना दोनों तो इसके बीच में बॉन्ड बना देगा इसके बीच में बॉन्ड बना देगा यानी आर डीएनए बन गया आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं मैं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पेज पर लिख पेज पर लिख लिख रही रही हूं हूं दिस स्टिकीनेस ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए फट से दिस स्टिकीनेस फैसिलिटेट्स इससे हेल्प मिलती है फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एनजा डीएनए लाइगेज एनजा हुआ क्या है फिर से बताती हूं हुआ यह है कि यह सिचुएशन थी ठीक है ये दूसरा पार्ट आया ये ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ था ठीक है इनके बीच में बॉन्ड्स बन गए ये बॉन्ड्स बन गए ये तो जुड़े ये तो ये, ये सॉरी सॉरी हां ये तो जुड़ा ही है ये भी सब जुड़ा है यहां कट लगा था यहां कट लगा था यहां कट लगा था और यहां कट लगा था, क्योंकि ये पास पास आ गए अब यहां पे डीएनए लाइगेडाइस्टर बॉन्ड बना देगा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया तो डीएनए लाइगेस कौन सा बॉन्ड बनाता है पॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड जिसे ब्रेक किया था तोड़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस केस में बिटवीन जी एंड ए ऑन बोथ स्ट्रैंड जी एंड ए और जैसे ही ये बना आर डीएनए Created. यही तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जब हमने स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में फर्स्ट आर डी पढ़ा था उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला पार्ट कट किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालकर वेक्टर डीएनए में भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला दोनों के सिमिलर लुकिंग पार्ट्स बने कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड स्टिकी स्टैगरिंग लटकते हुए एंड्स ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और डीएनए लाइगेज डालते ही आर डीएनए बन गए तो ये हमारा थर्ड एंजाइम भी हो गया डीएनए लाइगेज अब आप कहोगे कि मैम इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ध्यान से सुनो कि ये दोनों पीसेस जो जुड़ रहे हैं दोनों ही फॉरेन डीएनए वाले हो या दोनों ही वेक्टर डीएनए वाले हो बिल्कुल हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो फेल एक्सपेरिमेंट फेल मैं फिर बोलती हूं आपको मैं फिर बोलती हूं आपने फॉर डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को सेम आर ई से कट करना है ताकि सेम टाइप का पैलिंड्रोम पर सेम जगह पर कट लगेगा सेम टाइप के पीसेस मिलेंगे दोनों को एक मीडियम में डाल दोगे अब ये चांस की बात है कि एक पीस फॉरन डीएनए वाला और एक वेक्टर डीएनए वाला आपस में ज्वाइन हो जाए और अगर ऐसा हो गया तो आर डीएनए बन जाएगा जरूरी नहीं है एक बार में हो सो वॉट इज इंपॉर्टेंट वॉट इज इंपॉर्टेंट पहले इतना बना लो फटाफट पड़ से दैट वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए सोर्स डीएनए मतलब जिससे हमें अपना फॉरन जीन निकालना है सोर्स डीएनए शुड बी कट विथ सेम आर ई अगर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे आप तो फिर तो डिफरेंट पैलिड्रोम्स को रीड करेगा डिफरेंट जगह पे कट्स लगेंगे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बनेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा फिर लाइगेस काम नहीं करेगा मजे आ गए एवरीथिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से मिलता है कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी कैसे वो काम करता है आर डीएनए बनाने में कैसे उसका रोल है सब कुछ समझ में आ रहा है हिंद टू फर्स्ट वाला है इको आर वन की हमने बात की एवरीथिंग क्लियर चलिए सो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू अब आप घर पे पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम कितना इजी है एंजाइम कट बोथ स्ट्रैंड्स, एट सेम साइट ये वेक्टर डीएनए है ये सोर्स डीएनए जहां से मुझे फॉरेन डीएनए मिलेगा दोनों में जी और ए के बीच में जी और ए के बीच में जी और ए के बीच में ये गलत बना है जी और ए के बीच में कट लगा है क्योंकि ये है, ये है, और के बीच में कट करेगा कब जब जी जो इसका पैलेंड्रोम है तो यहां पर आप देख सकते हो ये तो अभी भी जॉइंट है पर ये वाले सिंगल पीस हो गया ये स्टिकी एंड है इतना और इधर ये स्टिकी एंड है ये अभी भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से क्योंकि ये चिपचिपे हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है एक दूसरे को ढूंढेंगे और स्टिकी एंड्स पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे बट फाइनली फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड जो है वो डीएनए लाइगेस बनाएगा और डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा राइट right? नाउ एक और देखो एक डायग्राम और सेम डायग्राम है यहां पर ये यह फॉरन डीएनए है ये वेक्टर डीएनए है फॉर एग्जाम्पल मान लो है यहां पर भी इन्हें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं ये पीसेस हुए ये पीसेस हुए फिर पीसेज करेगा इन दोनों को सेम टाइप के टुकड़े बनेंगे और ये यह टुकड़ा यहां पर फिट हो गया ये आर डीएनए बन गया और अब आर डीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे होस्ट मॉडिफाई होगा यानी होस्ट का होगा ट्रांसफॉर्मेशन सपोज मैंने ई e. कोलाई के अंदर डाला अब उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनेंगी यानी क्लोनिंग होगी और जैसे जैसे सेल यानी ई कोलाई डिवाइड करेगा उसके डॉटर सेल्स के अंदर भी हमारा आर डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और आर डीएनए में हमारा फॉरेन डीएनए है फॉरेन जीन है जिससे हमें हमारा मनपसंद डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा मजे आ गए फिगर इलेवन पॉइंट टू करा सबने मार्क एनसीआरटी में फिगर इलेवन पॉइंट वन एंड फिगर इलेवन पॉइंट टू एक एक शब्द मैंने आपको बता दिया है एक एक वर्ड आई हैव यू एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा चलिए तो हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आर डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स और पहला टूल है हमारा एंजाइम और एंजाइम में पहले हैं जिनसे हमने प्योर डीएनए को निकाला है चिल्ड इथेनॉल और स्पूलिंग प्रोसेस के बाद और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिससे हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और तीसरा एंजाइम हो जाएगा डीएनए लाइगे जिसकी हम बात अभी ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है ये भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है चलो सो थर्ड एंजाइम हो जाएगा डीएनए लाइगेज अब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं डीएनए लाइगेज लाइगे बॉन्ड बनाता है मैं नहीं लिख रही हूं और उसके बाद जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ोगे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है डीएनए से डीएनए बनता है फॉर डीएनए मल्टीप्लीकेशन यानी रेप्लीकेशन कार्बन कॉपी ये मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ोगे आप यानी एंजाइम्स के अंदर हमने फोर टूल्स पढ़ लिए हैं फोर टूल्स। डन चलो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो अभी तक मैंने पूरा डीएनए आइसोलेट किया फिर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टुकड़े टुकड़े कर दिए अब सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से मुझे बहुत सारे पीसेस मिले हैं पर मुझे अभी अपना वाला डिजायर्ड पीस ढूंढना है अभी मुझे डिजायर्ड पीस ढूंढना है आज आपको डिजायर्ड पीस ढूंढना सिखाती हूं डिजायर्ड पीस ढूंढना मैंने अभी तक क्या कर लिया है मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा दिए पूरे डीएनए में बहुत सारे पीसेस हैं और अब मैं अपना डिजायर्ड डीएनए ढूंढूंगी यानी हेडिंग डालो हेडिंग डालो जेल इलेक्ट्रोफॉरसिस जेल इलेक्ट्रो फॉरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट मैं अपना डिजायर डीएनए का टुकड़ा अलग करूंगी एडिंग लिख लो यहां पर मैं सेपरेट करूंगी आइसोलेशन ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स देखो एक बात ध्यान से सुन लो सब लोग पहले स्टेप में मैंने पूरा डीएनए निकाला था पूरा डीएनए और अब मैं डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करूंगी ये जो पीसेस हो गए हैं पहले मैंने पूरा डीएनए निकाला था लाइज डाले थे चिल्ड इथेनॉल डाला था धागे जैसा फाइन थ्रेड जैसा आया था स्पूलिंग से निकाला था फिर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाए थे अब मैं अपना डिजायर डीएनए ढूंढूंगी आ जाओ समझो देखो यह एक वर्ड है जेल जेल क्या होता है जेल चॉकलेट जैसा होता है अच्छा इतना सबको समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से यस या था सब तो दो अरे अभी का एक ब्रेक अभी तो दो घंटे ही तो हुए हैं पढ़ते हुए हम्म समझ में आ गया जल्दी से अप या यस बोल दो देखो आ, जेल चॉकलेट जैसा होता है मतलब अगर आपने थोड़ा गर्म किया हीट तो आप देखना चॉकलेट पिघल जाती है गर्मियों में अपने पर्स वर्स में चॉकलेट रह जाए तो एकदम पिघल जाती है मेल्ट हो जाती है और आपने फ्रिज में रखा है या ठंड में सॉलिड हो जाती है जेल ऐसा ही होता है थोड़ा सा गर्म करोगे लिक्विड बन जाएगा और ठंडा करोगे सॉलिड हो जाएगा तो एक स्पेशल जेल आता है जिसका नाम अब मैं लिखती हूं पूरा नाम एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ये पूरा नाम लिख दिया मैंने ये एग्रोज जेल कहाँ से मिलता है समझो आपको एल्गी प्लांट किंगडम में सर ने एलगी में पढ़ाया होगा या जो नीटूज इटूज इंडिया के अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो वन शॉट तो एग्रोज जेल जो है ये जेल है ये पॉलीसेकेराइड है पॉलीसेकेराइड यानी ये एक पॉलीसैक पॉलीसेकेराइड यानी ये एक कार्बोहाइड्रेट है यानी पॉलीमर है नेचुरल प्राकृतिक पॉलीमर है पॉलीमर क्या होता है भाई प्रोटीन भी पॉलीमर है पॉली न्यूक्लियोटाइड भी पॉलीमर है पर उसमें भी कौन सा वाला पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च है ग्लाइकोजन है सेल्यूलोज है काइटेन है ऐसी ही एग्रोज है हेटेरोपॉलीसेक्राइड होता है ये ये मिलता है फ्रॉम दो रेड एल्गी हैं, रेड एल्गी रेड एल्गी जिनका नाम है ग्रेसीलेरिया एंड जिलीडियम ये आपने जरूर पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में जब आपको रेड एल्गी पढ़ाया होगा रेड एल्गी इनसे मिलता है ये समंदर में रहते हैं तो इन्हें सी बीड्स भी बोलते हैं सी बीड्स इनके अंदर ये नेचुरली बनता है प्रकृति ने बनाया है साइंटिस्ट ग्रासिलेरिया जिलीडियम नाम के रेड एल्गी से इस एग्रोज जेल को निकाल लेते हैं अब इस जेल की एक खासियत है इसका सीविंग अफेक्ट होता है सीविंग अफेक्ट ऑफ जेल बेसिक से पढ़ा रही हूं आपको पीव का मतलब होता है छलनी फिल्टर मतलब जब ये सॉलिड है तो ये पत्थर जैसा सॉलिड नहीं होता आपको तो सॉलिड दिख रहा है पर एक्चुअली ये ऐसा होता है ऐसा ऐसा इसमें छोटे 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 छेद होते हैं छोटे 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 छोटे, -छोटे, -छोटे स्मॉल होल्स होते हैं ठीक है अब एग्रोस का तो हमने जेल ले लिया इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और फोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कुछ रन करवाएंगे क्या करते हैं साइंटिस्ट बिल्कुल ध्यान से सुनिए एवरीबडी फुल कॉन्सेंट्रेशन एक ट्रे ली मैंने ठीक है ट्रे ली मैंने एगरोस का जेल लिया इसे मैंने माइक्रोवेव uh, अवन में रखा 37, 38 डिग्री सेल्सियस पर और इसे थोड़ा हीट कर दिया तो एकदम लिक्विड हो गया मैंने इस पूरे को इस ट्रे के अंदर डाल दिया अब मैंने कंगा लिया बनाना मतलब ऐसे कंगा मोटे मोटे दांत वाला उसे इसमें रख दिया और ठंडा होने दिया पूरा सॉलिड हो गया एक्चुअली सॉलिड नहीं ऐसा है ठोस हो गया अब मैंने धीरे से इस कंगे को निकाल दिया अगर मैंने इसे निकाल दिया तो क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा यहां छेद हो जाएंगे जहां कोम्ब था वहां पे जेल नहीं होगा बाकी सब जगह जेल है पूरा सॉलिड यही होगा इन्हें वेल्स बोलते हैं कुए वेल्स वेल्स ठीक है तो ये मैंने एग्रोज जेल और वेल्स बना लिए अब मैंने क्या किया एक तरफ मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड लगाया ये नेगेटिव चार्ज होता है और एक तरफ मैंने पॉजिटिव एनोड लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और मैंने सर्किट को पूरा कर दिया क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी है नाम ही है इलेक्ट्रोफोरोसिस ये मैंने सर्किट पूरा कर दिया अब सुनो मैं डीएनए कहां लोड करूंगी यहां पे इस वेल्स में मैंने डीएनए के सैंपल्स यानी डीएनए के टुकड़े डाल दिए वो जो टुकड़े मिले ना मुझे डीएनए के बड़े कोई बड़ा पीस है कोई छोटा पीस है जो भी डीएनए सैंपल है मैंने इसमें डाल दिया ठीक है और मैंने इलेक्ट्रिसिटी रन कर दी अब ध्यान से सुनो आपको मालूम है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ये आपने पढ़ा होगा क्यों फॉस्फेट के कारण ये क्वेश्चन आता है डीएनए में जो फॉस्फरस होता है फॉस्फेट डीएनए में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है नाइट्रोजन बेस होती है शुगर होती है और फॉस्फेट होता है फॉस्फेट के कारण से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी रन करोगे तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा ठीक है सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू फॉस्फेट एंड रन टूवर्ड्स एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा रन टूवर्ड्स एनोड अब क्या होगा ध्यान से समझो सारा डीएनए एनोड की तरफ जाएगा जितना छोटा पीस होगा स्मॉल पीस छोटे 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 छेद है तो वो दूर तक निकल जाएगा और अगर बिग बिग पीसेज हैं लार्ज पीसेस हैं, तो वो छोटे छेद से नहीं निकल पाए वो अटक जाएंगे यानी सपोज करो कि ये वाले डीएनए में मुझे ऐसे तीन पीसेस मिले और इस डीएनए में सपोज मुझे ये दो पीस मिले और इस डीएनए में मान लो मुझे ऐसे पीस मिले और इस डीएनए में मुझे ऐसा पीस मिला सपोज करो यानी जितना छोटा डीएनए उतना दूर तक जाएगा क्योंकि छोटे से छोटे स्मॉल से स्मॉल होल को भी वो क्रॉस कर जाएगा यानी मैंने क्या कहा मैंने कहा स्मॉलर फ्रैगमेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितना छोटा टुकड़ा होगा स्मॉलर द फ्रैगमेंट ऑफकोर्स डीएनए की बात कर रहे हैं फारद इट मूव उतनी दूर तक जाएगा यानी हमने यहां पे डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग कर दिया सेपरेट कर दिया किस बेसिस पर तो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ बोलो साइज आप साइज बोल सकते हो या डेंसिटी क्योंकि अगर साइज लॉन्ग है बड़ा है तो घनत्व वेट भी ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होंगी पर चार्ज नहीं चार्ज नहीं नॉट चार्ज चार्ज तो सारे डीएनए नेगेटिव हैं और सारे पीसेस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे सो so यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ साइज और डेंसिटी हमने अलग करा है जितना छोटा पीस है उतना दूर तक जाएगा सीविंग अफेक्ट के कारण ये हो रहा है पहले ही पढ़ाया है यानी मैंने एग्रोज जेल में इलेक्ट्रिसिटी रन करके डिफरेंट डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और डेंसिटी यहां पर मैंने क्या किया ये वाला मेरा कंट्रोल्ड सैंपल था कंट्रोल्ड सैंपल मतलब ये एक ऐसा डीएनए था जिसमें मुझे मालूम है कि मेरा जो डिजायर्ड जीन है उसका साइज क्या है मुझे मालूम है Suppose करो, suppose करो कि मेरा जो desired gene है, डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट ये टुकड़ा है मेरा डिजायर्ड जीन का मान लो मुझे इंसुलिन वाला जीन चाहिए और इंसुलिन वाला जीन मुझे पता है कि सपोज करो फिफ्टी थाउजेंड बेस पे लॉन्ग है और मुझे पता है कि वो जेल पे इस जगह पर आता है ये सब मुझे नॉलेज है तो मैं समझ जाऊंगी ये और ये भी इंसुलिन वाले जीन हैं मैं समझ जाऊंगी ठीक है और अब मैं क्या करूंगी अब मैं ये तो जेल है ना जेल चिपचिपा जेल मैं इस जेल में कट लगाऊंगी और इस डीएनए को निकाल लूंगी पर एक्चुअली मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि मुझे दिख कुछ भी नहीं रहा अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा मैं क्या करूंगी मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी रन कर दी मुझे नहीं दिख रहा अभी पीसेस मैं इथीडियम ब्रोमाइड डालूंगी फिर भी कुछ नहीं दिखेगा फिर मैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज डालूंगी यूवी रेज यूवी किरणें डालूंगी तो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे सारे यानी डीएनए के टुकड़े कैसे देखे जाते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स विजुअलाइज विजुअलाइज कैसे आ जाओ सबसे पहले डालते हैं इथीडियम ब्रोमाइड बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा अभी भी कुछ नहीं दिखता फॉलोड बाय इसके बाद डालते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी रेज यूवी रेज इथीडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रेज और फिर हमें दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड ब्राइट ऑरेंज बैंड के फॉर्म में ऑरेंज बैंड ध्यान रखना ये बहुत क्वेश्चन आता है शिल्ड इथनॉल डाला था टोटल डीएनए निकालने के लिए और इथीडियम ब्रोमाइड पॉलोड बाय यूवी रेज डाला है उन टुकड़ों को विजुअलाइज करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी तो दिखा है विजुअलाइज अब मैं उस पीस को कट करके निकाल लूंगी आ जाओ आपको याद कराती हूं अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए किस इलेक्ट्रोड की तरफ रन करता है एनोड पर अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए लोड कहां करोगे कैथोड कैथोड की तरफ लोडिंग करोगे तभी तो एनोड की तरफ रन करेगा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताना यहां पे थम्स अप देके कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एनोड और कैथोड में कंफ्यूजन होता है मैं ऐसी टिप दूंगी जिंदगी में नहीं भूलोगे देखो ये है एनोड ये बोलता है आजा 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 एनोड आजा एनोड आजा तो so, एनोड बुलाता है डीएनए को और डीएनए नेगेटिव है हमें पता है यानी एनोड पॉजिटिव है एनोड बुलाता है एनोड आजा एनोड आजा एनोड आजा एनोड 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 बुलाता है आजा 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 जल्दी से लिख लो जल्दी से लिख लीजिए अब चिल्ड इथेनॉल डाला था जब पूरा डीएनए निकालना था इथीडियम ब्रोमाइड और यूवी रेस डालने के बाद ब्राइट ऑरेंज बैंड दिख रहे हैं बट अब ये जो बैंड हैं जो मेरे काम के हैं मैं उन्हें बाहर कैसे निकालूंगी तो सेपरेटेड बैंड जो है अब सेपरेटेड बैंड्स इन्हें हम कट करेंगे कट फ्रॉम जेल फ्रॉम एगरो जेल सेपरेटेड बैंड आर कट फ्रॉम जेल एंड कट आउट लिख देती हूं मैं कट आउट फ्रॉम जेल एंड एक्सट्रैक्टेड उस पीस को कट किया और उसमें से डीएनए निकालेंगे टुकड़ा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस इस प्रोसेस को कहते हैं ये जो पूरा जेल से कट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं दिस इज कॉल्ड इल्यूजन इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है ध्यान रखना पूलिंग प्रोसेस से टोटल डीएनए बाहर निकाला था इल्यूजन प्रोसेस से पीसेस को बाहर निकाल रहे हैं जेल पीस से मजे आ गए चलिए चल टोनी समझ में आ रहा है देवांश बी एस जैसिका हिमांशु सब टीचर्स बहुत बढ़िया हैं बेटा बहुत बढ़िया है आप पढ़ लो ये सब करके आपका टाइम बर्बाद होगा आपका जीवन कैसे बनेगा जिन टीचर को फॉलो करना है करो पर करो और अपनी जिंदगी बनाओ अपना जिंदगी मत बर्बाद करो चलो अब सुनो यहां देखा आपने मैंने एक ही पीस बनाया था इससे क्या प्रूफ होता है बताओ इससे क्या प्रूफ होता है किसी ने नोटिस किया यहाँ टू पीसेस बनाए थे या थ्री पीसेस बनाए थे यहाँ थ्री पीसेस बनाए थे इससे क्या प्रूफ होता है इससे यह प्रूफ होता है कि यहां डीएनए कट ही नहीं हुआ ये वाला डीएनए कटा ही नहीं यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम ही नहीं किया एक ही पीस है डीएनए का बस टुकड़े हुए ही नहीं यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डिफरेंट डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट को तो सेपरेट करके आइसोलेट कर ही रहे हैं बट हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी जो है डाइजेस्टिव एक्टिविटी उसने काम किया या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं सो बाय जेल इलेक्ट्रोफोरॉसिस इलेक्ट्रोफोरोसिस वी कैन ऑल्सो चेक ऑल्सो चेक डाइजेस्टिव प्रोग्रेशन ऑफ कितनी प्रोग्रेस हुई है प्रोग्रेसन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम किया भी कि नहीं अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम नहीं किया है तो पीसेस नहीं मिलेंगे बस एक ही पीस मिलेगा जो एक ओरिजिनल है हम ये भी करते हैं मजे आ गए यानी अगर मैं इसे लेन वन मानू इसे लेन टू ये कंट्रोल्ड वाली लेन थ्री और इसे अगर मैं लेन फोर मानू तो यहां पर जो लेन फोर है ये वाली जो लेन है लेन फोर ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है इसके टुकड़े टुकड़े हुए ही नहीं यानी यहां पर इस वाले सैंपल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम ही नहीं किया काम ही नहीं किया ठीक है लिख लो सब लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डन सुलेखा जुबेर हबीबा मायरा थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है ये सबसे जरूरी है आगे बढ़ जाए थैंक यू सो मच आईव फॉलोड योर लेक्चर वेरी हेल्पफुल थैंक यू थैंक यू एकजोत सूद जोत. थैंक यू अगर एक ही टुकड़ा मिल रहा है मतलब ये मेन जितना डीएनए मिला था पूरा का पूरा है, पीसेस हुए ही नहीं टुकड़े हुए ही नहीं यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क ही नहीं किया चलिए ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम फिगर इलेवन पॉइंट थ्री एग्रोजेल इलेक्ट्रोफर बता रहे हैं सबसे बड़ा पीस यहां होगा सबसे छोटा पीस यहाँ होगा यहाँ यहाँ वेल है मतलब यहां पे डीएनए लोड किया है मतलब यहाँ नेगेटिव कैथोड होगा यहाँ पॉजिटिव एनोड होगा डीएनए फ्रैगमेंट्स रन करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव जितना छोटा पीस होगा उतना दूर जाएगा और लेन वन देखो एक ही पीस है यानी लेन वन अनडाइजेस्टेड है बाकी सब में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क किया है यानी बाकी सब में पीसेस हुए हैं हमने लेन फोर लेबल कर दिया था एक ही बात है हमने इसे लेन फोर बोल दिया था वन टू थ्री बोल दिया था ठीक है डन एवरी वन हमारे इस केस में लार्जेस्ट वाला पीस यहां मिलेगा और सबसे छोटा पीस यहां मिलेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मजे आ गए तो जल्दी से थम्स अप दे दो तो आपका भी जोश बढ़ जाएगा और मेरा भी जोश बढ़ जाएगा चलिए आगे बढ़ें यानी हमने अभी तक क्या सीख लिया हमने आर डीएनए फॉर्म करना सीखा हमने टूल्स में एंजाइम्स पहला टूल लिया और एंजाइम्स में हमने लाइज सीखा यानी प्योर डीएनए को निकालना चिल्ड इथेनॉल स्पूलिंग प्रोसेस सब समझा फिर हमने उसके पीसेस करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की डिटेल्स पढ़ी और पीसेस को कैसे सेपरेट करेंगे एग्रोजेल जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से वो सीखा अब क्या करते हैं जो पर्टिकुलर पीस है ना हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पीसीआर से वो मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगी अभी आपको वो थोड़ी देर में बताऊंगी और जब मल्टीपल पीसेस बना लेते ना मल्टीपल कॉपीज एग्जैक्ट कॉपीज फिर हम उसे वेक्टर डीएनए से जोड़ते हैं और फिर आर डीएनए बनाते हैं तो अब सवाल उठता है कि वेक्टर किसे ले कौन है सूटेबल वेक्टर तो आइए पहला हथियार था एंजाइम्स और अब दूसरा हथियार क्लोनिंग वेक्टर हेडिंग डालिए क्लोनिंग वेक्टर एंजाइम्स पहला हथियार टूल खत्म और अब सेकेंड टूल शुरू क्लोनिंग वेक्टर्स मैंने आपसे बोला था इसे टैक्सी समझो बस समझो इसके साथ अटैच करेंगे हम अपना फॉरन डीएनए वो जो पीस हमने ढूंढ लिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसे चिपकाएंगे डीएनए लाइगेस चिपकाएगा आर डीएनए बनाएगा फिर होस्ट के अंदर डालेंगे सो इट इज डीएनए यूज टू ट्रांसफर फॉरन जीन या एलियन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू होस्ट एनसीआरटी में लिखा है टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जो भी डिजायर डीएनए है उसे हमें होस्ट के अंदर पहुंचाना है ट्रांसफर फॉर जीन इन होस्ट उसमें हेल्प करेगा बिना वेक्टर के भी डालते हैं वो भी सिखाऊंगी पर अभी वेक्टर्स की बात हो रही है क्या कोई भी डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए जोड़ दूं नहीं वेक्टर बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए ब्लंट एंड मत पढ़ो मत पढ़ो ब्लंट एंड वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडक्लियस जो बीच से कट करते हैं उसमें स्टिकी एंड नहीं बनते वो बायोटेक में यूज नहीं होते चल नाउ क्लोनिंग वेक्टर के पास कुछ फीचर्स होने चाहिए कुछ खासियत कुछ स्पेशलिटी फीचर्स सबसे पहला फीचर समझो अगर मैं चाहती हूं कि कोई भी डीएनए को मैं वेक्टर की तरह यूज करूं फुल कॉन्सेंट्रेशन से सो मजे आ जाएंगे तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके रेप्लीकेशन कर सके तभी अगर हमने फॉरन डीएनए भी जोड़ा तो वो भी मल्टीपल कॉपीज उसकी भी बन जाएंगी यानी होस्ट पे भी एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपनी खुद की कॉपीज बना ले तो सबसे बढ़िया है हा होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह यूज कर सकता है मशीनरी यूज करेगा बट खुद अपनी कॉपीज बना सकता हो यानी उसके पास उस डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए जहां से रेप्लीकेशन शुरू हो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो उसे बोलते हैं ओराई आई ऑफ रेप्लीकेशन और ऑफ रेप्लीकेशन ये वो जीन्स हैं जहां से रेप्लीकेशन शुरू होगा वहां पर अगर आपने फॉरेन डीएनए को जोड़ा तो उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी फटाफट से लिखिए फर्स्ट पॉइंट ओराई ओराई ये वो डीएनए का सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट्स अभी तो origin of replication कह रहे हैं जहां से रेप्लीकेशन की शुरुआत होती है फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट इसी के साथ हम करेंगे अपने foreign DNA को। यानी अगर कोई भी DNA को वेक्टर बनना है तो उसके पास ऐसे जीन्स होना जरूरी है जिन्हें उराई बोलते हैं ये जीन्स ये भी डिसाइड करेंगे कि कितनी कॉपीज कॉपी नंबर मान लो दो प्लाज्मेड है प्लाज्मेड खुद मल्टीप्लाई करते हैं उनमें ओराई वाले जीन्स होते हैं मान लो एक प्लाज्मेड है जो 50 कॉपीज बनाता है अपनी खुद की और एक प्लाज्मेड है जो 1000 कॉपीज बनाता है आप कौन सा प्रेफर करोगे आप बोलोगे मैडम एक हजार कॉपीज जो बनाएगा तो उतना ही हमारा फॉरेन डीएनए भी ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा फॉरेन प्रोडक्ट भी मिलेगा यानी हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर या प्लाज्मिड विथ हाई कॉपी नंबर इज प्रेफर्ड सो वेक्टर हाई कॉपी नंबर प्रेफर्ड जितनी ज्यादा कॉपीज बनाएगा उतना हमारे लिए बढ़िया है उतना हमारा फॉरेन जीन की भी कॉपी बनेगी यानी उतनी हमारी प्रोडक्ट भी बनेगा जल्दी से लिखो इसके अलावा इस ओराइल के पास में आर ओ पी होता है अब ये पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दिया ये डायग्राम में दिया है एक्चुअली ये ऐसे जीन्स हैं जो वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो रेप्लिकेशन में जरूरी है भाई आपको रेप्लिकेशन करना है तो एंजाइम्स चाहिए एंजाइम्स मतलब प्रोटीन चाहिए प्रोटीन एम से बनता है और एम आर यानी जीन से बनता है तो इसी एरिया में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो ऐसे प्रोटीन के लिए कोडिंग कर रहे हैं जो रेप्लीकेशन के लिए जरूरी है सो आर आरोपी कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लीकेशन ध्यान रखना प्लीज ये प्रोटीन नहीं है ये जीन्स हैं आप डीएनए की बात कर रहे हो ये वो जीन्स हैं जिससे एमआरएनए और ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो रेप्लिकेशन में काम करेंगे सो प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स तो अगर किसी को भी वेक्टर बनना है तो ये होना ही होना चाहिए ठीक है अब नंबर टू नंबर टू क्लोनिंग साइड या रेस्ट्रिक्शन साइट इसका मतलब समझो मैंने आपसे कहा था कि सपोज करो मुझे जो मेरा फॉरन डीएनए है तो जो मैं टोटल डीएनए निकाल रही हूं इको आर वन से कट करूंगी तो मुझे मेरा फॉरन वाला डीएनए का पीस मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से पता कर लूंगी मैं तो इसका मतलब जो मैं वेक्टर यूज करूंगी उसके अंदर भी जी ए ए टी टी सी जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं इको उसे भी कट करेगा सेम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स बनेंगे जिसे डीएनए जोड़ेगा यानी हर वेक्टर अगर वेक्टर बनना है किसी भी डीएनए को तो उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट यानी पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए जहां पर वो वाला एंजाइम आर ई काम करे जिससे आप फॉरेन डीएनए को कट कर रहे हो सो रेस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए अब समझो मैं एक सिंपल सी केस बताती हूं सपोज करो ये एक वेक्टर है ठीक है मान लो ये तीन जगह हैं जहां पे ईको आर वन कट कर सकता है वो सी जी ए टी टी सी है और दूसरी तरफ ये एक वेक्टर है इसमें एक ही जगह है जहां पे ईको आर वन की साइट है यानी जी ए ए टी टी सी आप कौन सा वाला यूज करोगे वेक्टर सोचो देखो अगर मैंने इसे यूज करा कट लगा तो यहां कट लगेगा और इसे किया तो ये भी कट लग गया ऐसे टुकड़े हो गए ये टुकड़े हो गए इसके तो दो ही टुकड़े हुए अगर इसके दो टुकड़े हुए तो मैं बड़े आराम से ये मैंने इसे हटा दिया और ये मैंने मेरा फौरन जीन घुसा दिया फौरन डीएनए ने फौरन जीन घुसा दिया और ये आर डीएनए बन गया पर यहां तो टुकड़े टुकड़े हो गए मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो गए अब कैसे जोड़ोगे इनको ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया कॉम्प्लिकेट इतने टुकड़े हो गए फॉरन जीन कहाँ घुसाएंगे यानी हम क्या चाहते हैं वेक्टर ऐसा हो जिसमें पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वन साइट हो प्रेफरेबली वन सिंगल साइट ताकि बस उसी जगह पे कट लगे और उसी जगह फॉरन डीएनए घुस जाए तो हम इसे यूज नहीं करेंगे हम इसे यूज करेंगे यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रिफरेबली सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइड फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए सिंगल होनी चाहिए एनसीआरटी लिखता है फ्यू प्रिफरेबली सिंगल मल्टीपल नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन आया था कि क्लोनिंग वेक्टर के बारे में फॉल्स इनकरेक्ट पूछा था और उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ऑप्शन था और वही आंसर था मल्टीपल नहीं होना चाहिए जल्दी से नोट कर लो क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल क्योंकि अगर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बने सो दिस विल कॉम्प्लीकेट द प्रोसेस अगर मल्टीपल साइट्स हुई तो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनेंगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल होना चाहिए ठीक है चलो और क्या होना चाहिए अब हम देखेंगे अब पहले थर्ड पॉइंट पढ़ने के पहले मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन वेक्टर्स कौन से यूज होते हैं मोस्ट कॉमन वेक्टर्स दो बहुत कॉमन है नंबर वन बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफाज क्यों समझो बैक्टीरियोफाज क्या होता है वायरस होता है वायरस आपको मालूम है अगर मुझे होस्ट बैक्टीरिया यूज करना है मैं वायरस का डीएनए वेक्टर की तरह यूज करूं उसके साथ फॉरेन डीएनए अटैच कर दूं तो आपको मालूम है ये जो वायरस है ये जब बैक्टीरिया को अटैक करता है अपना डीएनए अंदर डालता है उसके साथ हमारा फॉरेन डीएनए भी अंदर डल जाएगा जब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो हमारे फॉरेन डीएनए की भी बन जाएंगी इसका काफी बढ़िया हाई कॉपी नंबर होता है हाई कॉपी नंबर पर हम इसे तभी यूज कर सकते हैं जब होस्ट बैक्टीरिया तभी यूज कर सकते हो क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया को ही अटैक करता है दूसरा मोस्ट कॉमन जो हमने अभी भी पढ़ा था स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी खुद रेप्लिकेट करते हैं इनके पास ओराई आरओपी क्लोनिंग साइट सब कुछ होती है प्लाज्म दो तरह के होते हैं या तो कॉपी नंबर लो होता है वन टू टू पर सेल यानी एक से दो कॉपी बनाएंगे या कॉपी नंबर पंद्रह से सौ फिफ्टीन से हंड्रेड पर सेल और इवन हायर मतलब हाई कॉपी नंबर कोर्स हम हाई कॉपी नंबर वालों को ही चूज करेंगे एनसीआरटी का डेटा है यानी वेक्टर बनने के लिए उस पर ओराई होना चाहिए आरोपी होना चाहिए यानी वो जीन्स जिससे रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वो जीन्स जो ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो रेप्लीकेशन के लिए जरूरी है प्लस क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पे कट कर सके प्रेफरेबली सिंगल होनी चाहिए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ताकि मल्टीपल फ्रेगमेंट ना बने और प्रोसेस कॉम्प्लिकेट ना अब आ जाओ थर्ड क्या होना चाहिए उसे समझते हैं वो पॉइंट जो स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है सिलेक्टेबल मार्कर बहुत इजी है स्टूडेंट्स आपका बस फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए सब लोग तैयार हैं तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो अगर फुल जोश है तो फुल जोश है तो फिजिक्स लवर माय फर्स्ट लेक्चर आई होप आपको मजे आ रहे हैं समझ आ रहा है स्पैमिंग वालों के अलावा जो मेरे रियल स्टूडेंट्स हैं ठीक है आ जाओ समझते हैं यहां में कुछ सिलेक्ट करना है उसका मार्कर क्या सिलेक्ट करना है फुल कंसंट्रेशन से समझो सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सपोज करो बनाओ सपोज करो कि ये होस्ट है ये इसके खुद का डीएनए है ये होस्ट है ठीक है होस्ट एग्जाम्पल मान लो ई को लाइए क्लाइ अब फर्स्ट सिचुएशन समझना मान लो मैंने आर डीएनए बनाने की कोशिश की पर वो बना ही नहीं मतलब वेक्टर का वेक्टर रह गया नो आर डीएनए फॉर्मड अब आर डीएनए क्यों नहीं बना हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट ही नहीं लगाया या कट लगाया बट डीएनए लाइगे जोड़ ही नहीं पाया कुछ भी हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है या पता पड़ा जो जुड़े वो फॉरेन डीएनए वाले ही थे यानी फॉरेन डीएनए और वेक्टर दोनों को जुड़ना चाहिए था आपस में वो नहीं कुछ भी वट एवर इज द रीजन कुछ भी कारण है आई डोंट नो क्या कारण है कुछ भी कारण है और वो आपको तो कुछ दिख नहीं रहा आपने तो इसके अंदर डाल दिया दिखता कुछ नहीं है बायोटेक में सीधे रिजल्ट आता है वही अभी चेक कर रहे हैं अपन तो मैं इस होस्ट को क्या बोलू क्या ये ट्रांसफॉर्म्ड है सोचो क्या ये ट्रांसफॉर्म्ड है ट्रांसफॉर्म्ड तो है इसका रूप तो बदला है क्योंकि इसके पास बाहर का वेक्टर आया है वेक्टर तो आया है यानी ये ट्रांसफॉर्म्ड है होस्ट होस्ट की बात कर रहे हैं होस्ट पर क्या इसके पास फॉरन डीएनए पहुंचा है नहीं क्या इस पे आर डीएनए पहुंचा है नहीं यानी क्या ये रिकॉम्बिनेंट बना है क्या इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है नहीं यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट है ट्रांसफॉर्म्ड तो है क्योंकि कुछ बाहर का पहुंचा पर वो केवल वेक्टर पहुंचा है तो रिकॉम्बिनेंट नहीं है अब सेकेंड सिचुएशन सपोज करो इसके अंदर कुछ भी नहीं गया कुछ भी नहीं गया वेक्टर था या आरडीए ने बन गया था वॉट एवर एवर बट कुछ भी ट्रांसफर नहीं, पाया। नहीं पाया। हो पाया ट्रांसफर नहीं हो पाया ट्रांसफर के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई या तो अकेला वेक्टर था वो नहीं घुसा या आरडीए ने बन गया था पर वो घुसा नहीं वॉट एवर कोई भी रीजन है अब होस्ट क्या कहलाएगा होस्ट नॉन ट्रांसफॉर्म कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ बाहर से कोई जीन नहीं आया या नॉन रिकॉम्बिनेंट तो है ही ऑब्वियसली जब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो आर डीएनए का तो सवाल ही नहीं उठता है तो ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन ये थी फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई सेकेंड सिचुएशन अब लेते हैं थर्ड सिचुएशन थर्ड सिचुएशन में आर डीएनए बना ये बना सपोज आर डीएनए ये वेक्टर था ये अपना फॉरेन डिजायर्ड डीएनए था और ये पूरा बढ़िया अंदर घुस गया ये घुस गया अंदर ये फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए टुगेदर ये घुस गया अब होस्ट क्या है थर्ड सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म्ड है बिल्कुल है क्योंकि कुछ बाहर का आया है और वो भी रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि आर डीएनए आया है रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए ये थर्ड सिचुएशन है ये फर्स्ट सिचुएशन है ये सेकंड सिचुएशन है ये थर्ड सिचुएशन है होस्ट की बात कर रहे हैं होस्ट की वी आर टॉकिंग अबाउट होस्ट होस्ट ठीक है चलो ऐसे कर देती हूं ये फर्स्ट सिचुएशन है ये सेकंड सिचुएशन है कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता यही पॉसिबिलिटीज हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या तो कुछ भी अंदर नहीं जाए फर्स्ट चांस या वेक्टर अंदर जाए या आर तीन ही पॉसिबिलिटीज है मुझे बताओ क्या आप पर्स वाले होस्ट को लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहोगे सोचो सोचो आप कहोगे मैम क्या फायदा है हमारा फॉरेन डीएनए तो अंदर ही नहीं घुसा यानी हमारा प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं वो तो मिलने नहीं वाला मान लो इंसुलिन जीन है, वो तो अंदर ही नहीं गया तो मैं क्या करूंगा इसको इसे ही डालना चाहोगे लार्ज स्केल पे ऐसे होस्ट को सेकंड वाले केस में आप में क्या फायदा बेकार इसे हाँ इसे तो मैम ग्रो करो क्योंकि इंसुलिन वाला जीन डिजायर्ड जीन पॉरन जीन अंदर चला गया है वो मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा यानी मुझे सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में से ट्रांसफॉर्म्ड को और ट्रांसफॉर्म्ड में से भी रिकॉम्बिनेंट को प्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट मुझे सिलेक्ट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटाना है ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म में से भी रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करना है नॉन रिकॉम्बिनेंट हटाना है मुझे सिलेक्ट करना है इस सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं वो वेक्टर के पास होने चाहिए वेक्टर दो काम में मदद करना चाहिए नंबर वन कि वेक्टर हमारे फॉरन जीन को होस्ट में डलवा दे डिलीवर करा दे और नंबर टू हमें सिलेक्ट करने में हेल्प करे इन वालों को ताकि हम इन्हें फिर लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे ग्रो करेंगे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो जीन्स जो ये सब करने में हेल्प करते हैं जीन्स हैं ये जीन्स दे आर द जीन्स इन्हें बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स सो व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स ये जीन्स है विच अस टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लीज नोट दिस चला अपने दिमाग में एक एक शब्द समझ में आ रहा हैल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग एनसीआरटी लिखती है हेल्पस इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म बट एक्चुअली केवल ट्रांसफॉर्म नहीं उसमें भी रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेट अस इन पहले तो पहचानना कैसे अभी हम सीखेंगे आइडेंटिफाइंग और फिर हटा देंगे एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स और एक्चुअली सिर्फ इतना ही नहीं ट्रांसफॉर्म तो ये भी है पर ये भी काम का नहीं है रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आल्सो ताकि केवल हम ट्रांसफॉर्मड रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करेंगे लार्ज स्केल पर ये लिखते हैं ताकि हम सिलेक्टिवली परमिट करें ग्रोथ ऑफ तो ट्रांसफॉर्मेंट इतना एनसीआर ने लिखा है पर मैं यहां ब्रैकेट में लिख रही हूं रिकॉम्बिनेट ट्रांसफॉर्म के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट वाले को ही ग्रो करेंगे सिलेक्टिवली इसीलिए ये है सिलेक्टिबल ये जीन्स है कैसे हेल्प करेंगे अभी हम सीखेंगे मजे आ गए साइंस टेक अनोन नाग किंग खोबरा ठीक है कैसे करेंगे ब्रेक लेते हैं उसके बाद इसे अंडरस्टैंड करते हैं उराई आरओपी, क्लोनिंग साइट और सिलेक्टेबल मार्कर चलिए सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर टेन मिनट्स माय लवली लवली स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो आप लोग मेरे साथ साथ पूरी और अभी सिक्स सिक्सटीन हो रहा है तो हम छ बज के पच्चीस मिनट पर वापस मिलते हैं वेलकम बैक ऑल माई लवली लवली स्टूडेंट्स अगर ऑडियो वीडियो ओके तो मुझे जल्दी से यस yes या थम्स अप भेज दो ताकि आज की स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर्स को कहानी की तरह पढ़ा करो आपको बहुत मजे आएंगे हाँ जी ऑडियो वीडियो ओके एकदम यस वेलकम बैक थैंक यू थैंक यू अनुसुया मुझे भी वेलकम बैक करने के लिए जी पढ़ के सारे क्वेश्चन बन जाते भानु प्रताप सिंह बहुत बढ़िया थैंक यू गॉड ब्लेस यू को तो पंक्चुअल होना ही चाहिए टीचर्स को भी तो मैं तो डॉक्टर भी हूँ टीचर भी हूँ आई बी वेरी वेरी पंक्चुअल चलिए थैंक यू आकाश आई एम इन क्लास ट्वेल्व दिस सीरीज इन बोर्ड्स एंड नीट ऑल्सो येस बिकॉज एनसीआर कॉमन बुक है ना कॉन्सेप्ट तो वही है चाहे बोर्ड्स हो या नीट दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थोड़ा और डिटेल में नहीं पढ़ा सकती बीएससी लेवल का आप बोल रहे हो मैं भी नहीं पढ़ा सकती हूँ या मैं नीट की क्लास ले रही हूँ राइट सो so, मैं अभी उतना डिटेल में आई एम सॉरी बट नहीं जा पाऊंगी ठीक है चल अब आ जाओ हम देखते हैं हमने ये समझ लिया कि वेक्टर के पास ओराई होना चाहिए आरोपी होना चाहिए आम, क्लोनिंग सिंगल फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सिलेक्टेबल मार्कर जिससे वो सिलेक्ट कर सके हम कि ट्रांसफॉर्म होस्ट कौन सा है नॉन ट्रांसफॉर्म कौन सा है और ट्रांसफॉर्म में भी रिकॉम्बिनेंट कौन सा है नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा है ताकि हम वाले को ही ग्रो करें चलिए अब आइए मैं यहां पर आपको ये चीज सिखाती हूं तो सिलेक्टेबल मार्कर में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का लिखिए हेडिंग अभी सब समझ आएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ये सिलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं टू सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं जिनमें से पहला ये है मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए देखो सपोज करो सपोज करो कि ये एक वेक्टर है सॉरी ये एक होस्ट है सपोज करो ये एक होस्ट है ये होस्ट है ये इसका खुद का डीएनए है ठीक है होस्ट अब मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है वेक्टर इस वेक्टर के पास ये एक एरिया है जहां पे इको आर वन कट लगा सकता है सपोज और ये एक एरिया है जहां पर एक पी एस टी वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन ज्यादा नाम वाम की डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि एनसीआर में भी नहीं दिया वो कट करता है यानी ये क्लोनिंग साइट है या जी ए -ए -टी -टी -सी वाला होगा और यहाँ पर इसका वाला पैलेंड्रोम होगा कुछ भी हमें नहीं पता अब मान लो कि इसी वेक्टर में इसी एरिया में यहीं पर वो जीन है जो एम्पी रेजिस्टेंस देता है एम्पी से रेजिस्टेंस एम्पी एक एंटीबायोटिक है और यहां पर टेटेरा साइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देने वाला जीन है यानी ये कोई ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे टेटरासाइक्लिंग में ये नहीं मरता ठीक है ये एक वेक्टर है हमारे पास ठीक है सपोज ये प्लाज्मिड है प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर है यानी उस बैक्टीरिया के अंदर एम्पीसिल में भी नहीं मरेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी नहीं मरेगा मान लो मान लो ये मेरा फॉरेन डीएनए है फॉरेन डीएनए फॉरेन डीएनए कोई पूरा टोटल डीएनए निकाला इथेनॉल स्पूलिंग फिर पार्ट्स में कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैंने मेरा पीस निकाल लिया मैंने इनको ज्वाइन करने की कोशिश की पर मान लो ये ज्वाइन नहीं हुए आर डीएनए नहीं बना और अकेला अकेला ये जो पूरा वेक्टर है ये पूरा वेक्टर ये अंदर आ गया ये पूरा वेक्टर अंदर आ गया ऐसा का ऐसा ये पूरा आ गया मेरा फॉरेन डीएनए नहीं आया यानी अभी भी इसके पास एमपी सिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये फर्स्ट सिचुएशन है फर्स्ट यहां पर हमने क्या कहा था ट्रांसफॉर्म्ड है क्योंकि वेक्टर आ गया है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि फॉरन डीएनए अंदर नहीं आया है फर्स्ट सिचुएशन ठीक है चल अब सिचुएशन नंबर टू कुछ भी अंदर नहीं गया या तो ये था अकेला नहीं गया या आर डीएनए बना पर नहीं गया यानी सेकंड सिचुएशन है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कुछ गया ही नहीं अंदर और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है तो रिकॉम्बिनेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता नॉन रिकॉम्बिनेंट अब सुनो थर्ड सिचुएशन थर्ड सिचुएशन में सपोज करो सपोज करो थर्ड ए लेती हूं मैं सपोज करो मैंने फॉरन डीएनए को भी इको आर वन से कट किया अगर मैंने फॉरन डीएनए को इको आर वन से कट किया मतलब यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पी वन वाली जो जगह है यानी जो टेटेरा साइक्लेन रेजिस्टेंस वाला जीन है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने फॉरेन डीएनए को भी इको आर वन से कट किया तो मैंने वेक्टर को भी इको आर वन से कट किया जब मैंने वेक्टर को इको आर वन से कट किया तो इतना पीस कट हो गया और यहां पर मेरा फॉरेन डीएनए आ गया ये मेरा फॉरेन डीएनए आ गया फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन और ये आर डीएनए बन गया ठीक है और ये सपोज करो मैंने अंदर डाल दिया सपोज करो यानी होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड भी है और होस्ट रिकॉम्बिनेंट भी है क्योंकि मेरा डिजायर्ड फॉरेन डीएनए अंदर घुसा है नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है नेक्स्ट सिचुएशन करो मैंने फॉरन डीएनए को पीएसटी वन से कट किया तो ये तो वैसा का वैसा रहा या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इको आर वन वाली जगह पर यानी एम्पी रेजिस्टेंस वाली जगह पे कोई पंगा नहीं है लेकिन जहां पर पीएसटी वन होना था वहां कट लगा कट लगा और वहां मेरा फॉरन डीएनए घुस गया ये मेरा फॉरन डीएनए आ गया फॉरन जीन और ये बन गया आरडीए ये भी आरडीए बन गया और मैंने इस पूरे को इसमें डाल दिया फोर्थ सिचुएशन ठीक है ये है थ्री ए और ये है थ्री बी थ्री ए और थ्री बी दोनों ही कंडीशन में भी ट्रांसफॉर्म्ड है और रिकॉम्बिनेंट दोनों में है। चल अब ध्यान से सुनो सपोज करो सपोज करो कि मैं अभी मैं इको आर वन वाली पहली वाली सिचुएशन ले रही हूं ये तीन फर्स्ट सेकेंड या थ्री ए जहां मैंने इको आर वन से कट किया है अब सपोज करो कि मैंने होस्ट को एमपी सिलिन के अंदर डाला या टेट्रा साइक्लिन के अंदर डाला या मैंने एमपी सिलिन प्लस टेट्रा साइक्लिन के कॉम्बिनेशन के अंदर डाल दिया होस्ट को होस्ट इनटू बहुत प्यार से समझा रही हूं सब कुछ समझ आ जाएगा होस्ट को मैंने मैंने मान लो एम्पी के अंदर डाला अब सुनो फुल कंसंट्रेशन से सुनना भाई फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा फर्स्ट सिचुएशन में ये पूरा अंदर गया है यानी एम्पी रेजिस्टेंस वाला जीन मौजूद है फंक्शनल है उससे प्रोटीन बनेगा और इसको एम्पी रेजिस्टेंट बना देगा यानी ये होस्ट रेजिस्टेंट है यानी इसमें जिंदा रहेगा अलाइव जब मैं टेट्रासाइक्लिन में डालूंगी वो जीन भी फंक्शनल है वहां भी कोई कटवट काट छाट नहीं हुआ है डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है वो भी प्रोटीन बनाएगा यानी यहां भी जिंदा रहेगा और दोनों के कॉमन मिक्सचर में डालूंगी तो भी जिंदा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट सिचुएशन Now, अगर सेकेंड सिचुएशन है कुछ भी अंदर नहीं गया यानी ये खुद अपना है और नेचुरली इसके पास में या टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं था यानी ये इसमें भी मर जाएगा इसमें भी मर जाएगा और दोनों दोगे तो भी मर जाएगा दोनों दोगे तो भी मर जाए ये हो गई सेकेंड सिचुएशन अगर मैंने मुझे तो पता है ना मैंने किससे कट किया है मान लो मैंने से कट किया है तो मैंने ये वाला अंदर डाला है ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अभी भी मौजूद है फंक्शनल है वो प्रोटीन बनाएगा तो टेट्रासाइक्लिन में तो ये जिंदा रहेगा लेकिन एमपी में मर जाएगा मिक्सर दोगे तो टेट्रासाइक्लिन के कारण जिंदा है पर एम्पिसिलिन के कारण मर रहा है तो मर गया तो मर ही गया ना टोटल टोटल मिलाकर मर गया यानी अगर मैंने यूज़ किया था मुझे नहीं पता आर डी ए ने बना नहीं बना जो कुछ भी है इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है जो होस्ट के अंदर गई आई डोंट नो एनीथिंग बट मैंने कैसे पता किया अगर ये एम्पिसलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में मर गया तो फर्स्ट ये केस है ये मेरे काम का नहीं है मेरा फॉरन चीन अंदर नहीं गया एक्सपेरिमेंट फेल मैं दोबारा नए सिरे से करूंगी अगर दोनों में मर गया तो भी मेरे काम का नहीं है मतलब अंदर कुछ गया ही नहीं है एक्सपेरिमेंट फेल मैं दोबारा करूंगी पर अगर एमपी में डेथ हो गई है और टेट्रासाइक्लिन में जिंदा है एमपी में डेथ हो गई है यानी एमपी वाली जगह पर मेरा फॉरेन डीएनए घुस गया तभी तो उसने एम्पी वाले रेजिस्टेंस वाले जीन को इनएक्टिव कर दिया और वो इको आर्वन का एरिया था यानी मेरा तीर सही निशाने पर पहुंचा है यानी ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट है मैं इसे ग्रैंड स्केल पे अब कल्चर करूंगी तो मुझे पता चल गया कि ट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्म transform? और ट्रांसफॉर्म में भी नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट दो एंटीबायोटिक मैंने यूज है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, टू एंटीबायोटिक्स को यूज करके अगर ये सिचुएशन होती अगर या तो ये होती या तो ये होती कोई एक ही तो यूज करोगे आप और दिस थ्री ए या थ्री बी तो क्या होता तो ये वाली सिचुएशन होती इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो गया इनएक्टिव हो गया जीन यानी टेट्रासाइक्लिन में मर जाता और एम्पी सिलिन में जिंदा रहता टोटल तो मरी जाता ऑफकोर्स ये मेन है अपने लिए ये दो तो भी मैं समझ जाती दोनों में जिंदा मेरे काम का नहीं दोनों में मर गया मेरे काम का नहीं पर टेट्रासाइक्लिन में मर गया

वहां का जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है यानी जहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है वहां का जीन इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वहीं पर सेम आर ई ने भी कट लगाया है तो वो जीन भी डैमेज हो गया है इसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या हो गया है यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी जहां पर आपने फॉरेन जीन इंसर्ट किया है वहां का सिलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिव हो गया है यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से हमने पता कर लिया कि कौन सा वाला हमारे काम का है या तो ये या ये जो भी थर्ड वाली ये कैटेगरी है जिसे हमें लार्ज स्केल पे ग्रो करना है मजे आ गए अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं एक तो एम्पीसिलिन यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं ये दो तो आपको याद हो ही गई हैं। इसके अलावा साइक्लिन क्लोरम फेनिकॉल और कानामाइसिन क्लोरम फेनिकॉल एंड कानामाइसिन ये फोर एंटीबायोटिक्स ए रेजिस्टेंट जीन्स इन्हें यूज करते हैं अगर होस्ट कोलाई हो देखो समझो एक बात समझो ये सब तब पॉसिबल होगा अगर होस्ट नेचुरली एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं है दोनों में मरता है नेचुरली तभी तो पता करोगे मान लो होस्ट खुद भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है तो फिर कैसे पता कर, च, चलेगा कि जो एम्पिसिलिन में जिंदा है वो किस कारण से है तो कोलाई e जो है वो नेचुरली इन सब से रेजिस्टेंट नहीं होता है मर जाता है इन सब में इसीलिए हम कोई ऐसा वैक्टर लेंगे जिसमें इन चार में से किसी के लिए किसी दो के लिए रेजिस्टेंट जीन हो अब ये बड़ा कम्बड़सम प्रोसेस है कम्बड़सम मतलब बड़ा मेहनत का प्रोसेस है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्यों है भाई समझो इसमें मुझे दो दो बार एंटीबायोटिक में डालना पड़ेगा पहले एम्पी में डाल के देखूंगी थोड़ा से थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट किया है फिर टेट्रासाइक्लिन में देखूंगी फिर पता चलेगा दोनों में जिंदा है तो फर्स्ट सिचुएशन दोनों में मर गया तो सेकंड सिचुएशन एक में जिंदा और एक में मर रहा है तो थर्ड सिचुएशन तो थोड़ी टाइम लगेगा साइंटिस्ट ने कहा तो एक झटके में पता करना है वन शॉट में पता करना है उसके लिए एक और सिलेक्टेबल मार्कर मिलता है कुछ वेक्टर्स के अंदर अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से यस या थम्सअप दे दो जितनों को समझ में आ गया बहुत आसान है अगर उस एरिया में कट लगा है जिससे आपने फॉरेन डीएनए को भी कट किया है तो वहां वाला जीन इनएक्टिव हो जाएगा दूसरा एक्टिव रहेगा वहां वाला इनएक्टिव हो जाएगा आइए तो अब एक झटके में पता करेंगे सेकेंड सिलेक्टेबल मार्कर लैक जेड जीन की हेल्प से लैक जेड जीन मजे आ रहे देखो समझो कुछ वेक्टर होते हैं जिनके पास एक स्पेशल जीन मिलता है जेड जीन लैक जेड जीन आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब आप लैक ओपेरॉन मॉडल पढ़ोगे तब भी समझ आएगा ये जीन है जीन से एम आर एन ए बनता है और एम आर एन ए से प्रोटीन ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंजाइम भी प्रोटीनज ही होते हैं तो इस जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है नाम समझ में आ रहा है गैलेक्टोसाइडेज ये गैलेक्टोसाइड को तोड़ेगा और गैलेक्टोसाइड होती है लैक्टोज ये लैक्टोस को ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज एक डायसेक्राइड है आपको मालूम है मिल्क वाली शुगर है दूध में जो मिलती है डायसेक्राइड इसमें वन ग्लूकोज होता है वन मॉलिक्यूल और वन मॉलिक्यूल गैलेक्टोज होता है तो ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड यानी लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देता है और ऐसा करने से जब ये ऐसा करता है तो ब्लू कलर आ जाता है ब्लू कलर की कॉलोनीज बन जाती है ब्लू कलर उस बैक्टीरिया में ब्लू कलर मिल जाएगा ब्लू कलर यहां पर एंजाइम क्या है ये प्रोडक्ट्स क्या है ये सबस्ट्रेट क्या है ये तो इसे कलर देने वाला सबस्ट्रेट यानी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी बोलते हैं कलर देने वाला सबस्ट्रेट यानी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ठीक है अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फर्स्ट सिचुएशन यहां पर Eco R1 की साइट है और आपने फॉरन डीएनए को भी ईको आर वन से कट किया है तो क्या होगा तो क्या होगा आपका आर डीएनए बन गया ठीक है ये पार्ट कट हुआ है ये पार्ट यानी आपका फॉरन डीएनए यहां घुसा है यहां घुसा आपका फॉरन डीएनए मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉरन जीन यहां घुसा तो ये तो एज इट इज है ना Lack, Z जीन तो एक्टिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिव है फर्स्ट सिचुएशन बता रही है ठीक है यानी जब आप होस्ट के अंदर ये सब चला गया मान लो ये सब होस्ट के अंदर चला गया यानी होस्ट ट्रांसफॉर्मड है और आपका फॉरेन जीन भी घुस गया है यानी रिकॉम्बिनेंट है अभी फर्स्ट सिचुएशन में रिकॉम्बिनेंट है अगर ऐसी सिचुएशन है क्या होगा जीन एक्टिव है ब्लू कलर की कॉलोनी आती है। लेकिन अब मैं ये बात नहीं कर रही हूं अब मैं ये बात नहीं कर रही हूं मैं क्या कह रही हूं ध्यान से समझो मैं ये बोल रही हूं कि सपोज करो सपोज करो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको कट करना है वो भी इधर ही है यहीं पर ईको आर वन वाली जगह है यहीं पर जहां पर ये जीन है वहीं पर जी ए ए टी टी सी है फर्स्ट सिचुएशन मानो फर्स्ट सिचुएशन वही तीनों सिचुएशन पहली सिचुएशन सपोज करो सपोज करो कि कट नहीं लगा कुछ भी कुछ भी कारण हुआ होस्ट के अंदर तो ये गया लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब वहां पर फॉरन डीएनए नहीं घुसा फॉरन डीएनए नहीं घुसा यानी होस्ट के अंदर केवल वेक्टर गया है ओनली वेक्टर इनटू होस्ट नॉट आर डीएनए फॉरन जीन अंदर नहीं गया अगर फॉरन जीन अंदर नहीं गया तो यहां पर मतलब कट नहीं लगा यानी ये जीन इनएक्टिव नहीं हुआ है तो फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो लैक जेड जीन एक्टिव है और अगर ये एक्टिव है तो प्रोटीन बनेगा एंजाइम बनेगा और प्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने पर ब्लू कलर की कॉलोनीज आ जाएंगी जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा ना जो होस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो नीली नीली कॉलोनीज मिलेंगी क्यों क्योंकि ये जीन अभी भी एक्टिव है सिचुएशन नंबर टू सपोज करिए सिचुएशन नंबर टू यहां इको वन की जगह थी इको वन की यहां कट लगा और फॉरन डीएनए घुस गया फॉरन डीएनए घुस गया यानी यहां का जो लैक जेड जीन है वो इनएक्टिव हो गया ये सब होस्ट के अंदर गया यानी होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड भी हुआ और रिकॉम्बिनेंट भी हुआ ऐसा होस्ट है ऐसा सेकंड सिचुएशन ऐसा होस्ट है तो अब लैक जेड जीन इनएक्टिव है क्यों इनएक्टिव है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या बोलते हैं इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी एन डीएनए के इंसर्शन के कारण से लैक जेड जीन इनएक्टिव हो गया और अगर ये इनएक्टिव हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट डालने पर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा यानी वाइट कलर की कॉलोनीज मिलेंगी व्हाइट कॉलोनी तो एक बार में मुझे पता चल गया कि अगर व्हाइट कॉलोनी मिल रही है यानी जीन इनएक्टिव हुआ है और जीन इनएक्टिव कब होगा जब वहां पर फॉरेन डीएनए घुसा है यानी रिकॉम्बिनेंट होस्ट है इसे मैं लार्ज स्केल पे ग्रो करूंगी इसे मैं ग्रो नहीं करूंगी मजे आ गए वन स्टेप सिंगल स्टेप में पता चल गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी जहां पर फॉरेन जीन इंसर्ट हो रहा है दोनों ही केस में जीन इनएक्टिव हो रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर वाले ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरन जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मजे आ गए तो जल्दी से था हम सब टोको तो पर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं So, ये सारी कहानी हमने वेक्टर की पढ़ी पूरी एक एक वर्ड एक एक लाइन एनसीआरटी की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ओराई आरओपी सिलेक्टेबल मार्कर्स ये अभी पढ़ाऊंगी ये समझाऊंगी अभी डोंट वरी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ये सब पढ़ा दिया ये अभी पढ़ाऊंगी चल। अब आइए हेडिंग डालिएगा चलो एक काम करती हूं ना चलो पढ़ा देती हूं पीबीआर 322, री ट्वेंटी टू पीबीआर री ट्वेंटी टू हेडिंग डालिए मजे आ रहे हैं सबको ठीक है चलो थ्री ट्वेंटी टू क्या है ये प्लाज्मेड है जो दो साइंटिस्ट बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स ने आर्टिफिशियली बनाया था नॉर्मली प्लाज़मिड्स बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं नेचुरली ये आर्टिफिशियली प्लाज़मिड बनाया था जिसे वेक्टर की तरह यूज किया था सो दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर पी का मतलब है इट्स अ प्लाजमेड यानी वही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग पर लैब में बना रहे हैं बी आर का मतलब है बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स दो साइंटिस्ट ने बनाया था रॉड्रिक्स बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स और 322 उनका एक्सपेरिमेंट नंबर था इस लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 322 था एक्सपेरिमेंट नंबर अब ये दो मिनट की कहानी सुनाऊंगी आपको पूरा याद हो जाएगा ये प्लाज्मेड है प्लाज्मेड है तो गोल होगा सर्कुलर होता है प्लाज्मेड और डबल स्टैंडर्ड होता है क्लियर है चल एट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तैयारो स्टोरी सुनने के लिए थम्सअप दे दो मुझे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से थम्सअप दे दो शुभांकर डिप्रेस नहीं होना बेटा पढ़ाई करनी है डिप्रेस होने से कुछ भी नहीं होगा लाइफ में फाइट तो करना है फिर ईश्वर के हाथ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बट अपना बेस्ट तो देना है चलिए हो चलो ये कहानी है दो फ्रेंड्स की प्रशांत और पवन क्या नाम है प्रशांत और पवन क्या नाम है प्रशांत और पवन वो एयरपोर्ट के लिए निकले करीब साढ़े सात आठ बजे साढ़े सात आठ अगर ये घड़ी होती तो यहां गई साढ़े सात आठ बजता स्टोरी शुरू करी चलना शुरू करा तो यहां पर है ओराई यानी इस एरिया में वो जीन्स हैं जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा किसकी कहानी है ये कहानी है प्रशांत और पवन की यानी इस जगह पर पी एस टी वन और पी यू वन ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइड है इनके पैलिंड्रोम्स हैं प्रोविडेंशिया प्रोविडेंशियल एंड प्रोटियस प्रोटीस ये अलग अलग जीनस और स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की कहा के लिए निकले थे प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए यानी इस एरिए में है एम्पी रेजिस्टेंस वाला जीन वो इसी एरिए में है प्रशांत और पवन सो तो प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकले साढ़े सात बजे वहां जाकर उन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट्स खरीदे हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से फ्लाइट थी सो so, इकोनॉमी क्लास यानी इको आर वन एंड क्ला वन ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इकोनॉमी क्लास इकोनॉमी क्लास की टिकट्स खरीदी और हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से उनकी फ्लाइट थी हिंद्री ये जो थर्ड वाला बॉक्स है पूरा थर्ड वाला जो बॉक्स है एंड हिंद ठीक है चलिए सो प्रशांत और पवन प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकले साढ़े सात बजे और वहां जाकर उन्होंने हिंद थ्री की इकोनॉमी क्लास की टिकट्स खरीदी अब फ्लाइट के बाहर उन्हें कौन मिला फ्लाइट के बाहर उन्हें मिले बजरंगी भाईजान सो so, बाहर मतलब इस एरिए में बाम एच वन की साइट है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन बैक्टीरिया के जीनस और स्पीशीज है हमें नाम नहीं आना चाहिए सो तो प्लाइट के बाहर बाहर उन्हें सलमान खान मिले सालवन सलमान सालवन ये सब बैक्टीरिया के जीनस स्पीशीज जिनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल रहा है उनकी फ्लाइट कहाँ जा रही थी सलमान जी और ये प्रशांत पवन कहाँ जा रहे थे टर्की यानी यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन्स सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स इस एरिया में सो प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए साढ़े सात बजे निकले इकोनॉमी क्लास की टिकट्स ली हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से फ्लाइट थी फ्लाइट के बाहर सलमान खान मिला और ये चारों सलमान खान प्रशांत पवन और फ्लाइट टर्की जा रही थी थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो गए शान यकीन ही नहीं हुआ सलमान खान है मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया शान और उसके बाद फूट फूट कर रोने लग गया कौन रोने लग गया रोने लग गया यानी यहां पर है आर ओ पी ओ पी।, पी मतलब पी मतलब ये वो जीन्स हैं जो वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कौन रोया वैसे तो दोनों ही पैन थे पर बड़ा पैन था पवन कैसे याद रखोगे बजरंगी भाईजान में पवन नाम था सलमान खान का पवन नाम कई मूवीज में है पवन पीवीयू यू वन वन तो यहां लिख चुकी हूं तो यहां टू क्योंकि उसने दो बार छू कर देखा टिंग टिंग सलमान खान और फिर रोने लग गया ठीक है पूरा याद हो गया इसमें यहां पर एक बॉक्स छोड़ते हैं रुको मैं बना देती हूं ये इधर कर देती हूं मैं है ना और आई इधर कर देती हूँ और आई एक एक बॉक्स छूटता है so, सो करीब साढ़े सात बजे प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकले इकोनॉमी क्लास की टिकट ली हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से फ्लाइट थी बाहर सलमान खान मिला तीनों जा रहे थे चारों फ्लाइट के साथ जा रहे थे टर्की रोने लग गया पवन पवन टू पवन वन यहां पर है यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने काम कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है देखो हर एंजाइम के लिए वन ही साइट है हमने कहा था ना क्लोनिंग साइट वन ही होनी चाहिए बताओ कितनी साइट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट रेस्ट्रिक्शन साइट्स है एट एट रेस्ट्रिक्शन साइट्स है मैं लिख नहीं रही हूं पी वन पी एच टी वन इको आर वन क्ला वन हिंद थ्री बाम एच वन साल वन केवल ये टू है ये थ्री है दो बार पवन ने छूके देखा था और हिंदुस्तान का थर्ड टर्मिनल बाकी सब कुछ वन है चलो सिलेक्टेबल कितनी है सिलेक्टेबल मार्कर देखो ध्यान से टू एक ये एम्पी रेजिस्टेंस और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसके अलावा इनमें ओराई है और इनमें आर ओ पी है हमने यही तो कहा था कि अगर वेक्टर बनना है तो ये चार चीजें होनी चाहिए डन मजे आ गए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू ध्यान से समझो वो आपको बोलेंगे कि पीबीआर 322 थ्री ट्वेंटी टू को साल वन से कट किया तो क्या होगा ध्यान से सुनना अगर साल वन से कट करोगे तो आपको आना चाहिए ये जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो ऐसा आर डीएनए अगर होस्ट में डालोगे तो टेट्रासाइक्लिन ouais में मर जाएगा एम्पिसिलिन तुु में जिंदा रहेगा इनमें से किसी से भी कट करोगे अगर तो ये नत... जा जा... मर जाए इसमें मर जाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया इसमें जिंदा रहेगा और इनमें से किसी से भी कट करोगे तो ये जीन इनएक्टिव हो गया इसमें मर जाएगा एम्पिसिलिन में टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा बाकी किसी से भी कट करोगे तो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों एक्टिव रहेंगे दोनों में जिंदा रहेगा मजे आ गए अच्छे से और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ में आ गया अच्छे से समझ में आ गया इनसे कट करोगे तो इसमें मर जाएगा ये इनएक्टिव हो जाएगा इनसे कट करोगे तो इसमें मर जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा बाकी दूसरी वाली में जिंदा रहेगा और बाकी में किसी में से भी कट करोगे तो दोनों में जिंदा रहेगा ठीक है चलिए ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये इनके नाम लिख दिए वैसे इतना डिटेल आपसे कोई पूछेगा नहीं रटना नहीं है रटना नहीं है अगर कोई पूछे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मैं लैक जेड जीन को मार्कर की तरह यूज कर रही हूं और होस्ट रिकॉम्बिनेंट है तो बताओ ब्लू कलर की कॉलोनी या व्हाइट कलर की चैट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ ब्लू कॉलोनी या व्हाइट कॉलोनी कम ऑन एवरीबडी रिकॉम्बिनेंट है रटना मत चीटिंग मत करना दिमाग लगाना कैसे दिमाग लगाओगे रिकॉम्बिनेंट है रिकॉम्बिनेंट है मतलब आरडीए बनाया बना है आर बना है मतलब इंसर्ट हुआ है इंसर्ट हुआ है मतलब लैक जेड जीन इनएक्टिव हो गया है जीन इनएक्टिव हो गया है तो एंजाइम इनएक्टिव हो गया एंजाइम नहीं बनेगा तो कलर नहीं आएगा व्हाइट क्या बात है एवरीबॉडी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रटना नहीं है रटना नहीं है क्या बात है चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एन एनिमल्स अभी ये जो प्लाज्मेड हमने बात की ये जनरली हम बैक्टीरिया होस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं बैक्टीरियो वायरस है वो भी बैक्टीरिया होस्ट के अंदर बात कर रहे हैं अगर होस्ट बैक्टीरिया है तो प्लाज्मेड या बैक्टीरियो फैश डालते हैं पर अगर होस्ट पेड़ है जैसे पेड़ के अंदर मुझे जीन डालना है विटामिन ए बनाने वाला या वो लाइट रात में चमकने वाला या मुझे एनिमल के अंदर मान लो एक बंदर है उसके अंदर मुझे चमकने वाला जीन डालना है मतलब अगर मैं होस्ट प्लांट या एनिमल को यूज करूंगी तो फिर वेक्टर क्या यूज करू ठीक है सत्यम ब्लैक कॉलोनी अस्ती चलिए आ जाओ हो गया याद हो गया सबको समझ में आ गया चलिए प्लांट्स के लिए होता है एक बार लिखो अभी समझाती हूं लिखो अभी सब समझ में आएगा एक बार लिखो टी आई प्लाज्मेड ऑफ लिखो एग्रो एग्रो बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम मॉडिफाइड और यहां लिखो अभी सब समझ में आएगा disarmed या मॉडिफाइड रेट्रो वायरस ये कल की क्लास में भी काम आएगा जब हम प्लांट्स और एनिमल्स बनाएंगे मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक तब मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगी देखो पेड़ है तो मैं ये वेक्टर यूज कर रही हूं एनिमल है तो मैं वो वेक्टर यूज कर रही हूं ठीक है करें स्टार्ट करें आइए शुरू करते हैं पहले पेड़ों की कहानी सीखते हैं चल सुनो ध्यान से एक बैक्टीरिया है मिट्टी में मिलता है लिखिए सॉइल बैक्टीरिया उसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम देखो नाम से ही समझ आ रहा है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियन इसकी स्पीशीज है ट्यूमी फेसियन स्पीशीज हो गई ये जीनस हो गया लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है ना ये क्या करता है ध्यान से समझना सपोज करो ये एक डायकॉट का पेड़ है ठीक है ये इसकी रूट्स है प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट्स ये मिट्टी है ये सॉइल है या में ही वो बैक्टीरिया रहता है ये है वो बैक्टीरिया मान लो ये बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक डीएनए है जेनेटिक डीएनए यानी जीनोमिक डीएनए और इस बैक्टीरिया के पास एक है ये प्लाज्मिड है प्लाज्मिड ये प्लाज्मिड को ये जो रूट के सेल है सपोज करो ये एक सेल है रूट का इसके अंदर पहुंचा देता है ठीक है इस बैक्टीरिया ने क्या किया इसने टी आई प्लाज्मेड को अंदर पहुंचा दिया टी आई प्लाज्मेड और उसका भी एक्चुअली एक पार्ट पहुंचाता है जिसे टी डीएनए बोलते हैं टी डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए इसे ट्रांसफर कर दिया कहां पे इनटू रूट सेल ऑफ केवल डायकॉट डायकॉट प्लांट डायकॉट पेड़ में टीआई प्लाज्मिड पर्टिकुलरली टी डीएनए को अंदर डाल दिया ठीक है अब ये जो एरिया है इसमें कुछ ऐसे जीन्स हैं इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम्स बनाते हैं जो इस सेल के अंदर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन ऐसे हॉर्मोन्स बनवाने लगता है ये क्यों बनवाता है क्योंकि इस बैक्टीरिया को ये चाहिए इस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से खाना चाहिए इसे साइटोकाइन ऑक्सिन हॉर्मोन्स चाहिए खाना केमिकल्स चाहिए अपनी ग्रोथ कराने के लिए तो ये पेड़ के सेल में ऑक्सिन साइटोकाइनिन बनवाने लग जाते हैं जिस कारण पेड़ के सेल्स मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन आपको पता है सेल डिवीजन करवाते हैं और यहां पर सेल डिवाइड कर कर के कर कर के कर कर के गटहान बना देंगे ऐसे ट्यूमर्स बन जाएंगे ट्यूमर इसीलिए तो ट्यूमीफेसीन बोलते हैं इसे तो इन्होंने क्या किया ये इसने इसने नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया ट्यूमर सेल्स में और अब ये ट्यूमर सेल्स जो हैं, दे प्रोड्यूस या केमिकल्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पूरा बैक्टीरिया अंदर गया है बेटा रूट सेल के अंदर कंफ्यूज मत होना पूरा बैक्टीरिया अंदर गया और उसका टीआई आई यानी टी जो है वो रूट सेल के डीएनए के साथ जुड़ा और उसने नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट किया गठाने बन रही हैं और उसने उसमें केमिकल्स बने ऑक्सिन साइटोकाइन जिसके कारण बैक्टीरिया की तो ग्रोथ हो रही है पर पेड़ में ट्यूमर बन गए और जब पेड़ में ट्यूमर बन गए पेड़ को बीमारी हो गई यानी ये बैक्टीरिया जो है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम इसने बीमारी कर दी यानी हम क्या बोल सकते हैं दैट इट इज पैथोजेनिक टू डायकॉट रूट डायकॉट प्लांट के लिए बीमारी कर रहा है रूट खराब हो जाती है इंफेक्शन हो जाता है तो रूट वॉटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जब वाटर नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सीओ टू प्लस एच टू ओ खाना नहीं बनेगा कुछ देर में पेड़ मर जाता है कुछ समय में यह बीमारी करता है एग्रो बैक्टीरियम मिट्टी में मिलने वाला एक बैक्टीरिया डायकॉट पेड़ों में बीमारी करता है पैथोजे डिजीज कॉजिंग है उनकी रूट्स में ट्यूमर बना देता है गठाने गठाने साइंटिस्ट ने क्या कर लगाई उन्होंने कहा मान लो कोई एक डायकॉट पेड़ है मुझे उसके अंदर वो अंधेरे में चमकने वाला प्रोटीन यानी जीन डालना है। उन्होंने कहा अगर हम इस टी के साथ अटैच कर दें हमारे फॉरेन डीएनए को और उस पेड़ के अंदर इंफेक्शन करा दें इस बैक्टीरिया का तो जब ये टी डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाएगा तो हमारा फॉरेन डीएनए की भी कॉपी बनेगी और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा पर प्रॉब्लम ये है कि वो पेड़ तो मर जाएगा तो उन्होंने कहा काम करते हैं उन जींस का भी पता लगा लेते हैं इसके अंदर जो पैथोजेनिक है जो ऑक्सिन साइटोकाइन केमिकल्स वगैरह बनवाते थे और उन्हें कट कर देते हैं यानी उन्होंने पूरा का पूरा डायरेक्ट टीआई प्लाजमिड प्लाज्मिड नहीं डाला उन्होंने टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई करा कि अब वो पेड़ में बीमारी नहीं करेगा बट हमारा फॉरन डीएनए पहुंचा दे मॉडिफाइड टी आई प्लाज्मेड विच इज नो मोर अब लिखती हूं नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट बट स्टिल डिलेवर फॉरन जीन, फॉरन जीन पहले मॉडिफिकेशन किया नहीं तो पेड़ में तो बीमारी हो जाती तो वो जीन्स कट कर देते हैं साइंटिस्ट जिनसे ये केमिकल्स बन रहे हैं जिनसे ये ट्यूमर हो रहा है गठाने बन रही है कैंसर हो रहा है पेड़ में और टी डीए ने अभी भी हमारा फॉरेन जीन उसके साथ जोड़कर और हम पहुंचा देते हैं जल्दी से लिख लो मजे आ गए मजे आ गए जेनिक टू प्लांट बट स्टिल एबल टू डिलीवर आवर फॉरन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट बस ये सेम फंडा रेट्रोवायरस में भी होता है एक्चुअली रेट्रो वायरस जो होते हैं रेट्रोवायरस इनमें भी काबिलियत होती है कि ये नॉर्मल सेल्स से कैंसर करवा देते हैं कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं रेट्रो वायरस की खासियत होती है तो यहां भी हम क्या करते हैं रेट्रो वायरस वायरस अपना डीएनए या आरएनए आरएनए रेट्रो वाले ए रेट्रो वाले अपना आर एन एनिमल सेल के अंदर डालता है तो हम क्या करते हैं हम उसके साथ अपना जीन जोड़ देंगे पर इसके वो जीन्स कट करके फेंक देंगे जिनसे बीमारी होती है तो यहां पर भी हमने इसे डिसआर्म आर्म मतलब आर्मेंट्स मतलब इसके हथियार हटा दिए ये भी अब नॉन पैथोजेनिक है अब ये बीमारी नहीं कर पाएगा मॉडिफाई कर दिया है हमने इसे आ गया समझ में तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदो ये जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं ये जेनेटिक इंजीनियर है ये हमारे फॉरन डीएनए को डायकॉट पेड़ के अंदर पहुंचा सकता है इट इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर तो जब भी प्लांट को होस्ट की तरह यूज करना है तो एग्रो बैक्टीरियम का इंफेक्शन कराते हैं उसका टीआई प्लाज्मा पर्टिकुलरली डीएनए अंदर जाता है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं अपना फॉरन डीएनए और जब भी एनिमल सेल को होस्ट की तरह यूज करना है तो हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं पर दोनों ही चाहे ये बैक्टीरिया हो चाहे रेट्रोवायरस हो डिसम्ड करेंगे मॉडिफाई करेंगे अब वो बीमारी करने वाला नहीं होना चाहिए जितनों को समझ में आ गया जल्दी से यस yes या हम सब भेज दो जल्दी, जल्दी 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 बता दो समझ में आ गया सबको चलिए सो प्लाज्मेड बैक्टीरियोफाज, ये तीन ये आप पढ़ेंगे मैं अभी नहीं बता रही हूं ये आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लेंगे कि बी ए सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड वाई ए सी जीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वेक्टर्स की तरह यूज करा है एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर नॉट अ वेक्टर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ध्यान रखना इको आर वन पी एस टी वन पी वी यू वन हिंद टू हिंद थ्री पी एच टी टू बाम एच वन साल वन वन टू थ्री ये जो आ रहे हैं ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और बी ए सी वाई ए सी प्लाजमेड बैक्टीरियोफाज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन अपना रेट्रोवायरस ये सब वेक्टर्स हैं देखो इसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्यों है ट्यूमिफेसियन क्योंकि ट्यूमर कर रहा है और इसी तरह टी आई का क्या मतलब है टी आई टी आई ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई मतलब ट्यूमर करवाने वाला ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड तो बैक्टीरिया का नाम भी ट्यूमी पेशियन है और प्लाज्मिट भी टी आई ट्यूमी ट्यूमर इंड्यूसिंग चलिए आइए तो यहां पर हमारा सेकेंड हथियार भी कंप्लीट होता है अब आइए हम अपने थर्ड हथियार की तरफ चलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट होस्ट की अब थोड़ी सी बात करते हैं एंजाइम समझ लिए हमने लाइजिस एंड डीएनए पॉलीमरेज और फिर हमने समझा वेक्टर्स ओराई आरओपी सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैगजेड जीन एंड क्लोनिंग साइज प्लीज एक बार अपनी एनसीआरटी ओपन कर लीजिए ओल्ड और न्यू दोनों के मुझे एक बार न्यू का बता दो ओल्ड तो मेरे पास है मैं उसमें से देख लेती हूं पेज नंबर टू हंड्रेड पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ देख लेना ओल्ड का अलग से एनसीआरडी किसी को भी नहीं खरीदनी है चल अब हमें क्या करना है ये जो डीएनए है जो आर डीएनए बन गया है उसे हमें होस्ट के अंदर डालना है यानी होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है विथ आरडीएनए प्लीज मार्क करिए प्लीज मार्क करिए वन सेवेंटी चलो अब सुनो पहले ध्यान से एक तरीका तो यह है कि हम वेक्टर के साथ पहुंचाएं पर एक तरीका होता है बिना वेक्टर के पहुंचाना वेक्टर के साथ तो आपको पता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन या रेट्रो वायरस उनके साथ पहुंचाते हैं या प्लाज्मा के या बैक्टीरियो वायरस के द्वारा पर वेक्टर लेस कैसे पहुंचाते हैं ध्यान से पहले मुझे सुनो आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग होता है अगर मैं आर डीएनए को होस्ट के अंदर डालना चाहती हूं तो होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सब होस्ट में चाहे बैक्टीरिया हो प्लांट हो वायर एनिमल हो कुछ भी हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तेल तेल होती है, तेल। ये पानी से चिड़ती है नफरत करती है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाई हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है डीएनए सेल मेम्ब्रेन है हाइड्रोफोबिक कभी भी डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता तो क्या करते हैं सबसे पहले जो बैक्टीरिया है जिसमें भी आपको डालना है प्लाज्मेट जो भी डीएनए डालना है उसे सीए टू प्लस कैल्शियम क्लोराइड या किसी से ट्रीट करते हैं उस कारण क्या होता है वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं तो जो डीएनए है वो थोड़ा सा घुस जाता है सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आ जाता है अब हम इस होस्ट को फोर्टी टू डिग्री गर्म सेल्सियस फिर बर्फ जीरो फोर्टी टू डिग्री जीरो डिग्री फोर्टी टू डिग्री जीरो डिग्री यानी शॉक देते हैं हीट कोल्ड हीट कोल्ड हीट कोल्ड और वो घुस जाता है यहां कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे हो डायरेक्ट फॉरन डीएनए भी डाल सकते हो या आर डीएनए भी डाल सकते हो तो क्या कर रहे हैं प्लीज मार्क करिए कि डीएनए है हाइड्रोफिलिक इसीलिए ये assertion reason का क्वेश्चन भी आ सकता है तो अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरिया के अंदर आपका घुस जाए तो पहले सबसे पहले हम उसे ट्रीट करेंगे बैक्टीरिया को डायवेल केटाइन सच एस कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड डायवेल टू प्लस इसके कारण से छोटे छोटे छेद हो जाएंगे सेल वॉल में और बैक्टीरिया मोर एफिशिएंटली सेल वॉल के अंदर घुसेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा अभी भी नहीं घुस पा रहा है तो अब हम उसे देंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट यानी 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन आइस और जब हम ऐसा करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा आरडीएन घुस जाएगा यह पहला तरीका है मैंने क्या किया है हीट शॉक ट्रीटमेंट किया है हीट शॉक ट्रीटमेंट हीट शॉक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं सबसे पहले डाई डाईवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं सेल वॉल में छोटे-छोटे पोर्स हो जाते हैं सेल वॉल से अंदर घुसता है डीएनए और फिर हम उस बैक्टीरिया को 42 डिग्री 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री हीट शॉक से अंदर घुसा देते हैं चलिए आइए दूसरा तरीका सीखते हैं तरीका नंबर 2 2 माइक्रो इंजेक्शन डिटेल में नहीं जाऊंगी एनिमल सेल्स में यूज करते हैं एनिमल सेल में न्यूक्लियस के अंदर सीधे आपको आर डीएनए डालना है पतला सा इंजेक्शन आता है उसमें फॉरन डीएनए को लोड करते हैं और सिरिंज से डाल देते हैं एम्ब्रियो लेवल पर भी डाल देते हैं चलिए इसके थ्रू हम आर डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इन टू द एनिमल सेल पर ध्यान रखना ये सिर्फ एनिमल सेल में यूज होगा क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है उसमें इंजेक्शन कैसे घुसाओगे सर में थोड़ी घुसा सकते हो सेल वॉल रिजिड होता है सो माइक्रो इंजेक्शन ओनली फॉर एनिमल सेल एनिमल सेल में इंजेक्शन लगाकर और आरडी ने पहुंचाया जा सकता है ही शौक दोनों के लिए पेड़ जानवर दोनों के लिए चलो अब तीसरा तरीका बायोलिस्टिक या जीन गन बायोलिस्टिक या जीन गन इसे हम प्लांट्स में यूज करते हैं प्लांट्स अगर होस्ट है प्लांट के अंदर मुझे पहुंचाना है इसमें क्या करते हैं गोल्ड या टंगस्टन की कोटेड छोटी छोटी बुलेट्स बनाते हैं उसी पे अपना डीएनए भी लोड कर देते हैं और वो बुलेट चलाते हैं एनिमल सेल में यूज नहीं कर सकते एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डैमेज हो जाएगी और यहां वॉल है रक्षात्मक प्रोटेक्टिव तो जब आप बंबार्डिंग करोगे सफिशियंटली हाई वेलोसिटी होनी चाहिए लो स्पीड होगी तो बाउंस बैक कर जाएगी बहुत हाई होगी आर पार निकल जाएगी उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए ऑफकोर्स तो क्वेश्चन क्या आता है कि यहां पर गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड छोटी छोटी माइक्रो बुलेट्स बनाते हैं उसी पे कोटिंग कर देते हैं अपने डीएनए की ये तीसरा तरीका होगा। चौथा तरीका ऑफ़ ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है डिसाम्ड पैथोजेन वेक्टर्स इसमें एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन प्लांट्स के लिए आ जाएगा और वायरस एनिमल्स के लिए आ जाएगा ठीक है इसके अलावा एक तरीका और होता है आई डोंट नो शायद यहां नहीं दिया है एक तरीका और होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल पीईजी केमिकल मेथड है ये पीईजी -E इस केमिकल के अंदर अगर हमने होस्ट भी डाल दिया और आर डीएनए भी डाल दिया तो केमिकल के कारण डीएनए अंदर घुस जाता है केमिकल मेथड है ये केमिकल मेथड और एक्चुअली एक मेथड और होता है इलेक्ट्रोफ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं करंट जब देते हैं डीएनए होस्ट के अंदर घुस जाता है इन दो को ऐड कर लो तो छह तरीके हैं या तो वेक्टर यूज कर लो या हीट शॉक ट्रीटमेंट माइक्रो इंजेक्शन ओनली फॉर एनिमल्स जीन गन गन बंदूक चला रहे हो जीन की बायोलिस्टिक मेथड ओनली फॉर प्लांट्स या केमिकल मेथड या इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है हो गया चलिए So, हमने यहां पर तीनों हथियार सबसे पहले हमने पढ़ा वॉट इज बायोटेक्नोलॉजी उसकी परिभाषा डेफिनेशन फिर हमने पढ़ा थ्री टूल्स एंजाइम्स वेक्टर्स एंड होस्ट अब आइए प्रोसेसेस की बात करते हैं प्रोसेसेस सो प्रोसेसेस में हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ लिया था फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया था एक पेज ले लो सेपरेट एक सेपरेट पेज लो एक बार एक बार सेपरेट पेज लो इस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में भी क्वेश्चन आया है पहला स्टेप क्या होगा फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में एक साथ लिखते जाते हैं चलो अपन तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हमें पूरा का पूरा डीएनए निकालना है पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा प्लीज लिखिए मेरे साथ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ये फर्स्ट स्टेप है क्या क्या यूज होगा इसमें अब आप लोग सब जानते हो इसमें लाइज यूज हुए थे सेल वॉल ब्रेक करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करेंगे आरएनए तोड़ेंगे प्रोटीन तोड़ेंगे फिर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे डीएनए फाइन थ्रेड्स दिखेंगे और फिर स्पूलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल लेंगे ये था फर्स्ट स्टेप नाउ इसके बाद हमने डीएनए के टुकड़े टुकड़े पीसेस किए थे याद है सबको पीसेस किए थे सो सेकंड स्टेप होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन location. वो लोकेशन क्या थी रेस्ट्रिक्शन साइड पैलेंड्रोमिक साइट यहां रोल किसका था बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिय। बोथ वेक्टर एंड डीएनए फॉरन डीएनए विल बी कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं एवरीथिंग वी हैव लर्न एवरीथिंग ठीक है ये सब मैंने पढ़ा दिया है चलो अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमने अपने पीस को ढूंढा था टुकड़ों में से यानी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ऐसा लिख देती हूं मैं हमने सेपरेट किया है एंड आइसोलेट किया है अपने टुकड़े को सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट जो डिजायर्ड डीएनए टुकड़ा है उसे हमने बाहर निकाला था सबको याद आ रहा है ये हमने किया था बाय एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेस इसके अंदर इथीडियम ब्रोमाइड का रोल आया था अल्ट्रावायलेट रेज का रोल आया था ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के रूप में मिला था और पीसेस को जो कट किया था मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूं क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो स्पू इल्यूजन uh, प्रोसेस से किया था इल्यूज़न ठीक है ठीक है अब अब मुझे कायदे से इसके बाद क्या करना चाहिए था तो आप बोलोगे मैम आपका पीस मिल गया वेक्टर में से भी पीस ढूंढ लिया अब आपको इसे चिपकाना चाहिए यानी इसके बाद मुझे आर डीएनए फॉर्मेशन करना चाहिए कौन सा एंजाइम लगेगा चिपकाना है तो डीएनए लाइगेस पर आप देखो मैंने इसे फिफ्थ नंबर पर लिखा है मैंने फोर्थ नंबर छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया आ जाओ समझाती हूं थोड़ी सी देर में चल फिर इसके बाद जब आर डीएनए बन गया तो मुझे उसे होस्ट के अंदर डालना होगा मुझे अपने आर डीएनए को होस्ट के अंदर डालना होगा होस्ट के अंदर ठीक है देखो इंसर्शन ऑफ आर डीएनए एन होस्ट इंसर्शन ऑफ आर डीएनए एन होस्ट इंसर्शन ऑफ आर डी एन एन टू होस्ट कैसे इंसर्ट करोगे वो तरीके जो अभी देखे अपन ने वो ही सारा हीट शॉक से कर दो सॉरी हीट शॉक या माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए यूज कर सकते हो डायरेक्ट जीन गन यूज कर सकते हो केमिकल मेथड इलेक्ट्रिक मेथड केमिकल मेथड में पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं इसके अलावा डिसआर्म्ड पैथोजें यूज कर सकते हो यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन हो गया या अपना ये रेट्रोवायरस हो गए वो सब यूज कर सकते हैं अब इंसर्ट करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ है इंसर्ट करने के बाद सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प भी लेनी है और इसके थ्रू आइडेंटिफाई पता करना है कि आर डी ए अंदर घुसा या नहीं घुसा तो हमें ट्रांसफॉर्म्ड कौन सा है वो पता करना है और उसमें भी रिकॉम्बिनेंट कौन सा है वो पता करना है फिर उसे हम कल्चर फल्चर करेंगे ठीक है ये भी करना है इतना क्लियर है ये सब पढ़ चुके अब ये लाइन मैंने क्यों छोड़ी है? समझो ध्यान से सपोज करो मुझे मेरा पीस मिल गया ठीक है मैंने एक ह्यूमन सेल लिया था उसका पूरा डीएनए निकाला था उसके टुकड़े पीसेस कटिंग करी थी उसमें से फिर जेल इलेक्ट्रोफोरोसेस किया मुझे मेरा जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसके एक पीस मुझे मिल गया पर एक पीस से हो सकता है आरडीएनए ना बने ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए पता पड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं हो, हो रिकॉम्बिनेंट नहीं बने

यहां मैं वन कॉपी से हजारों लाखों कॉपीज बना दूंगी सो so, एम्प्लीफिकेशन कर दूंगी यानी मैं मल्टीपल कॉपीज बना दूंगी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और यहां टेक्नोलॉजी लगेगी पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन जो अब मैं आपको सिखाऊंगी बाय पीसीआर मैं पूरी समरी की तरह आपको सिखा रही हूं प्रोसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी राइट right? प्रोसेस क्योंकि नाम ही है चैप्टर का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो पहले प्रिंसिपल पढ़े फिर टूल्स पढ़े और अब प्रोसेस हैं। तैयार है सब लोग करें शुरू चलो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप सब दे दो अगर आप लोग सब रेडी हो तो ये तो पढ़ा दिया मैंने सब ये भी सब पढ़ा दिया हम्म चलिए आइए पीसीआर पढ़ते हैं पीसीआर अलग से पढ़ाती हूं पूरा प्रॉपर प्रॉपर पढ़ेंगे हेडिंग डालिए पीसीआर पीसीआर इसका फुल फॉर्म लिखो फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स ये आपको मॉलिकुलर बेसिस में भी हेल्प करेगा जब सर आपको पढ़ाएंगे आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसे मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगी लैब में आर्टिफिशियली देखो बॉडी के अंदर तो डीएनए से डीएनए बनता ही है वो तो नेचुरल है पर मैं यह आर्टिफिशियली बनाऊंगी सो यहां पर हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लीफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्लियरली एनसीआरटी में लिखा है मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे इन विट्रो मल्टीपल कॉपीज हजारों लाखों मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में आउटसाइड बॉडी नॉर्मली बॉडी के अंदर तो बनती है बॉडी के अंदर तो कोई पंगा नहीं है स्टूडेंट बॉडी के अंदर तो सारे एंजाइम्स रहते हैं मोलिकुलर बेसिस में पढ़ोगे पर बॉडी के बाहर बहुत इजी है आइए देखिए मेरे साथ देखो सबसे पहले सपोज करो कि ये वो डीएनए है वो टुकड़ा वो फ्रैगमेंट जिसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज बनानी है सपोज ये मैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से ऑलरेडी पीस पता कर चुकी हूं सो दिस इज डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड टू बी एम्प्लीफाइड अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो मॉलिकुलर बेसिस डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है तो मोटा मोटा बता देती हूं होता क्या है जैसे सपोज ये हमारा डीएनए है सबसे पहले बॉडी के अंदर एक एंजाइम आता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ देता है तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं ऐसे एक एंजाइम आता है एंजाइम वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ देता है पर यहां पर बॉडी के बाहर कर रहे हो तो यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम बहुत हाई टेम्परेचर दे देते हैं 90 95 डिग्री सेल्सियस 90 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इतने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप टूट जाते हैं सो so, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं वैसे ही बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेट। बॉडी के अंदर ये काम हेलीकेज एंजाइम करता है बट यहां पर ये टेम्परेचर देकर होता है मशीन होती है उसके अंदर डीएनए डाल देते हैं ऑटोमेटिकली इतना टेम्परेचर चलता है इस स्टेप को बोलते हैं डी नेचरेशन डी का मतलब ही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना इसका मतलब ही होता है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ठीक है अब क्या स्टोरी बनेगी ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया फाइव टू थ्री और ये दूसरा स्ट्रैंड आ गया थ्री टू फाइव ये दोनों अलग हो गए हैं प्लस का साइन लगा देते हैं. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे मान लो अगर ये ए ए टी टी सी जी कुछ भी ठीक है कुछ भी था अभी टाइम वेस्ट नहीं करते अपन अपन थोड़े कम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं ठीक है सपोज करो यहां पर ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी था तो यहां पे टी ए G C T A G C T A G अब आप पैलिंड्रोम से मत कंफ्यूज होना पैलिंड्रोम का कोई लेना देना नहीं है पैलिंड्रोम तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग के टाइम पर फंडा था यहां तो कुछ भी डीएनए हो सकता है कोई भी सीक्वेंस हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है पर कॉम्प्लीमेंट्री होगा अब इसमें क्या करते हैं प्राइमर लगाते हैं प्राइमर प्राइमर आपको पढ़ाएंगे टरी में आर्टिफिशियली छोटा सा आर लगाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है और प्राइमर हमेशा आपको मॉलिक्युलर बेसिस में पढ़ाएंगे थ्री प्राइम एंड पर लगता है क्यों मैं उसके अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी बिल्कुल नहीं जाऊंगी सो so, यहां थ्री प्राइम पर मैंने प्राइमर लगा दिया एक प्राइमर इधर लगेगा एक प्राइमर इधर लगेगा यानी एडिशन किया है मैंने एडिशन ऑफ टू प्राइमर्स टू स्ट्रांड है तो टू प्राइमर्स लगेंगे और प्राइमर हमेशा प्राइम एंड ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड पे लगता है पेरेंट के थ्री पे एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी वो जो एंजाइम होता है ना डीएनए पॉलीमरेज जो नई नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वो बड़ा नट्टा होता है वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा बड़ी तीन पांच करते थे बचपन में तो मैं पेरेंट वाले स्ट्रैंड को थ्री टू फाइव ही रीड करूंगा तो क्योंकि वो थ्री टू फाइव ही रीड करेगा प्राइमर थ्री पर ही लगाते हैं यहां पर भी थ्री टू फाइव रीड करेगा तो प्राइमर थ्री पे लगाते हैं मॉलिकुलर बेसिस में डिटेल पढ़ाते हैं तो ये एक प्राइमर हो गया ये दूसरा प्राइमर हो गया प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं यानी यहां जी है तो यहां सी ए टी सी ऐसे यहां पर ए टी सी जी इस स्टेप को बोलते हैं अनिलिंग अनिलिंग का मतलब ही होता है जोड़ना चिपकाना यहां पे प्राइमर ऐड कर रहे हैं अनिलिंग इस समय टेम्परेचर कम चाहिए किसी चीज को तोड़ने के लिए गर्मी चाहिए पर जोड़ने के लिए थोड़ी ठंड चाहिए कूल कूल सो ये अराउंड 50 से 60 65 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है ठीक है अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता अब रोल आता है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम का। डीएनए का ये काम होता है कि हम यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं वो इसे रीड करेगा सी जी वाली जोड़ देगा बना के। वाली को रीड करेगा तो ए लेकर आएगा जोड़ देगा ए वाली को रीड करेगा तो टी लेकर आएगा जोड़ देगा यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये दो पेरेंट्स हैं ही फाइव टू थ्री थ्री टू फाइव यहां पर ये प्राइमर लगा ही था यहां भी प्राइमर लगा था और जो पॉलीमरेज है वो ऐसे नया स्ट्रैंड बना देगा इधर ऐसे नया स्ट्रैंड बना देगा ठीक है ये दोनों तो अलग अलग है ये तो अलग हो ही चुके हैं ठीक है ठीके? अगर आप गौर से देखोगे गौर से तो अगर यहां पर A T C G A T C G A T C था प्राइमर के अंदर G A T C था और अब ये ऐसा लेकर आएगा ऐसा है ना ये तो बहुत इजी है यानी अगर आप गौर से देखो तो ये बिल्कुल पेरेंट जैसा बन बन गया पेरेंट जैसा ऐसी तो था पेरेंट भी और ये भी पेरेंट जैसा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ला रहे हैं बेटा समझ में आ रहा है सबको पहले वन था दोनों अलग -अलग हुए। इस पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बना न्यू, न्यू। यानी ये दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी बनेंगे यानी वन डीएनए से टू डीएनए बन गए ये एक और ये दो थर्ड स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन क्योंकि छोटा सा प्राइमर एड किया था उसके बाद जितना लंबा डीएनए है वो बन जाएगा या इसे एक्सटेंशन भी बोल सकते हो एक्सटेंशन या इसे पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हो पॉलीमिराइजेशन पॉलीमर Polymer बन रहा है पॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइट जुड़ती जाती है और फिर ये दोनों जो डीएनए हैं दोनों मॉलिक्यूल ये फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी यानी वन से टू टू से फोर फोर से एट एट, एट से सिक्सटीन जैसे बाइनरी फिजन होता है वैसी स्टोरी चलती रहेगी एनसीआरटी कहती है कि आफ्टर थर्टी साइकल्स थर्टी टाइम्स जब ये हो जाएगा तो करीब वन बिलियन कॉपीज बन जाती है ऑलमोस्ट वन बिलियन वन बिलियन में वन थाउजेंड मिलियन आते हैं और वन मिलियन में दस लाख आते हैं इतनी कॉपीज बन जाएंगी। ये स्टेप होता है अराउंड सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस पर इस सीक्वेंस की दो या तीन बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है डी फिर अनिले और फिर एक्सटेंशन या इलांगेशन या पॉलिमराइजेशन डी और फिर इलाशन समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं है एक बार क्वेश्चन तो होगा अगर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं दोगे तो डीनेचुरेशन ही नहीं हो पाएगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा और मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी यहां चेन रिएक्शन हो रही है one से टू टू से फोर फोर से इसीलिए चेन रिएक्शन कह रहे हैं और पॉलीमरेज एंजाइम अभी काम करेगा पॉलीमर बनाना है मल्टीपल कॉपीज तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहां अगर आप गौर से देखें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है यानी ये थर्मल साइकल्स है थर्मल साइकल्स हैं ये मशीन आती है उस मशीन में डीएनए डाल देते हैं मशीन में अपने आप ये सब होता रहता है और मल्टीपल कॉपीज बनती रहती है टेम्परेचर डिपेंडेंट है यहां पर आपको क्या डालना पड़ेगा आपको एक तो न्यूक्लियोटाइड्स डालनी पड़ेंगी न्यूक्लियोटाइड्स तभी तो वो ढूंढ ढूंढ के लाएगा और जोड़ेगा एक्चुअली एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड इसका मतलब सिखाएंगे आपको मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ोगे और आपको एंजाइम चाहिए कौन सा एंजाइम चाहिए आपको डीएनए का पॉलीमर बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो जो इसे रीड करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लाएगा इसे रीड करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री लाएगा और इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब कहानी में ट्विस्ट है ध्यान से सुनिए मुझे फुल कॉन्सेंट्रेशन आई वॉन्ट एक्सटेंशन तभी होगा कोई पूछे पॉलीमरेज किस स्टेप में लगता है थर्ड स्टेप में या बिटवीन विच टू स्टेप्स सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप के बाद आप एंजाइम डालोगे ताकि थर्ड स्टेप हो अब फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनो पंगा क्या है बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारा एंजाइम काम करता है पर मशीन में ये काम करने के लिए 72 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है और इतने हाई टेम्परेचर पर इंसान या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स का डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज तो सबके पास है सभी अपने डीएनए से डीएनए बनाते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है है Protein है एंजाइम क्या प्रोटीन उसके पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट जाते हैं वो जिंदा ही नहीं रह पाता ऐसा समझ लो ये सबसे बड़ा चैलेंज था पीसीआर मशीन बनाने में इसका तोड़ कैसे निकला साइंटिस्ट ने सोचा कि आर की बैक्टीरिया होते हैं जो खोलते हुए लावा में रहते हैं हंड्रेड हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस पर वो भी तो अपना डीएनए से डीएनए बनाते होंगे उनके पास भी तो डीएनए पॉलीमरेज होगा और वो डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई इतनेचर को झेल पाता होगा टॉलरेट कर पाता होगा तभी तो तो काम कर रहा है तो उन्होंने ऐसा ही एक बैक्टीरिया एक आर की बैक्टीरिया का उसका पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यहां पर यूज करा जो आराम से 72 डिग्री सेल्सियस को झेल लेता है तो यहां पर एक्चुअली कौन सा डीएनए पॉलीमरेज था मैं अब नाम लिखती हूं टैक पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज अभी मैं इसे अलग से भी लिख दूंगी ये यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज व्हाट इज टैक पॉलीमरेज आइए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं कौन सा यूज करा है टैक पॉलीमरेज ये क्या है ये डीएनए पॉलीमरेज ही है डीएनए की ही मल्टीपल कॉपीज बनाता है इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट ये कहां से मिला है फ्रॉम हर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम एक्चुअली तो आर की बैक्टीरिया है ये हर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज टैक पॉलीमरी नेचुरली ये हाई टेम्परेचर झेल पाएगा यानी ये थर्मोस्टेबल है थर्मोस्टेबल अप टू एक्टिव फंक्शनल अप टू 110 डिग्री सेल्सियस वहां तक भी जिंदा रह पाता है ये सबसे बड़ा चैलेंज था और ये जिन साइंटिस्ट ने मशीन बनाई उनका नाम था कैरी जी उनको नोबेल प्राइज मिला इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट क्लास में कल जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी तो पीसीआर बताऊंगी प्रैक्टिकली क्लिनिकली हम लोग कहां यूज करते हैं मैं भी अपने पेशेंट्स का पीसीआर कराती हूँ तो कहां कराती हूँ और उसका क्या फंक्शन होता है सो टैक पॉलीमरेज जो है ये जो पीसीआर मशीन है इसमें दो प्राइमर्स लगे हैं टैक पॉलीमरेज स्पेशल एंजाइम लगा है हाई टेम्परेचर लगे हैं और न्यूक्लियोटाइड्स तो तो ऑफकोर्स लगेंगी वो तो रॉ मटेरियल है और ये टेक्निक किन्होंने दी थी डेवलप्ड बाय इट्स अ मशीन इट्स अ टेक्निक डेवेलप्ड बाय कैरी मुलीज मैं कैसे याद करती थी कैरी और मूली और मूली बहुत सारी है मैंगो बहुत सारे हैं तो मैंगोज चेयर बहुत सारी हैं तो चेयर्स मूली बहुत सारी है तो मूलीज और कैरी एक ही है तो कैरी मूलीज प्राइज मिला था इन्हें जल्दी से एक बार देखो तीनों स्टेप समझ में आए या नहीं एक एक फंडा समझ में आया या नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं कम ऑन एवरीबडी इन विट्रो आउटसाइड द लैब बना रहे हैं Even जब नाइनटी नाइनटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मशीन के अंदर हो जाता है तब भी ये एंजाइम मरता नहीं है 72 पे भी नहीं मरता और नाइनटी नाइन को भी तो झेलेगा ना मशीन में तो टेम्परेचर गई ठीक है आइए एनसीआरटी का डायग्राम देखते हैं चलिए देखिए ये वो एरिया है जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है एम्पलीफाई करना है सबसे पहले हीट यानी नाइनटी नाइन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया डी हुआ दोनों स्ट्रांड्स अलग अलग हो गए थर्ड प्राइम एंड पर पेरेंट के हमने आर का छोटा सा पीस यानी प्राइमर लगाया इसे अनीलिंग बोलते हैं। टू प्राइमर्स लगेंगे, टू पेरेंट स्ट्रांड है इसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड ली डी न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीमरेज एंजाइम लिया टैक्ट पॉलीमरेज वाला और उसने फिर एक्सटेंशन या इलांगेशन कर दिया या पॉलीमराइजेशन थर्ड स्टेप सीक्वेंस पूछते हैं और करीब थर्टी साइकिल्स के बाद में एनसीआरटी कहती है अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन कॉपीज़ बन जाती है मजे आ गए तो जल्दी से यस yes या थम्स अप दे दो नेता नेता नीट पैकेज थैंक यू थैंक यू 11 का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ को अच्छे से समझने के लिए केवल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिविजन पढ़ लो बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है ट्वेल्थ के लिए एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत पढ़ लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डीएनए आ रहे तो क्योंकि डीएनए तो पढ़ाएंगे ही ना डीएनए का स्ट्रक्चर मोलिकुलर बेसिस में इसलिए बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी उसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है नीट ग्रू ओनली ट्वेंटीज एंड नाइन्टीज किन अंडरस्टैंड हाउ हार्ड वर्किंग मैम इज थैंक यू माई डियर थैंक यू गॉड ब्लेस यू हो गया है आज अभी टाइम है मेरे बर्थडे को आने में आपके नीट के पहले आएगा अभी नहीं है ठीक है आपकी वजह से बॉटनिकोलॉजी दोनों अच्छे हो गए रुद्राक्ष गॉड ब्लेस यू बहुत बढ़िया हाँ टू टू दावर एन बिल्कुल वही बाइनरी विजन जैसा चलता है चलो ये सब हो गया अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे डोंट वरी चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इस पेज पे वापस आ यानी हमने सबसे पहले पूरा डीएनए निकाला कट करा अपना पीस ढूंढा उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली फिर वेक्टर डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था डीएनए लाइगेज से दोनों को जोड़ा फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया होस्ट को फिर सिलेक्टेबल मार्कर से चेक भी कर लिया कि कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट है जो है अब हम उससे अपना प्रोडक्ट निकालेंगे सो नेक्स्ट स्टेप नीट 2023 में चार स्टेप्स दिए थे इनमें से और सीक्वेंस पूछ लिया था ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर है तो गलती नहीं करोगे सो ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो फॉरन जीन हमने डाला है उसका प्रोडक्ट अब हमें लेना है वो कैसे लेते हैं चल सुनिए सबसे पहले क्या करते हैं स्मॉल कल्चर्स करते हैं वो जो जो भी बैक्टीरिया है ना जो ट्रांसफॉर्म हो गया है होस्ट जो है मॉडिफाई जो हो गया है उसको लैब स्केल पे लेबोरेटरी लेवल पर खाना पीना देकर टेम्परेचर पीएच वगैरह देकर ग्रो करा के चेक कर लेते हैं भाई प्रोडक्ट मिल रहा है ओके okay हो गया अब हम बड़े बड़े कंटेनर्स लेते हैं जिन्हें बायो रियक्टर्स या फर्मेंटर्स बोलते हैं हंड्रेड लीटर से थाउजेंड लीटर्स तक कल्चर उसमें डाल सकते हैं मीडियम डाल सकते हैं और उनके अंदर हम इस होस्ट को जिसके अंदर फॉरन जीन है प्रोडक्ट मिलने वाला है लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं ताकि डेढ़ सारा प्रोडक्ट मिले ठीक है चलो आ जाओ इतनी कहानी पहले देखते हैं सो so, आईएनसीआरटी में आगे बढ़ जाते हैं पीसीआर के थोड़ा और आगे देखो ऑप्टेनिंग फॉरन प्रोडक्ट ऑप्टेनिंग फॉरन प्रोडक्ट देखिए हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन प्लीज मार्क करिए अल्टीमेट एम इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो आर डीएनए है वो एक्सप्रेस हो एक्सप्रेस मतलब उससे एम और प्रोटीन बने ठीक है अब एक्सप्रेस कब होगा जब उसे एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेंगी टेम्परेचर पीएच सब बढ़िया मिलेगा ठीक है चल अब तीनों लाइंस मार्क कर ली अब सुनिए ध्यान से अगर इंसुलिन बनाने वाला जीन मैंने ई कोलाई में डाला और वो वहां पर एक्सप्रेस हो रहा है मतलब इंसुलिन बना रहा है तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एक प्रोटीन को कोड करने वाला जीन फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जीन वो एक्सप्रेस हो रहा है किसी दूसरे होस्ट में वो उसका नेचुरल होस्ट नहीं है ह्यूमन में नहीं कोलाई में यानी हेटेरोलॉगस होस्ट हेटेरो मतलब अदर होस्ट नॉर्मल नहीं दूसरा होस्ट तो अगर कोई भी प्रोटीन को कोड करने वाला जीन अपने नेचुरल के अलावा किसी भी होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा है तो जो प्रोटीन बनेगा उसे बोलते हैं रीकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे डीएनए डाला है आर डीएनए तो जो प्रोटीन भी बनेगा वो होता है आर प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अगर पेड़ के अंदर जुगनू को रात में चमकाने वाला जीन

कैंसिल हो जाएगा और अगर हो गया तो अब हम इसको लार्ज स्केल पे करेंगे सुनो हम जो बर्तन लेंगे फर्मेंटर बायो रिएक्टर उसमें हम टेम्परेचर पीएच खाना पीना ऐसा रखेंगे कि हमारा होस दड़ादड़ दड़ादड़ ग्रो मल्टीप्लाई ग्रो मल्टीप्लाई ग्रो मल्टीप्लाई करे ताकि ढेर सारे डॉटर सेल्स बने उसमें ढेर सारा हमारा जीन भी मल्टीप्लाई हो और ढेर सारा प्रोडक्ट मिले यानी सब कुछ हम ऐसा रखेंगे कि जो सेल है यानी जो होस्ट है वो अपने मोस्ट एक्टिव लॉग फेज में रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपको मालूम है ना तीन फेजेस होते हैं पहले धीरे धीरे कोई भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है लैग फिर लॉग फिर स्टेबल ऐसा होता है तो लॉग फेज वाला टेम्परेचर पीएच वो सब कुछ देंगे ताकि बहुत सारा बायोमास बने यानी बहुत सारे डॉटर सेल्स बने और हमारा जो प्रोटीन है डिजायर्ड प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो ढेर सारा बने ढेर सारा ठीक है चल अब ये कैसे करते हैं आइए समझिएगा इसमें बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स को यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज प्रोटीन्स की मिलेंगी कितनी लार्ज हंड्रेड से थाउजेंड वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर हम दे सकते हैं थाउजेंड लीटर ऑफ कल्चर दे सकते हैं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क करवा रही हूं अब इसमें हम इस बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे ऑप्टिमम कंडीशंस ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कंडीशंस जैसे प्रॉपर बेस्ट टेम्परेचर पीएच खाना पीना सॉल्ट विटामिन ऑक्सीजन जो भी उस होस्ट के लिए बेस्ट है वो सारा क्रिएट करेंगे ताकि होस्ट ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो, ग्रो रिप्रोड्यूस करता रहे और हमारा प्रोटीन हमें मिलता रहे अब मोस्ट कॉमनली स्टेरिंग टाइप का यूज करते हैं आइए आपको सिखाती हूं देखिए देखिए ये दोनों ही स्टर्ड टाइप के हैं स्टर्ड इसे स्पार्ज स्टर्ड कहते हैं इसे सिंपल स्टर्ड कहते हैं समझो स्टर्ड का मतलब होता है स्टर करना ये हिलाना किसी भी चीज को जैसे अपन दही या छाछ कुछ भी बनाते हैं ना इसे ये ये जो हिलाते हैं अपन इसे स्टरिंग एक्शन कहते हैं जैसे मिक्सी में स्टरर घूमता है।, है ना शेक बनाओ या कुछ भी चटनी बनाओ तो स्टरर इसमें क्या करते हैं ध्यान से समझो इसमें सबसे पहले तो उसे हवा चाहिए जो भी आप यहाँ पे माइक्रोब डाल रहे हो होस्ट डाल रहे हो मान लो इकोलाई डाल रहे हो जिसमें इंसुलिन बनाने वाला जीन है तो एक तो उसे हवा चाहिए हवा भी कैसी चाहिए प्योर ऐसी हवा नहीं जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस या फंजाए हुआ तो क्या होगा वो जो सेकंड प्रिंसिपल समझा था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हमें अंदर स्टेराइल कंडीशन रखनी है तो स्टेराइल हवा दे दी उसके बाद उसे एसिड मतलब पीएच कंट्रोल चाहिए तो यहां पर एक ऐसा पोर्ट लगा देते हैं अगर ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो अल्कली ऐड कर देंगे ज्यादा अल्कलाइन हो रहा है तो एसिड ऐड कर देंगे यहां नहीं बना पर एक टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है एक्चुअली यहां पर एक जैकेट होती है पानी की अगर गर्म हो रहा है अंदर तो ठंडा पानी डाल देते हैं ठंडा हो रहा है तो गर्म पानी डाल देते हैं इसके अलावा यहां से स्टीम भी देंगे भाप स्टीम क्यों देंगे ताकि अगर ऑलरेडी इस बर्तन के अंदर इस वेसल इस बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इनके अंदर कोई बैक्टीरिया है दूसरा या फन है तो वो मर जाए वरना फिर वो ग्रो कर जाएगा खाना पीना वो यूज कर लेगा तो हमने हवा दे दी पीएच कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल और स्टीम वगैरह दे दी अब यहां पर एक मोटर लगा दी मोटर और इस मोटर में ब्लेड्स हैं एक तो कट करने वाले हैं फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर और एक थोड़ी शार्प है ये तो फ्लैट है फ्लैट ये शार्प है इन्हें फोम ब्रेकर बोलते हैं क्यों अभी मैं समझाती हूं आपको अब इसके अंदर कल्चर डाल दिया खाना पीना सॉल्ट विटामिन हॉर्मोन्स जो भी उस होस्ट को चाहिए ये कल्चर ब्रॉथ डाल दिया मतलब ये पे सब डाल दिया खाना वाना अच्छा इसको पुल नहीं भरा देखो इसको थ्री फोर्थ ही भरा येलो कलर वाला थ्री फोर्थ ऐसा क्यों अभी समझाती हूं अब एक तरफ से अपन ने अपना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल डाल दिया हो सपोज ई कोलाई डाल दिया दो तरीके होते हैं एक तो डालते भी जाओ और बीच बीच में प्रोडक्ट निकालते जाओ कंटिन्यूअस एक पहले डाल दो घंटे दो के लिए मशीन ऑन कर दी उसके बाद एक साथ प्रोडक्ट निकाल लो फिर मशीन चालू करो तो continuous या batches में कर सकते हैं सपोज मैंने यहां से होस्ट डाला अब देखो क्या होगा उस होस्ट को टेम्परेचर पीएच एयर ऑक्सीजन खाना पीना सॉल्ट विटामिन हॉर्मोन सब मिल रहा है वो लॉन्ग फेज में मेनटेन रहेगा फास्टेस्ट ग्रोथ रीप्रोडक्शन करेगा और ये ब्लेड्स क्या कर रहे हैं ये इस खाने पीने को सब तरफ फैला रहे हैं ताकि एक-एक कोने-कोने में भी होस्ट को सब कुछ मिले मैंने पूरा क्यों नहीं भरा क्योंकि जब ये ऐसा होता तो इसके में फोम झाग बनता तो कुकर में भी कभी पूरा नहीं भरते नहीं तो फट जाता तो 3/4 भरा है ताकि ऊपर जो फोम बनेगा उसके लिए ये ब्रेकर है जो फोम काटता जाएगा वरना अगर फोम बन गया तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी फिर एनारोबिक अपने घर में देखना माइक्रोवेव की अब हटा दो इंडक्शन वरना पहले गैस की जितनी भी कढ़ाई भगोनी होती थी वो कर्व होती थी ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए फ्लैट में कोने कोने में रह जाती है चीजें तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्व्ड बेस क्यों है ताकि एयर की सप्लाई खाने की सप्लाई पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्मली चली जाए सब जगह सारे सेल्स को ठीक है सेम ऐसा ही ये भी होता है इसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल पीएच कंट्रोल स्टेराइल एयर स्टीम फोम ब्रेकर ब्लेड सब कुछ होता है पर एक डिफरेंस होता है यहां पर हवा जो देते हैं वो बबल्स के फॉर्म में देते हैं एक्चुअली क्या होता है ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तो जब मैं यहां से एयर दूंगी यानी ऑक्सीजन तो वो बबल्स के फॉर्म में आएगी बचपन में देखा है ना ऐसे बुलबुले बनते हैं और बबल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो बबल से एयर ज्यादा मिलती है ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है क्योंकि बबल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो और अच्छी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एटीपी बनती है और ज्यादा और ज्यादा ये जो स्टेप है ना बबल्स बनते हैं इसे स्पार्जिंग कहते हैं तो ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है ये स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है।, है दोनों ही स्टर्ड दोनों में ही स्टर आएगा वो सब कुछ सेम है बस इसमें बबल्स के फॉर्म में एयर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मोर ऑक्सीजन की ट्रांसफर या डिलीवरी हो जाएगी इतना सा डिफरेंस है इतना अच्छे से समझ में आ गया ठीक है चलो तो एनसीआरटी में एक लाइन को प्लीज मार्क कर लीजिएगा आइए कर्व्ड बेस क्यों है ताकि सारे कंटेंट्स प्रॉपरली मिक्स हो जाए इसीलिए कर्व्ड है और स्टेरर क्या करता है स्टेरर सारी मिक्सिंग करेगा और ऑक्सीजन पूरे उसमें फैलाएगा स्टरर जो बिलोर है ठीक है थीके? इसके अलावा ऑल्टरनेटली सेकेंड चॉइस एयर को बबल भी कर सकते हैं बबल वो सेकेंड वाला बबल कर सकते हैं सो हर बायो रिएक्टर में एजिटेटर यानी स्टरर है ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जगह है फोम कंट्रोल है टेम्परेचर कंट्रोल है पीएच कंट्रोल है पोर्ट्स हैं जहां से थोड़ा थोड़ा कल्चर करके और प्रोटीन निकालते जाएंगे विड्रॉ और वो सब करते जाएंगे इतना सबको समझ में आ गया जल्दी से यस या थम्स अप दे दो फिर हम लास्ट स्टेप पर आएंगे अभी प्रोडक्ट नहीं मिला क्या पंगा है अभी बताऊंगी आपको मजे आ रहे हैं। करें स्टार्ट चल देखो समझो आपने इसके अंदर ये जो कट रहे हैं सपोज ई कोलाई डाले थे तो ई कोलाई जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कट भी रहे हैं मर भी रहे हैं तो उनका कचूम्बर निकल रहा है तो उसके अंदर जो आपका प्रोटीन है डिजायर्ड प्रोटीन वो भी यहां पर आ गया इसी कल्चर के अंदर खाने पीने के अंदर मिक्स हो गया केवल आपका वाला प्रोटीन थोड़ी बना रहा है कोलाई e खुद के भी तो प्रोटीन बना रहा है खुद भी तो जीन्स है उसके पास जिनसे प्रोटीन बन रहे हैं जो उसके जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए जरूरी थे यानी इस कल्चर के अंदर जो आप विड्रॉ कर रहे हो टाइम टू टाइम इसमें खाना पीना भी है सॉल्ट विटामिन हॉर्मोन्स जो आपने दिए थे इसमें आपका डिजायर्ड प्रोटीन भी है और इसमें अदर प्रोटीन भी है प्रोडक्ट तो बन गया आपका बायोसिंथेसिस हो गया लिविंग होस्ट के अंदर सिंथेसिस हो गया आपके प्रोटीन का डिजायर्ड प्रोटीन का पर अभी वो सब खिचड़ी पकी हुई है इसके अंदर मिक्स है तो बायोसिंथेटिक फेज के बाद स्टेज के बाद आप डायरेक्ट इसको निकाल के मार्केट में नहीं बेच सकते आपको उसमें से इंसुलिन निकालना है तरह तरह के प्रोसेस होंगे कहीं सेडिमेंटेशन होगा कहीं फिल्ट्रेशन होगा अगर कोई दवाई है तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे पहले जानवरों पे इंसानों पे फिर जाके मार्केट में आएगा अगर कोई ऐसी मेडिसिन है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको प्रिजर्वेटिव डालना है लंबे समय तक रखने के लिए तो प्रिजर्वेटिव ऐड होंगे फिर उसकी पैकेजिंग होगी मार्केटिंग होगी तब जाकर उसे सेल करेंगे तो प्रोडक्ट तो यहां बन गया बायोसिंथेटिक स्टेज हो गई यहां से लेके मार्केट में जो बेचेंगे सेल करेंगे उस पूरे जो भी प्रोसेस होंगे उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो लास्ट स्टेप होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आइए नाम लिखते हैं downstream processing प्रोसेसिंग स्टेप नंबर downstream processing प्रोसेसिंग आइए निकालिए एनसीआरटी में लास्ट पेज पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो गई कंप्लीट वो तो बन गया अब प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट बनने से लेके मार्केटिंग बेचने तक के बीच के जो भी घटनाएं हैं दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इसमें क्या क्या आएगा आप पहले प्रोटीन को सेपरेट करोगे अदर प्रोटीन और कल्चर से प्यूरिफिकेशन करोगे अगर जरूरत है तो प्रिजर्वेटिव डालोगे अगर मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल्स करोगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे ये सब कुछ करेंगे अब ध्यान से सुनो आपको चाहे इंसुलिन बनाना हो चाहे आपको कोई भी हार्मोन बनाना हो विटामिन बनाना हो कुछ भी बनाना हो बायोटेक्नोलॉजी से शुरू के स्टेप सारे कॉमन है सारे स्टेप्स कॉमन है सब में आप पूरा डीएनए निकालोगे उसे कट करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपना पीस ढूंढोगे जरूरत है तो एम्प्लीफिकेशन मल्टीपल कॉपीज बनाओगे फिर आर डीएनए बनाओगे फिर होस्ट के अंदर डालोगे फिर होस्ट को चेक करोगे सिलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू फिर स्मॉल स्केल पे पहले प्रोड्यूस करोगे लैब में फिर बायो रिएक्टर्स में ये हर स्टेप हर 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 एवरी प्रोडक्ट के लिए एवरी कंपनी सेम स्टेप्स करती है फर्क पड़ता है इस आखिरी स्टेप में ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा भाई अगर मेडिसिन है ड्रग है तो ही मुझे क्लिनिकल ट्रायल करनी है क्वालिटी कंट्रोल करना है अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब हो सकता है तो ही मुझे प्रिजर्वेटिव ऐड करना है तो ये वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और इवन कंपनी टू कंपनी इसके पहले तक के स्टेप हर कंपनी के सेम है अगर इंसुलिन हार्मोन चार कंपनीज बनाती है मान लो तो चारों कंपनी इसके पहले तक का सेम स्टेप करेंगी बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में पर आखिरी स्टेप में सबके साइंटिस्ट अलग अलग है सबकी रिसर्च टीम अलग अलग है यहां पर जो जितना पैसा बचा ले बढ़िया क्वालिटी के साथ उतनी सस्ती मेडिसिन वो दे सकता है मार्केट में यहां सारा खेल होता है ठीक है मजे आ गए एवरीबडी चलिए सो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स समरी में कुछ भी नया नहीं है विथ दिस वी कंप्लीट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स टूल्स एंड उसके प्रोसेसिस कल हम साढ़े तीन बजे इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे पर अभी भागना नहीं है अभी हमें इसके पीवाई के यूज करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं जल्दी से क्लैपिंग कर लो अपने लिए बहुत बढ़िया वेल डन वेल डन एवरीबडी आप लोग मेरे साथ पढ़ते हो जिससे मुझे भी जोश आता है मजे आ गए चैप्टर समझ आया आज करना खुद से एनसीआरटी चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फिर मैं बताती हूं करें स्टार्ट चल कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबने सही दिया है वेल डन चलिए 2022 करो ट्राई करिए ट्राई जो नए हैं मैं बता दूं फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का जो ऐप है अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स में एनरोल्ड हो तो तो आप बस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज सर्च में डाल देना सारे लेक्चर और सारे पी उसमें आ जाएंगे और अगर आप नहीं एनरोल्ड हो तो कोई बात नहीं एक बार रजिस्टर करना है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है और आपको ये कोर्स वहां पर फ्री में दिख जाएगा चलो इन द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए एन वन कैन बी इजीली कट अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे एनसीआरटी में एक ही दिया है जी ए ए टी C, जी ए ए टी टी सी ठीक है चलिए आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के सही आंसर्स आ रहे हैं 2022, ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें एक बार स्टूडेंट्स का हल्का सा दिमाग घूमा था मैम मुंबई में हुँ? आपका मैसेज मिस हो गया ऊपर गया चैट्स में मुंबई में क्या हो रहा है yes, well done to us. Well done to everybody. कल बायोटेक पढ़ेंगे। भंडारा लगा हुआ है ओपन इन्विटेशन है आ जाओ बॉम्बे कैसे अभी इतनी जल्दी बट थैंक यू सो मच आपके इन्विटेशन के लिए मेरे हिस्से की बूंदी पूड़ी आप खा लेना है ना वो भंडारे में पूड़ी कद्दू की सब्जी आलू की सब्जी बूंदी का रायता उसका आनंद ही अलग होता है भंडारे का वो घर में कितना ही अच्छा बना लो नहीं मजे आते चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोनिंग वेक्टर के बारे में फॉल्स बताना है ओरिजिन ऑफ लेप्लीकेशन होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए और वेरी यू प्रेफरेबली वन प्रेफरेबली वन सिंगल आ गया सबको क्या बात है चलिए करिए ट्राई ट्वेंटी ट्वेंटी टू करो ट्राई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कम और एवरी वन

टू 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 नहीं बिल्कुल लिटिल अवे ही तो कट करता है यही तो बताया था तभी तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड इथीडियम ब्रोमाइड यूवी रेस डाल रहे हो ये क्या कर रहे हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे है कौन से कलर के दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड्स मैंने आपसे कहा था बहुत क्वेश्चन आता है चलो नेक्स्ट 2021 करो ट्राई मस्त क्वेश्चन है करिए ट्राई करिए ट्राई थोड़ी सी देर और इतना पढ़ाई करिए तो जरूर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने टुक्के नहीं मारने सॉल्व करो टुक्के नहीं मारने Solve करो, पीबीआर करो, ट्वेंटी करो। देखो, पी 322 पर पी एच पर वन रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां पर एम्पी रेजिस्टेंट जीन है जो एम्पी रेजिस्टेंस देता है अगर इस एंजाइम को यूज करेंगे फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन ठीक है तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेड है उसको फिर हम ई e. कोलाई में डालेंगे अच्छा ठीक है देखो ये क्या है ये हमारा पॉरन जीन है अब आप इसको लैक जेड से कंफ्यूज मत करो ये कह रहे इस एंजाइम से कट करेंगे हम इस जीन को डालना है अगर इस जीन को इंसर्ट करोगे तो कहां करोगे इससे कट कर रहे हो इससे कट कर रहे हो तो ये वाला इनएक्टिव हो जाएगा और अगर ये इनएक्टिव हो जाएगा तो जब आप इसे होस्ट के अंदर डालोगे तो होस्ट एमपी सिलिंड में जिंदा नहीं रह पाएगा नहीं रह पाएगा हुआ क्या है समझो हुआ ये है कि अगर यहां पी एस टी वन का साइट है और यहीं पर एमपी सिलिंड रेजिस्टेंस का मार्कर है जैसा हमने PBR 322 में पढ़ा था और यह कह रहे हैं इंसर्ट करना है यहां पे मुझे मेरा फॉरेन डीएनए और मेरा फॉरेन जीन जो है आप कंफ्यूज मत हो जाओ इसको उससे मत कंफ्यूज करो लैगजेट जीन से मेरा फॉरेन जीन है बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने वाला तो ये इनएक्टिव हो जाएगा राइट ठीक है आ गया सबको समझ में चलिए नाउ 2021 अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो एंडोन्यूक्लिय पता करता है और फिर स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है उसे क्या बोलते हैं डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पैलेंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस बोलो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलो एक ही बात चलिए आ रहा है सबका नाउ नीड ट्वेंटी ट्वेंटी कोविड पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सिक्स बेस पेयर लॉन्ग पैलिंड्रोम को ढूंढता है कट करता है तो डायरेक्ट है 1963 में डिस्कवरी हुई थी फाइव इटर का डायरेक्ट क्वेश्चन है चलो 2020 करो ट्राई करो ट्राई इसमें से कुछ एक नहीं आता पर तीन आते हैं आंसर आ जाएगा करिए ट्राई डेंगू चिकनगुनिया पे डोंट वरी मैं एक बार बता दूंगी आपको ठीक है बहुत डिटेल में तो नहीं जाना है लाइफ साइकिल्स पर जितना जरूरी है मैं बता दूंगी देखो भाई आप बोलोगे मैम मुझे ये तो नहीं आता चलो कोई बात नहीं है आपको ये तो पता है कि साल्मोनेला टाइफी टाइफीम्यूरियम को यूज करके फर्स्ट आर डीएनए बनाया था ये तो आता है आपको आपको ये तो पता है कि एग्रो बैक्टीरियम पेड़ों को जब होस्ट यूज करना है तो वेक्टर की तरह यूज होता है ये तो आपको पता है अच्छा थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज है टू का थ्री आपको ये तो पता है तो भले ही आपको ये नहीं पता क्राई प्रोटीन ये कल पढ़ाऊंगी तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चलिए 2020 देखो कितना इजी है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए कौन सा सीक्वेंस है जहां से रेप्लीकेशन शुरू होता है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है दैट इज ऑरा नाउ 2020 ट्वेंटी है जी ए ए ए ए टी 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 सी सी जी ये रहा सीधा सीधा क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन है चलिए 2020 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करो ट्राई इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है रॉन्ग बताइए कौन सा रॉन्ग है या आंसर आया देखो दे कट द डीएनए एट डीएनएम साइट ट्रू दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रू स्टिकी एस कैन बी ज्वाइन यूजिंग डीएनए एज ट्रू ट्रूच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग पूरा इंस्पेक्ट करके फिर पैलेंड्रोम पे कट लगाते हैं ट्रू ऑल आर ट्रू तो आंसर क्या लगाऊं बोलो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम गया था बढ़िया शानदार क्वेश्चन है देखो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में रॉन्ग पूछा है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये डीएनए लाएगी इसके बारे में है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में नहीं है इसीलिए आंसर हो जाएगा राइट right? ये तो डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में है इसीलिए चलो ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट पेयर बताना है ट्रू पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करते पॉलीमरेज तो जोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियस टू स्ट्रांड्स को सेपरेट नहीं करता न्यूक्लियस फॉसफो डाईस्टर बॉन्ड तोड़ता है टू स्ट्रांड हाई टेम्परेचर या हेलीगेज तोड़ता है मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ोगे एक्सो न्यूक्लियस अंदर नहीं लगाता बाहर एंड पे लगाता है लाइगेज ज्वाइन करता है बिल्कुल वेक्टर डीएनए सोर्स डीएनए कोई भी दो डीएनए को ज्वाइन कर सकता है नाउ ट्वेंटी नाइनटीन करिए ट्राई बन रहे क्वेश्चन जल्दी से करिए ट्राई ये रेस्ट्रिक्शन्यूक्लियस के बारे में यानी फॉल्स पूछा है कट करता है डीएनए को पर्टिकुलर पोजीशन में डीएनए के अंदर एंडो न्यूक्लियस ए ट्रू स्पेसिफिक साइट एंड ओनली वन ऑफ द तो टू स्ट्रैंड नहीं ये बोथ स्ट्रैंड्स को कट करता है बोथ स्ट्रैंड्स को यही आंसर होगा और बाकी बॉन्ड तोड़ता है जो शुगर पौस्वेट, शुगर पौस्वेट के बीच में होता है और पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है बन गया, सबसे बन गया गया सबसे क्या बात है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवनटीन अजीन एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल वो कौन सा जीन है जो हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म पता करने में सिलेक्टेबल मार्कर नाउ 2017 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग नो टू कट द डीएनए नॉट फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए नहीं ये तो पीसीआर पीसीआर से इनविट्रो बनाते हैं सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ नैचुरल डिफेंस यूज का मैकेनिज्म है यस मैमिलियन सेल नहीं ये सब कुछ भी नहीं अच्छा डिफेंस वर्ड लिखा था ना अपन ने यार एक बार देख लो एक बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालो सब लोग अपनी कॉपी में प्लीज नेचुरल डिफेंस वर्ड लिखा था मैंने क्या हाँ डिफेंस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 फेज टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड अब देखो इसका ना ये आंसर है ये पर ये आप छोड़ दो तो. अब इसके चक्कर में मोर देन नाइन हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो सारे थोड़ी याद करके बैठेंगे कि कौन सा स्टिकी एंड है और कौन सा ब्लंट एंड वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं तो ये क्वेश्चन रेयरेस्ट है इसको छोड़ दो इसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे ब्लंट मतलब वो सेंटर से कट करता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम नहीं आता चलो 2016 सिक्सटीन पेज टू अब फॉरन डीएनए प्लाजमेट कट बाय द सेम आरई कैन बी ज्वाइंट टू फॉर्म आर डीएनए यूजिंग जॉइनिंग का काम कौन करता है लाइगेस लाइगेस चलिए 2016 1. कौन सा है 2. बाकी ये प्रोटीन तोडेगा ये डीएनए तोड़ता है ये आरएनए तोड़ता है पर ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो ऐसा नाम होता है ना चलिए नाउ 2016 वन प्लाज्म के बारे में पॉल्स पूछा है pulse. प्लाजमेट खुद इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करते हैं सर्कुलर है ट्रांसफर वेक्टर है तो ट्रांसफर होगा ही नो इट इज डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड। नाउ, 2015 री द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड फॉरन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें लगाते हो जिसमें जोड़ते हो किसमें जोड़ते हो वेक्टर में जोड़ते हो फिर आर डीएनए बनता है नाउ 2015 री इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएन ए इंटू प्लांट इनवॉल्व आप टी डाल रहे हो यानी एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी डाल रहे हो यानी आप उसकी जड़ों का इंफेक्शन करा रहे हो बाय बाय दिस दिस मॉडिफाई करके डालेंगे और अपना होस्ट अपना फॉरेन डीएनए भी उसके साथ अटैच कर देंगे नाउ टू थाउजेंड वेक्टर कैन क्लूड ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट एक्चुअली बी और वाई आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं जब बड़े बड़े फॉरन जीन होता है मतलब साइज बड़ा होता है बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं इन्हें हम यूज करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ाएंगे कॉस्मिड आर्टिफिशियल है इसमें भी बड़े बड़े जीन्स को ट्रांसफर करते हैं मेनली प्लाज्मिड को यूज करते हैं छोटे छोटे जब पीसेस को पहुंचाना होता है Now, 2013 DNA डीएनए फ्रैगमेंट by restriction रेस्ट्रिक्शन in इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड by डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करना है कौन अलग करता है जेल इलेक्ट्रोफोर कंफ्यूज मत होना इससे तो मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं टू 2022 करो ट्राई बन रहे क्वेश्चन सबसे आपकी इंग्लिश खराब है तो क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूं बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं एक साल में ही सब पढ़ लोगे मेरे साथ की एक फ्रेंड थी मेघा वो सेकंड प्रॉफ से तो गोल्ड मेडल आने लग गए थे उसके हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी थो, थोड़ी सी शुरू में मेहनत होती है फर्स्ट ईयर में फिर आप डिफरेंस भी पता नहीं कर सकते कौन इंग्लिश मीडियम है कौन हिंदी मीडियम है आप लोगों को तो सोशल मीडिया के कारण फिर भी इतनी इंग्लिश आती है हमारे जमाने में तो हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी नहीं आती थी बट बहुत अच्छा करते थे बहुत मेहनती होते हैं दे डू वेरी गुड इन लाइफ नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस यानी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में फॉल्स बताना है ब्राइट ऑरेंज मिलते हैं जब हम यूवी लाइट देते हैं इथीडियम ब्रोमाइड के बाद ऑफकोर्स ट्रू इल्यूजन कहते हैं जो हम पीस निकालते हैं ट्रू इथीडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करते हैं ट्रू नहीं ब्लू कलर नहीं ये तो हम सिलेक्टेबल मार्कर लैग जेड जीन इसका जेल इलेक्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है चलिए 2022 एक और क्वेश्चन करो ट्राई करो असर्शन रीजन ट्राई करो फिर मैं बताती हूं करिए ट्राई जी चलो पॉलिमरी चेन रिएक्शन से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती है एम्प्लीकेशन बिल्कुल ट्रू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट यू को बिल्कुल ट्रू दोनों बिल्कुल करेक्ट है बट कोई लेना देना नहीं है एक पीसीआर अलग टेक्निक है मार्कर अलग चीज है बोथ आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गया सबको अरे वाह क्या बात है चलिए नीट 2021 ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल जब डालोगे तो क्या होगा चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होगा डीएनए बाहर आता है। ये सब तो तोड़ चुके हो पहले ही चलो 2021 बढ़िया क्वेश्चन है नाइस क्वेश्चन जीन एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो पीसीआर अगर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन करोगे तो कौन सा स्टेप सबसे पहले अफेक्ट होगा सबसे पहले कौन सा आता है डी वो 90, 95 डिग्री सेल्सियस पर होता है और अगर आपने इसे मेंटेन नहीं किया तो ये स्टेप नहीं होगा ठीक है नाउ 2020, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप कैसे विजुअल करते हो इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन नॉट इंफ्रा रेड अल्ट्रा नाउ ट्वेंटी मिक्स में फ्रेगमेंट कैसे अलग करते हो देखो ध्यान रखना टोटल डीएनए चिल्ड इथेनॉल स्पूलिंग प्रोसेस पर पीसेस के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसेस इथीडियम ब्रोमाइड यूवी रेज ब्राइट ऑरेंज बैंड इलेक्ट्रोफोर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना ट्वेंटी ट्वेंटी इसको एक मिनट रुकिएगा ये करते हैं चलिए करिए ट्राई Try. come on everybody आया चलिए बायो रिएक्टर देखो पीसीआर में हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं तो ये आंसर्स नहीं होंगे इलेक्ट्रो से हम पीसेस को सेपरेट करते हैं बायो uh, रिएक्टर में हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो सेम ही है एलाइजा ये मैं आपको पढ़ाऊंगी फोर का थ्री फोर का थ्री कहीं से भी आंसर आ जाता वैसे भी आंसर आ जाता ना टू वन यस yes. वैसे भी आ जाता आंसर चलिए ट्वेंटी ट्वेंटी कोविड स्पूलिंग क्या है स्पूलिंग स्पूलिंग टोटल डीएनए जब निकालते हैं टोटल डीएनए तो क्या करें नहीं ये पूरा का पूरा डीएनए पूरा डीएनए ये नहीं ये क्या होता है ये तो इल्यूशन होता है इल्यूशन यही तो मैंने आपसे कहा था बहुत ध्यान रखना बहुत ध्यान रखना इल्यूजन और स्पूलिंग अलग अलग है चिल्ड इथेनॉल इथीडियम ब्रोमाइड यूवी रेज अलग अलग है चलो 2020 कोविड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करो ट्राई करो कोई बात नहीं दो मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा करो ट्राई बहुत बढ़िया आर्यन सुलेखा मैम आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू एवरी वन गॉड ब्लेस यू बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स दुआएं देते रहो कि हेल्थ एकदम बढ़िया रहे और आपके लिए काम कर सके अमित अमीशा अगर अगर कहाँ से मिलता है अभी बताया ना एग्रोज वो अगर ही है ग्रेसिलेरिया जिलीडियम रेड एल्गी पॉलीमरेज जॉइन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लाइगेज ये काम करता है लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्मड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरीफाइड डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही है तभी काटेगा वो पीसीआर से आइस नहीं ये काम इलेक्ट्रोफोरोसिस से होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन होता है ये उल्टा दे रखा है ये उल्टा दे रखा है उल्टा दे रखा है, दे रखा है तो दोनों गलत हैं सो टू आया सबको समझ में आया हेलो ऑडियो क्लियर है ना सबको क्लियर है चलिए ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज असेंशियली रिक्वायर्ड टू ग्रो माइक्रोव ऑन अ लार्ज स्केल बायो रिएक्टर परमेंटर्स का नाम माइक्रोब्स में भी पढ़ाया होगा आपको ट्वेंटी नाइनटीन डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करना है मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल यानी आरएनए हटाना है प्रोटीन हटाना है वो सब हटाना है प्रेसिपिटेट करना है चिल्ड इथेनॉल डालेंगे चिल्ड इथेनॉल क्लोरोफॉर्म नहीं चलिए 2018 ये देखो पीसीआर में स्टेप्स पूछे हैं सबसे पहले डी होता है फिर अनिलिंग होती है फिर एक्सटेंशन होता है सो डी एक्सटेंशन ये उल्टा दिया है ये तो सब पूरा उल्टा सीधा दिया है ट्वेंटी 2017 वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट से मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल किस आधार पर मूव करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे स्मॉलर द फ्रैगमेंट इट फारद स्मॉलर द फ्रैगमेंट इट फारद ठीक नेगेटिवली चार्ज डू ना ऐसा थोड़ी ना होता है ये भी नहीं होता ये भी नहीं होता 2017 प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इन देखो प्रोटीन एक्सप्रेस हो चुका है मार्केटिंग के पहले क्या करते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप मार्केटिंग के पहले चलिए 2017 डीएनए फ्रैगमेंट है जेल पर है आप कैसे देखोगे इथीडियम प्रोमाइड पॉलोडेंड सिक्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का क्या पार्ट नहीं है सेपरेशन करोगे प्यूरिफिकेशन करोगे जरूरत है प्रिजर्वेटिव डालोगे क्लिनिकल ट्रायल क्वालिटी कंट्रोल करोगे ये नहीं एक्सप्रेशन तो कब हो गया है सेकेंड लास्ट स्टेप पर हो गया है जब बायो रिएक्टर्स के अंदर अपन ने लार्ज स्केल पे ग्रो करा तभी जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना चुका है Now, 2016 इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए थ्रू आउट द प्रोसेस एनारोबिक नहीं था प्यूरिफिकेशन नहीं प्रिजर्वेटिव नहीं ये सब तो डाउन प्रोसेस की बात है ये तो उसके पहले का स्टेप है 2016 फेज वन टैक थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से सो so इजी नाउ 2013 नॉट करेक्टली मैच यानी पॉल्स बताना है सेल वॉल डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम फंजाई की काइटिन की बनी होती है काइटिनेज यूज करोगे बैक्टीरिया में लाइजोजाइम सेल्यूलेज ये गलत है इसमें भी तो सेल्यूलेज ही करोगे सेल्यूलेस भाई एलगी भी तो प्लांट ही होता है सेल्यूलोज की तो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन ये लो नीट 2023 फिर आ गया यूवी रेडिएशन डालोगे इथीडियम ब्रोमाइड डालोगे कौन से कलर के दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर कितनी बार आया है यार हद मचा दी चलिए नीट 2023 का सेकंड क्वेश्चन जीन गन मेथड में किसकी बुलेट्स बनाते हैं गोल्ड या टंगस्टन की सेकेंड क्वेश्चन नाउ नीट 2023 ट्वेंटी अ थर्ड क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करना है डीएनए टेक्नोलॉजी में चिल्ड इथनॉल डालोगे तो क्या निकल कर आएगा ये एग्जैक्ट रिपीट क्वेश्चन है रिपीट पीवाईक्यू क्यू है अभी अभी सेम क्वेश्चन आया था और डीएनए फर्स्ट ऑप्शन में और आंसर था चलिए नीट 2023 का फोर्थ क्वेश्चन फोर क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स इस साल चार क्वेश्चन आए हैं करो ट्राई ये है वो जो मैंने आपसे कहा था ना ओ पांच क्वेश्चन आए हैं ओ सॉरी 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 फाइव क्वेश्चन आए फाइव क्वेश्चन ओ माय गॉड चार याद था पांच क्वेश्चन आए हैं भाई हद हो गई है तो बहुत बढ़िया हमारा तो स्ट्रॉन्ग हो गया है पांच क्या दस क्वेश्चन दे दो कोई पंगा नहीं है करो ट्राई करो सब लोग खुद से ट्राई करो मजे आ रहे हैं क्वेश्चंस बन रहे हैं सबसे पहले क्या करो इतना देखो कि बी के बाद सी पहले ये देखो बी के बाद डी पहले इंसर्शन इन टू होस्ट कटिंग देखो पहले तो काट सबसे पहले तो पूरा डीएनए निकाला था टुकड़ा नहीं पूरा डीएनए वो तो यहां दिया नहीं है उसके बाद उसे कट किया था ठीक कट करके अपना वाला पीस चूज किया था ठीक है फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई थी फिर आर डी एन बनाया था वेक्टर से जोड़कर फिर उसे होस्ट के अंदर डाला था तो बी सी डी ए ये होना चाहिए चेक करो एक बार आप लोग सब किसने सही आंसर दिया है कितनों का सही आंसर है जल्दी से बताओ सही है सही है सबका ठीक है ना देख लो देख लो फटाफट से एक बार कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सारे स्टेप्स एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो एनसीआरटी के सीक्वेंस में दिए हुए हैं ये पहले कटिंग करिए फिर जेल से सेपरेट करेंगे टुकड़े को फिर एम्प्लीफिकेशन करेंगे फिर होस्ट के अंदर डालेंगे चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर नहीं है ये वेक्टर है ये वेक्टर है प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज ये सब वेक्टर्स हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको पढ़ाएंगे और ये तो हमने पढ़ा ही है प्लाज्मेड है आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मेड है ये दिस इज नॉट अ वैक्टर मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी बायोटेक एप्लीकेशन के अंदर ये आएगा कि प्रोब जो है ये वेक्टर नहीं होता है ये क्या होता है उसे मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूल होता है ये विल रीड सो अब मेरे सारे प्यारे प्यारे, प्यारे स्टूडेंट्स कल हम मिलेंगे सेम टाइम पर थ्री थर्टी पर बायोटेक एप्लीकेशंस का चैप्टर करेंगे टुमारो यानी वेडनसडे को नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तब तक आपकी ड्यूटी है कि इस चैप्टर को अच्छे से पक्का कर लेना पीडब्ल्यू ऐप पर इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे ऑल राइट चलिए सो लव यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑल माई ब्लेसिंग्स विथ यू ऑल स्ट्रेस नहीं लेना टेंशन नहीं लेना टाइम बर्बाद नहीं करना है जो कॉन्ट्रोवर्शियल है एक दो टॉपिक्स एन के पी में उसको छोड़ो अभी जो है उसको पढ़ो क्योंकि पढ़ने वाला भी बहुत बड़ा पोर्शन है जो बुक है उसी से पढ़ो ओल्ड है ओल्ड से पढ़ो न्यू है न्यू से पढ़ो न्यू वाले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो उन्हें ओल्ड से पढ़ना होगा उसका मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी बट अभी पढ़ाई का समय वेस्ट नहीं करना बाय एवरी गुड नाइट टेक केयर